नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हल्ला बोल सीरीज नॉर्सेट 2021 और जो आपसे वादा किया था उत्कर्ष परिवार ने कि इमरजेंसी ओटी आईसीयू की क्लास बहुत ज़्यादा जानदार और शानदार क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे जो नॉर्सेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो वो दिन आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, अब दिल्ली दूर नहीं है, वो दिन आ चुका है। आज ही की क्लास में डील करेंगे क्या होती है इमरजेंसी, क्या होता है ऑपरेशन थिएटर, क्या होता है आईसीयू, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके नॉर्सेट के रिगार्डिंग वाली सारी की सारी खोल के रख दूंगा आज की क्लास के अंदर। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन की। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर, जल्दी से मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कर देना जिसका ख्वाब नॉर्सेट है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। हर एक मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द क्वेश्चन बन सकता है आज की क्लास से, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिएगा, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से, लेकिन प्लीज कोई भी बच्चा कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। और आज की क्लास के अंदर आपको ऐसा लगेगा एक बार का की अलग सी दुनिया में आ गए। अरे पता नहीं सर क्या बेवकूफ की चीजें ले आए, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन नॉर्सेट का पेपर देने जाओगे उसको हूबहू आपको पता चल जाएगा कि सर ने उस दिन क्लास में बताया था लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो बड़े कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना आज की क्लास को, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा डियर। मैं पूरी अपना जी जान लगा दूंगा आज की क्लास में और आप पढ़ने में लगा देना। विच इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट हु सडनली डेवलप ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अरे भैया जी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर बात करें कि एक मरीज है जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया। अरे क्या हो गया भैया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया। क्या होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी हार्ट फड़फड़ाने लग गया। वेंट्रिकल आपके हार्ट के अंदर चेंबर पाया जाता है, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल क्या हो गया, फड़फड़ाने लग गया। अरे वेंट्रिकल की रेट कितनी हो गई, लगभग 250 से 400 बीट बढ़ गई है। अब आपका वेंट्रिकल कितना फड़फड़ा रहा है, 250 से 400 बीट पे फड़फड़ा रहा है। जब ईसीजी देखोगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले मरीज की ईसीजी देखोगे तो ऊटपटांग सी ईसीजी नजर आएगी, क्योंकि याद है कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, क्यूआरएस बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है भैया, क्यूआरएस बनता है। जब क्यूआरएस नजर ही नहीं आएगा तो ऐसा नजर देखने को मिलेगा, याद रख लेना। वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में ये क्यूआरएस देखने को मिलता है, ये कंडीशन होती है आपकी वीटी वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, याद रख लेना। यहां हार्ट रेट 150 से 200 होगी, यहां कितनी होगी, 150 से लेकर के 250 होगी। लेकिन अगर आपके वेंट्रिकल की साइज कितनी बढ़ जाती है, 250 से 400 बीट से ज्यादा धड़कने लग जाए, यानी कंडीशन बोलूं तो फड़फड़ाने लग जाए, तो समझ जाना ऐसी ईसीजी की लीड देखने को मिलेगी। तो यहां ट्रीटमेंट क्या करोगे, पहले ने बोला है कार्डियो वर्जन कर दे। अरे कार्डियो वर्जन का मतलब होता है मरीज को मेडिसिन के रूप में भी कर सकते हैं और करंट के रूप में भी कर सकते हैं। कार्डियो वर्जन दो प्रकार के देखने को मिलेगा, एक होगा फार्मेकोलॉजिकल, यानी जो आप डीप है क्या करो उसको एरिथमाज वाली एंटी एरिथमाज ड्रग दे दो, और दूसरा होगा आपका कौन सा मरीज को इलेक्ट्रिकल करंट दे दो, दूसरा नेक्स्ट बोल रहा है इंट्यूबेट कर दो, यानी मरीज को इंट्यूबेट कर दो ताकि उसको बचा ले। तीसरे ने बोला डीफेब, हाथों हाथ क्या लगा दो, डी फेब लगा दो, और लास्ट बोल रहा है एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन लगा दें। तो याद रखिएगा क्या दोगे, पहला बोल रहा है कार्डियोवर्जन, नहीं भैया याद रखिएगा, अगर यहां आपने 10 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लिया तो फिर 12 दिन की तैयारी कर लेना। याद रखिएगा मैंने क्या बोला है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के मरीज में विद इन 10 to 20 सेकंड, विद इन 10 to 20 सेकंड अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इसकी जान नहीं बचेगी। तो अब 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, कार्डियोवर्जन में टाइम लगेगा, इंट्यूबेशन का कोई भी रोल नहीं है, एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन का कोई भी रोल नहीं है। क्या कर देंगे भैया, डी फेब देंगे। अरे मरीज को क्या लगाया जाएगा, डी फेब लगाया जाएगा। डी फेब का तरीका हर्ट की एबनॉर्मल एक्टिविटी को या एबनॉर्मल हर्ट बीट को नॉर्मल हर्ट बीट में कन्वर्ट करना, कंडीशन कहलाती है डी फेब। क्या कहलाती है, डी फेब बोले तो डिफिब्रिलेटर। चलिएगा आगे चलते हैं, फिर बताऊंगा डी फेब में क्या क्या देखने को मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, दोस्तों इस फोटो को देखो, पहचानो, जवाब दो जल्दी से कमेंट फास्ट डियर, जितना तेज आप कमेंट करोगे कसम खा के कहता हूं उतना कंटेंट डिलीवर करके चला जाऊंगा। आप सोचते रह जाओगे कि एक क्लास में इतना मैटर मिल गया, यानी आज की क्लास से एम्स दिल्ली के पेपर के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कंटेंट निकलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आज की क्लास से जल्दी से इस फोटो को पहचानो और जवाब दो। आपको इसके दो पैड नजर आ रहे हैं, ऊपर इसका मीटर लगा हुआ है, ये आपका इसका मॉनिटर है, ऊपर की तरफ इसके लीड या वायर्स हैं, ये मशीन क्या कहलाती है, वेरी गुड, सबका आंसर आ जाना चाहिए, कौन सी है, डिफिब्रिलेटर मशीन है। ये मशीन कौन सी है भैया जी, डिफिब्रिलेटर है।
डिफिब्रिलेटर मशीन, अब क्यूसनों की झड़ी स्टार्ट होती है, डिफिब्रिलेटर तक तो पता चल गया, कब काम में लेते हैं डिफिब्रिलेटर, तो जवाब देना है वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया विदाउट पल्स या पल्स लेस, इसी को क्या बोल सकते हो, पल्स लेस, पल्स लेस वीटी के अंदर यह मोस्ट कॉमनली यूज होगा। और दूसरा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में याद रख लेना कंडीशन क्या बता दी, यानी अगर आपसे पूछ ले इंडिकेशन, अगर आपसे पूछ ले कौन से मरीज के अंदर डीफेब लगाना है, तो जवाब देना पल्स लेस वीटी, जिसके अंदर बिल्कुल पल्स फील नहीं होगी, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया हो रहा है, क्या कर दो फर्स्ट चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट जवाब देना है डीफेब। दूसरा आपसे पूछेगा कि मरीज है किसका, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले मरीज में ट्रीटमेंट क्या दोगे, डीफेब देंगे सर, क्या ट्रीटमेंट दोगे, डी फेब देंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, अब याद रखिएगा डी फेब दो प्रकार से दिए जाते हैं, एक होता है सिंक्रोनाइज, दूसरा होता है एसिंक्रोनाइज। एक क्या होगा, सिंक्रोनाइज होगा, और दूसरा कौन सा होगा, एसिंक्रोनाइज। अरे सिंक्रोनाइज का मतलब जब मरीज के अंदर, जी हाँ आज तो राफेल से भी ऊपर चलेंगे, ये मेरी गारंटी है, जल्दी से मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कर देना, आज स्वार्थी मत बनना, आज सारथी बन जाना, जैसा सर बोलते हैं आज सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होगा, जब आपको आर वेव देखने को मिले, अरे भैया जी आपको अगर ईसीजी के अंदर जब आर वेव देखने को मिले, उसी टाइम अगर मरीज को क्या लगा रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल करंट पासेज कर रहे हो, ये कंडीशन कहलाएगी सिंक्रोनाइज। और नेक्स्ट कंडीशन आती है, ना तो आपने आर देखी, ना आपने पी देखी, ना आपने क्यूआरएस देखा, कुछ भी नहीं देखा, विदाउट आर, विदाउट आर या कुछ भी नहीं देखे हुए आप मरीज को क्या लगा रहे हो, इलेक्ट्रिकल करंट पास कर रहे हो, कंडीशन कहलाएगी एसिंक्रोनाइज। तो सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज में समझ गए सर। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे, जी हां कार्डियो वर्जन सिंक्रोनाइज होता है, वेरी गुड डियर, इसी को क्या बोलोगे, इसमें कार्डियो वर्जन बोल सकते हो, क्लियर है, वहां आर वेव देख के देंगे। नेक्स्ट कैसे दिया जाता है, दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोफेजिक और दूसरा बाइफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब एक साइड में लगा देंगे, बाइफेजिक का मतलब दोनों साइड में लगा देंगे, चलेगा। कितने टाइप बता दिए, दो, क्या क्या बता दिया भैया, एक बता दिया मोनोफेजिक, एक होगा मोनोफेजिक और दूसरा कौन सा होगा, बाइफेजिक। जब मरीज के एक साइड में लगाओगे तो करंट कितना लगाया जाएगा, 360 जूल, कितना करंट दोगे मरीज को, 360 जूल दिया जाता है मोनोफेजिक, यानी एक साइड में। बता दूंगा सारी बहुत नई चीजें आएगी, बाइफेजिक के अंदर क्या होता है, 120 से लेकर के 200 जूल का करंट मरीज को दिया जाता है, 120 से लेकर के 200 जूल का अगर करंट आप मरीज को लगा रहे हो तो बाइफेजिक, यानी दोनों साइड में काम में लेंगे, और मोनोफेजिक का मतलब एक साइड में काम में ले रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपसे पूछे इसका प्रेशर क्या होगा, यानी मरीज के अंदर इसका प्रेशर कितना काम में लेना है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है 20 से 25 LBS प्रेशर कितना लगाना है इस पेड का, यानी मरीज की छाती के ऊपर कितना वजन लगाओगे, अरे छाती को तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, नहीं सर, हम सिर्फ 20 से 25 LBS का प्रेशर लगाएंगे, 20 से 25 LBS का ही प्रेशर लगाना है, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना। नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है न्यू बोर्न के अंदर, जी हां न्यू बोर्न के अंदर कितना करंट लगाओगे, तो आपको जवाब देकर के आना है 4 जूल पर kg बॉडी वेट। अरे कितना लगाओगे, 4 जूल पर kg बॉडी वेट, और किसी भी कंडीशन के दौरान 13 से 15 जूल से ज्यादा आपको न्यू बोर्न के अंदर करंट पास नहीं करना है, किसी भी सूरत के अंदर न्यू बोर्न के अंदर 13 से 15 जूल से ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना। नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन, अब आप दिमाग लगाओगे कि सर इतने क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, अगर नॉर्सेट के अंदर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यह क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, याद नहीं होता है, सब होता है याद, चीजें मिलेगी, चीजों को पढ़ लेना, मैं गारंटी देता हूं एग्जाम के अंदर हूबहू मेरी बातें याद आ जाएगी, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं, बस पढ़ते रहिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा, खुद के ऊपर विश्वास रखिएगा। अब यहां क्या बता दिया मैंने, ये 13 से 15 जूल से ज्यादा कभी भी नहीं देना है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि इसकी पेड की साइज, ये भी पूछा हुआ है, 3.5 वाली साइज काम में ली जाती है, ये क्या मैंने बता दी साइज ऑफ पेड। अरे भैया जी डिफिब्रिलेट देने से मरीज के अंदर पेड की साइज क्या होगी, कितनी साइज का पेड काम में लेना, कौन सी साइज का पेड काम में लेना है, तो याद रख लेना 3.5 इंच वाला पेड आपको काम में लेना, 3.5 वाली साइज आपको क्या करनी है, काम में लेनी है, इंपॉर्टेंट। जी हां धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे मना, आगे बढ़ तू, अब रुक मत भैया, अब रुकना नहीं है, चलिएगा पेसमेकर के बारे में डील करेंगे बाद में डियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डिफिब्रिलेट लगाने के लिए, यह संपूर्ण चीजें बता दी
कंडीशन बता दी, साइज बता दी, डिलीवर कैसे करना है, कौन सा करना है। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके दिमाग में पहले से फिट थी उनको रिवाइज करवा देता हूं। आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। अब ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी? नेक्स्ट देखिएगा, ये कोई मरीज है दोस्तों, ये अपनी रोज की क्लास के भाई साहब आज ढंग से बनाने पड़ेंगे क्योंकि आज इनकी अपने को गरज है। चलिए गए, ये देखिएगा, ये इन भाई साहब का क्या है भैया जी, ये इनका स्टर्नम है, ये इनका क्या है भैया जी, स्टर्नम है, और ये इनका क्या है, ये आपका देखिएगा इन भाई साहब का क्या है, हर्ट है। ये इन भाई साहब का क्या है, हर्ट है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। अब आपको एक तो कंडीशन हो गई एंटीरियर पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट पे आप लीड का प्लेसमेंट कहां करोगे? तो पहला जवाब देना है राइट, कौन सी कंडीशन में है? जी हाँ, राइट साइडेड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ये कौन सी साइड है? राइट वाली है। ये आपका लेफ्ट कौन सी साइड में? हर्ट वाली साइड में। यहां आपको क्या लगाना है? मिड क्लेविकल, यानी इसका जवाब जाएगा बिलो क्लेविकल। जवाब क्या दोगे भैया जी? बिलो क्लेविकल, बिलो क्लेविकल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। अरे भैया जी, बिलो क्लेविकल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको मरीज को एक पेड अप्लाई करना है। कौन सा? एक पेड आपको यहां अप्लाई करना है। डियर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिएगा, बड़ी ज्यादा काम आने वाली है एग्जाम के दौरान। यानी अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पेड कैसा, तो ये ले लीजिएगा, सर आपने एक पेड मरीज के छाती के यहां अप्लाई कर दिया। कर दिया क्या? जी हां, कर दिया। दूसरा पेड कहां अप्लाई करोगे? अपेक्स ऑफ द हर्ट। दूसरा पेड कहां अप्लाई करोगे? अपेक्स ऑफ द हर्ट। इसको क्या बोलोगे? ये पेड का प्लेसमेंट होता है जो एग्जामिनर आपको इमेज बेस के रूप में पूछ सकता है, इमेज बेस के रूप में पूछ सकता है। थर्ड नहीं होगा, मोस्ट कॉमन सेकंड होता है डियर, थर्ड नहीं जाएगा। मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछे तो सेकंड ही जवाब देना है, और सेकंड ऑप्शन में नहीं होगा तो थर्ड देना है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ऑथेंटिक कंटेंट है, चिंता नहीं करें डियर। यहां आपको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर रखना है। दूसरा मैंने क्या बता दिया? तो ये आपका हो गया, जी हाँ, अपेक्स ऑफ द हर्ट वाली कंडीशन में रख रहा है। ये वाली चीज क्या हो गई? ये तो एंटीरियर वाली कंडीशन हो गई। दूसरा होगा पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर। ये तो एंटीरियर, यानी दोनों आगे के आगे, एक पेड इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और धमाक से क्या लगा दिया आपने? करंट पास कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी? कि करंट कैसे पास होगा। तो करंट भैया जी याद रख लेना, राइट से लेफ्ट की तरफ करंट को पास करना है। करंट कैसे पास करोगे? राइट टू लेफ्ट की तरह आपको करंट पास करना है। राइट टू लेफ्ट के रो में आपको क्या करना है? करंट पास करना है डियर। सेकंड होगा डियर, सेकंड ही होगा, बोल दिया एक बार, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, ये तो मैंने बता दिया आपको इंटीरियर कंडीशन में। दूसरी कंडीशन आती है इंटीरियो पोस्टीरियर। दूसरी कंडीशन कौन सी आती है? इंटीरियो पोस्टीरियर। एंटीरियो पोस्टीरियर का मतलब भाई साहब के आगे भी लगाएंगे, पीछे भी लगाएंगे, आगे भी लगाएंगे, पीछे भी लगाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है डियर। अब देखिएगा, ये ले लीजिएगा, ये भाई साहब और ये इनकी बॉडी। अब क्या करोगे? आगे कहां लगाओगे? तो दोस्तों, एक तो साइड में जो अपन ने लगाया था अपेक्स ऑफ द हर्ट वाली कंडीशन में, यहां पेड अप्लाई करोगे। एक पेड तो यहां अप्लाई कर दिया अपेक्स ऑफ द हर्ट, और दूसरा पेड कहां अप्लाई करोगे? बिलो स्केपुला, बैक साइड के अंदर, बिलो स्केपुला आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। दूसरा पेड कहां अप्लाई करोगे? बिलो स्केपुला। याद रख लेना, क्या बोल दिया? बिलो, बिलो क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीरियो पोस्टीरियर देख लेना, एंटीरियर डायमीटर देख लिया, पेड का प्लेसमेंट। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? चलेगा, इसी प्रकार से मरीज के अंदर करंट डिलीवर करना है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा डियर। अब वापस से मैं आपको बता देता हूं उस चीज पे, ये डी फेव वाली कंडीशन थी, करंट देख लिया, मोनोफेजिक बाइफेजिक। अब इसके अंदर क्या करना है? मरीज को करंट डिलीवर करने से पहले, मरीज को करंट डिलीवर करने से पहले आपको पता करना है कि मरीज के कोई साथी ने बेड को नहीं पकड़ रखा है, तो उनको बोलना है। सबसे पहला जो क्लियर काम में लोगे उसका मतलब है आप लोग दूर हट जाओ। पहला क्लियर काम में लेने का मतलब क्या है? कि आप लोग दूर हट जाओ। दूसरा क्लियर लेने का मतलब देखो कि वो हट चुके हैं। तीसरा क्लियर बोलते ही धमाक से करंट पास कर दो। तीसरा वो क्लियर बोलते ही आपको क्या करना है? मरीज में धमाक से करंट पास कर देना। ये वाली कंडीशन होगी। तो यहां आपको क्या करना है? यूज, यूज थ्री क्लियर। क्या काम में लेना है? थ्री क्लियर। और थ्री क्लियर का मतलब आई क्लियर, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर।
ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रख लीजिएगा डियर। यानी मरीज कोई भी किसी भी कंडीशन में मरीज बेड को पकड़ के खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वो लेट जाएगा, मरीज उठ जाएगा। मरीज तो उठ जाएगा, अटेंडर लेट जाएगा, तो ऐसी कंडीशन का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, कार्डियक जेली आपको अप्लाई करनी है ताकि मरीज में बर्न को प्रिवेंट करना। इसका कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछेगा, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, तो बर्न देखने को मिलेगा, यानी जल जाएगा। और जलने से बचाने के लिए जेली को अप्लाई करना है, जलने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, जेली अप्लाई करना है इस कंडीशन के अंदर। और नेक्स्ट आपको याद रखने वाली कौन सी चीज होगी, मरीज को दूर करना है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डी फेब देने से पहले O2 को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। अगर मरीज को ऑक्सीजन चल रही है तो ऑक्सीजन को बंद कर लेना, वरना क्या हो जाएगा, फायर सेटिंग, यानी आग लग जाएगी। वरना क्या हो जाएगा, फायर सेटिंग हो जाएगी, बर्न हो जाएगा, आग लग जाएगी। यानी मरीज को डी फेब देने से पहले क्या बंद करोगे, ऑक्सीजन को बंद करेंगे। डी फेब देने से पहले मरीज के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बंद करेंगे। क्लियर है, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 3 क्लियर आपको काम में लेने। और नेक्स्ट, अगर इसके कारण कोई रेस्पॉन्ड देखने को मिले तो अच्छी बात है, अगर देखने को नहीं मिले तो क्या करना है, फिर से आपको डिलीवर करना है नेक्स्ट कंटेंट। जी हां, थोड़ी देर बाद आपको फिर से देना है, लेकिन एक सीए आप डी फेब दे दिया, उसके बाद मरीज में सीपीआर दो, और सीपीआर के दौरान मरीज को ऑक्सीजन और ब्रीथिंग दो, फिर से डी फेब दो, तो ये वाला कांसेप्ट आपका डी फेब का रहेगा। या मैंने अभी करंट के बारे में बता दिया था, ये देख लीजिएगा, करंट का बताया था मैंने, कहां बताया डियर, ये रहा। या मैंने बता दिया 360 जूल लगाओगे मोनोफेजी के अंदर, तो अगर फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन में फिर से 360 लगाएंगे। लेकिन 20 से जो 120 से 200 है, इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी 200 से 260 कर देंगे, और 260 से 360 तक अपन पहुंच जाएंगे। यानी धीरे धीरे करंट को बढ़ाएंगे, अगर उसके कारण मरीज में इफेक्टिवनेस देखने को मिले तो ठीक है, नहीं तो इसको रोक करके मरीज में क्या लगाएंगे, सीपीआर। तो इसी के साथ में आपको सीपीआर और दूसरे सारे रीसस्टेशन के इक्विपमेंट आपके बेड साइड अवेलेबल होने चाहिए। जी हां, ऑक्सीजन बंद करने का बोल दिया, वरना आग लग जाएगी। लेकिन इस बार अपन आग कहां लगा देंगे, एग्जाम सेंटर में लगा देंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डी फेब का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेड की साइज वगैरह लोकेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, इस प्रकार से आपने पेड को अप्लाई किया डियर, अब मुझे इस फोटो के अंदर देख करके बताओ कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है या थर्ड है। चलिएगा, इस फोटो को मैं जूम कर देता हूं, ध्यान से इस फोटो को देखिएगा और जवाब दीजिएगा डियर। इस फोटो को ध्यान से देख करके जवाब दीजिएगा कि यहां आपको कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस नजर आ रहा है। कमेंट फास्ट डियर, मैं आप ही लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं। चलिएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये रहा। एंटीरियर तो वही वाली लोकेशन ले ली, अपेक्स ऑफ द हर्ट, और दूसरा कौन सा ले लिया, जस्ट बिलो द स्केपुला, जस्ट बिलो द स्केपुला ले लिया। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। लगा दे आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन कहानी, इसे कहते हैं। चलिएगा, इस फोटो के अंदर देखिएगा, नन्ना मुन्ना ये मैंने लाइन खींच दी। अरे ये आपकी सुंदर सुंदर क्लेविकल दिख रही है, नहीं दिख रही है। अरे यहां कहां से लाओगे, थर्ड लाओगे, नहीं लाओगे। अरे कहां से गुस्सा दोगे, पकड़ के ऊपर लाना पड़ेगा, नहीं ला पाएंगे। सर ये फर्स्ट इंटरकोस्टल, और ये कौन सा हो गया, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ये वाली कंडीशन कौन सी आ गई, अपेक्स ऑफ द हर्ट। ये कौन सी आई, अपेक्स ऑफ द हर्ट, यानी ये तो आपने लगा दिए मरीज के इंटीरियर पार्ट पे। दूसरा कहां लगा दिया, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर, यानी आगे भी और पीछे भी, एक आगे एक पीछे लगा दिया झटका, पिचका करके कर दी हर्ट रेट को ठीक। भाई साहब की धड़कने सेट, तो भाई साहब भी खुश, भाभी जी भी खुश। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। इस फोटो को देखें, पहचाने और जवाब दें डियर, इस फोटो को देखें, पहचाने और जवाब दें। थैंक यू सो मच डियर, जल्दी से। जी हां, ब्यूटी बोन, सुंदरता वाली बोन, इसी को बोला जाता है। तीन बार, तीन बार, तीन बार देना है, अगर फर्क पड़े तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको नहीं देना है। चलेगा, जस्ट बिलो द स्केपुला जवाब दीजिएगा। हाँ, नन्ना मुन्ना भी खुश हो जाएगा, जैनी यादव, नन्ना मुन्ना भी खुश हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। अब अगर आपसे मैं पूछ लूं ये वाला कलर क्या होगा, ये वाला कलर क्या होगा, ये वाला, ये वाला, अरे भैया ये वाला, वो वाला, सारे वाले पढ़ा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये आपकी एनेस्थेटिक की मशीन पे लगी हुई वेपर बोटल है, एनेस्थेटिक की मशीन पे लगा हुआ वेपर बोटल का एनेस्थीसिया है, ये कौन सा देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा आएगा आपका, सेवोफ्लुरेन,
सेवोफ्लुरेन कैसा होता है? येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का। नेक्स्ट कौन सा होता है? आइसोफ्लुरेन होता है। आइसोफ्लुरेन सर कैसा होता है बता दो तो? पर्पल कलर का। किसी को आगे बोलना मत। कैसा? पर्पल कलर का। नेक्स्ट आपसे पूछेगा हेलोथेन कैसा भैया जी? हेलोथेन कैसा होगा सर? तो ये आपका होगा भैया जी रेड कलर का। नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा? एनफ्लुरेन। नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे कैसा पूछेगा? एनफ्लुरेन पूछ सकता है। एनफ्लुरेन पूछे तो जवाब दे देना ऑरेंज कलर का हो सकता है। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? डेस्मोफ्लुरेन। डेस फ्लुरेन भैया जी कैसा होगा? तो ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारे कलर कोड आपको याद होने चाहिए डियर। मैंने सबसे पहला बता दिया सेवोफ्लुरेन, यानी एग्जामिनर आपको येलो बोतल के ऊपर मार्क करके पूछ ले तो इसके अंदर क्या है? तो सेवोफ्लुरेन है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि आइसोफ्लुरेन की बोतल कैसी होगी? तो पर्पल कलर की होगी। नेक्स्ट पूछ सकता है हेलोथेन की बोतल कैसी होती है? तो रेड कलर की होती है। नेक्स्ट पूछ सकता है इनफ्लुरेन का कलर कैसा होगा? तो ऑरेंज कलर होगा। और डेसफ्लुरेन का कैसा होगा? तो ब्लू कलर होगा। ये सारे के सारे कलर कोड आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये कहां मदद करते हैं? जैसे ही मरीज ने आपको कोई एनेस्थीसिया देकर के सर्जरी को स्टार्ट कर दिया, सर्जरी के दौरान मरीज में फील आ रहा है कि वो पुराना वाला एनेस्थीसिया कम हो गया और मरीज की लंबी सर्जरी चलनी है, उस कंडीशन के दौरान इससे क्या करोगे? धीरे से हल्का सा एनेस्थेटिक इफेक्ट और ले आओगे। इससे थोड़ा सा एनेस्थेटिक इफेक्ट क्या करोगे? और उसमें डिलीवर कर दोगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेरी बात को सुन लेना, ये कहां काम आएंगे? तो मरीज को एनेस्थीसिया चल रहा है, लेकिन जो सर्जरी 3 घंटे में होनी थी वो सर्जरी 8 घंटे तक पहुंच गई, 9 घंटे तक पहुंच गई। अब उस मरीज को कोई बिठा करके वापस से स्पाइनल लगाना तो पॉसिबल होगा नहीं। फिर क्या करना है? या तो मरीज को मिडाम वगैरह देते जाओ, मिडाजोलाम वगैरह से स्टेबल करते जाओ। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? इनमें से थोड़ा सा कोई डिलीवर कर देना जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, एनेस्थेलॉजिस्ट, क्लियर है? उसके माध्यम से अपन क्या कर देंगे? उसका एनेस्थेटिक इफेक्ट को बढ़ा देंगे, उससे एनेस्थेटिक इफेक्ट को बढ़ा देंगे। चलू आगे। अरे इसमें क्या ट्रिक है? आराम से याद कर लो, येलो एस वाई आई पी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? ईओ HR और DB, आराम से याद हो जाएंगे डियर। ये तो ज्यादा हार्ड ही नहीं है। चलेगा, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखो और पहचानो और जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं CO2 का सिलेंडर का कलर कोड क्या होगा, CO2 के सिलेंडर का कलर कोड क्या होगा, जल्दी से धमाधम कमेंट करके बताएगा डियर। ये सेकंड नंबर बी नंबर का कमेंट करके बताएगा, बी वाला सिलेंडर कौन सा है भैया जी, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। राफेल की तरह आज जितना आप राफेल बनाओगे, जितने बच्चों को जोड़ के दिखाओगे, उतना जानदार और शानदार बना दूंगा, इस सेशन को यादगार बना दूंगा, यह मेरी गारंटी है दोस्तों। मैंने पूछा है बी वाला बताना है आपको, बी वाला। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज ब्लॉक बी, बी वाला कौन सा होगा? बी वाला भैया जी होता है CO2, और CO2 का कलर क्या होता है? ग्रे कलर का होगा। फर्स्ट कौन सा होगा सर? ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। कलर क्या होगा? तो टॉप तो होगा व्हाइट, टॉप तो क्या होगा सर? व्हाइट होगा, लेकिन इसका बॉटम क्या देखने को मिलेगा? बॉटम कैसा होगा? अरे काला, यानी ब्लैक बॉटम का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ये किसका है? तो भैया जी ये ब्लू कलर में देखने को मिल रहा है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और लास्ट में किसका लिखा हुआ है? लास्ट में कौन सा लिखा हुआ है डियर? जल्दी से कमेंट करके बताएगा कौन सा सिलेंडर है। ऑप्शन डी को सेलेक्ट करके जल्दी से बताएगा कौन सा लिखा हुआ है। हीलियम लिखा हुआ है। क्या है भैया जी? हीलियम का ये सिलेंडर रहेगा। और ये कैसा कलर का होगा? ब्राउन कलर का। जी हां, भूरे कलर का अगर सिलेंडर नजर आए तो आपको जवाब देना है हीलियम। सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद में CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और एम्स दिल्ली पूछेगा, गारंटी है सिलेंडर के बारे में पूछेगा डियर। ये ले लीजिएगा डबल स्टार, याद रखिएगा ये ऑक्सीजन का। अब अगर मैं पूछ लूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना पाया जाता है, अरे भैया जी ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर कितना पाया जाता है, तो जवाब दे देना है 2200 LBS। और सर 2200 LBS नहीं, हमें तो केजी में बताओ, तो 1000 kg पर इंच स्क्वायर के अंदर आपका इसका प्रेशर पाया जाता है। याद रखिएगा, इंच स्क्वायर के अंदर इसका प्रेशर पाया जाता है। नेक्स्ट एम्स दिल्ली आपसे पूछ सकता है पाइप का प्रेशर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑक्सीजन के पाइप का प्रेशर किसका पूछ सकता है? ऑक्सीजन के पाइप का
प्रेशर कितना होगा, पाइप का प्रेशर तो जवाब देकर के आना है 50 से 60 LBS, कितना होगा 50 से 60 LBS पर इंच होगा। लेकिन वो अगर केजी में पूछ ले, अरे केजी में, एलकेजी में, यूकेजी में, कहीं भी पूछ लो, हम जवाब दे देंगे, तो जवाब देकर के आना है 22 से 28 LBS, 22 से 28 पर केजी स्कोर। याद रखिएगा मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर क्या बता दिया, 2200 LBS, लिब्रा पाउंड सिस्टम के अंदर 2200 बताया, लेकिन 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 केजी में पूछे तो 1000, पाइप का प्रेशर वैसे पूछे तो जवाब देना है 50 से 60, 22 से 28। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिली, ये आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ये CO2 का होगा, ये नाइट्रस ऑक्साइड का होगा, ये हीलियम का होगा। अब नेक्स्ट एग्जामिनर पूछेगा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान कौन सा सिलेंडर काम में लेना है, अरे किसका पूछ लिया, लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के अंदर, तो जवाब दे देना है CO2 काम में लेंगे। लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान बॉडी की कैविटी को इन्फ्लेशन करने के लिए, अरे भैया जी एक पेशेंट में अंदर एब्डोमिनल कैविटी की सर्जरी कर रहे हो, पेट को फुला फुला करके मोटू सा करना है, कौन सी गैस डाल दूं, CO2 डाल दो। मैंने बताया था जब मरीज के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में CO2 डालोगे इन्फ्लेशन के लिए, पेट को बड़ा करने के लिए, तो वो रेडिएंट होकर के कहां जाएगी, मरीज में शोल्डर पेन करेगी, वो जाकर के मरीज में क्या करेगी, शोल्डर पेन करेगी, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, क्या करेगी, शोल्डर पेन करेगी, याद रख लेना, क्या करेगी, शोल्डर पेन करेगी। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है नाइट्रस ऑक्साइड और हीलियम का यूज क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और हीलियम का यूज होता है डियर एनाल्जेसिक के रूप में, कहां होगा, एनाल्जेसिक के रूप में और एनेस्थेटिक के रूप में, एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में इसका यूज लिया जाता है, याद रख लिया ना, किसके रूप में, एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवाइयों के रूप में, और नेक्स्ट क्या, एनेस्थीसिया यानी ऑपरेशन थिएटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान लगा करके, दिल लगा करके, सोच सोच के जवाब दीजिएगा। एग्जामिनर पूछेगा आफ्टर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर पेशेंट फील है रेडिएंट है शोल्डर पेन, तो आपको बोलना है नॉर्मल फाइंडिंग, आपको बोलना है नॉर्मल फाइंडिंग। अरे ये नाइट्रोजन वाली कौन सी है पता है ना, जी हाँ, लाफिंग गैस। अब नेक्स्ट आपको इनके प्रेशर बताने की जरूरत है क्या सबके, जी हाँ, हीलियम गैस यूज क्यों करते हैं, अरे हीलियम का बता दिया, एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक के अंदर दोनों का यूज होता है, नाइट्रस का और हीलियम का। नेक्स्ट एग्जामिनर क्या पूछ सकता है डियर आपसे इनके बारे में कि एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कितनी होती है, इंस्पायरेशन कितनी करोगे, एक्सपायरेशन कितनी करोगे, तो याद रख लेना, अगर पूछ ले O2 का, अगर पूछ ले CO2 का, अगर पूछ ले आपको N2O का, नेक्स्ट बता देना इंस्पायरेशन और दूसरा उसको बता देना एक्सपायरेशन। अरे ऑक्सीजन लोगे कितनी, 21, CO2 लोगे कितनी भैया जी 0.04%, नाइट्रोजन लोगे कितनी 78%, छोड़ोगे कितनी 78 ही छोड़ेंगे। अगर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सियल में पूछ ले तो 4% आपके प्रोटीन यूटिलाइजेशन के लिए काम आ जाता है, अगर बहुत ज्यादा डीप में ले जाकर के पूछे तो ये 4% वाला दिमाग लगाना है, नहीं तो जितनी ले ली उतनी की उतनी वापस से छोड़ दी। अरे CO2 0.04 ली लेकिन वापस से 4 छोड़ी, ऑक्सीजन 21 ली लेकिन एनवायरमेंट में कितनी छोड़ी, 16% छोड़ी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां बनेगा कि आपने जब एनवायरमेंट के अंदर 16% ही छोड़ी है डियर, तो अगर किसी भी मरीज को माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करा रहे हो, अगर किसी भी मरीज को क्या करा रहे हो, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करा रहे हो, तो उसको कितनी डिलीवर करोगे, 16%, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अरे उसको कितना डिलीवर कराओगे, तो आपको जवाब देना है कितना, 16%। क्यों सर, क्योंकि हम खुद ही 16 छोड़ रहे हैं तो उसको ज्यादा कहां से दें, आपने कितनी ली थी, आपने तो 21 ली थी, हमने तो खुद ने ली थी भाई साहब, हमने किसी से उधारी थोड़ी मांगी थी, लेकिन उस मरीज को तो हम उधार दे रहे हैं, हमारे उसके ऊपर एहसान है कि हम उसको ऑक्सीजन तक दे रहे हैं, तो उसको कितनी देंगे, 16, खुद कितनी लेंगे, 21, खुद ने CO2 ली कितनी, 0.04%, छोड़ कितनी दी, 4, ली 78, दे दी 78, बहुत ज्यादा डीप में ले जाकर के पूछे तो बोल देना 4% बॉडी में यूज हो जाती है, वापस 74, लेकिन अभी तक का आपका ये रटा रटाया क्वेश्चन यही आता है, 78 78, क्लियर हो गया डियर। ये ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बता दी इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर आपको पता होगा एक वॉल्व बॉटल लगी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर आपने देखी होगी एक वॉल्व बॉटल लगी होती है इस प्रकार की, इसके ऊपर इसका मीटर लगा होता है, इसके अंदर पानी भरा रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, पानी भरा रहता है, ये क्या काम कराता है, ह्यूमिडिफाइड
क्या करता है, ह्यूमिडिफाइड करता है ऑक्सीजन को। याद रखिएगा ऑक्सीजन क्या होती है, ड्राई होती है, और जाकर के क्या करेगी, नेजल म्यूकोजा को क्या करेगी, इरिटेट करेगी। और जब आपकी नेजल म्यूकोजा को इरिटेट करेगी तो उससे बचाने के लिए क्या कर दो, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अगर मरीज को मोर देन 2 लीटर अगर ऑक्सीजन दे रहे हो, 2 लीटर से ज्यादा अगर मरीज को ऑक्सीजन दे रहे हो, आपको क्या करना है, उस ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड करना है, यानी पानी के साथ में देना है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जी हाँ पानी भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्टराइल डिस्टिल वाटर बोल देना चाहिए, पानी बोल देना, सिंपल सा पानी भरा हुआ है। अरे सारी चीजें पढ़ा दूंगा, अरे लास्ट में क्लास के एंड में पूछूंगा तब जवाब देना कि सर आपने वो नहीं पढ़ाया, वो पढ़ाना, सारी चीजें पढ़ा देंगे। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कैसे ओपन किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, जी हाँ एंटी क्लॉकवाइज क्या करोगे, इसको ओपन किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन करने का तरीका क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे डियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, 5 नंबर का इंसिजन का नाम बताइएगा, आइडेंटिफाई द गिवन एंड शो द नेम ऑफ द 5 नंबर इंसिजन। 5 नंबर के इंसिजन का नाम बताइएगा, अगर नजर नहीं आती है तो फोटो बड़ी कर देता हूं। 5 नंबर के इंसिजन का नाम बताइएगा डियर, इस 5 नंबर के इंसिजन का नाम क्या होगा। जी हाँ अर्जुन सेंगर, क्या पूछना चाहते हो बेटा, पूछो। 5 नंबर के इंसिजन का नाम बताएगा जल्दी से, 5 नंबर का इंसिजन क्या रहेगा। LACS, बैटल इंसिजन, मैकबर्नी, बैटल। कमेंट फास्ट डियर, जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जिसका नॉर्सेट और नॉर्सेट ख्वाब है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डील करवाऊंगा। शुरुआत कर देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले 1 नंबर का इंसिजन, 1 नंबर का इंसिजन का नाम क्या रहेगा, कोचर इंसिजन। क्या बोलोगे, कोचर इंसिजन बोला जाता है, गोल ब्लैडर की सर्जरी के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 2 नंबर का इंसिजन कौन सा रहेगा, तो इसको बोलेंगे मिड लाइन इंसिजन। क्या बोलोगे, मिड लाइन इंसिजन बोला जाता है। क्या बोलोगे, मिड लाइन इंसिजन बोला जाता है। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर पूछेगा 3 नंबर के इंसिजन को क्या बोला जाता है, मैकबर्नी। क्या बोलोगे, मैकबर्नी बोला जाता है, मैकबर्नी इंसिजन। नेक्स्ट पूछेगा 4 नंबर के इंसिजन को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है भैया जी बैटल इंसिजन। क्या बोलोगे, बैटल इंसिजन। 5 नंबर के इंसिजन को क्या बोला जाएगा, लेंज इंसिजन। क्या बोलोगे, लेंज इंसिजन बोला जाएगा। नेक्स्ट आपसे 6 नंबर वाला इंसिजन का नाम क्या रहेगा, 6 नंबर इंसिजन के बारे में। जी हाँ, अभी भी बच्चा जो करंट के बारे में बता रहा है, इसका मतलब बेटा आपकी क्लास लेट चल रही है, लाइव क्लास के साथ में आ जाओ, बाकी रिमेनिंग बाद में देख लेना। 6 नंबर वाला इंसिजन क्या कहलाएगा, तो ये बोला जाएगा पैरा मिडलाइन। अरे भैया जी इसको क्या बोलोगे, पैरा मिडलाइन। अरे जितने आपको याद है नंबर के साथ में पुट करते जाएगा, लास्ट में मैच कीजिएगा कौन सा सही था कौन सा गलत था। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आज कमेंट नहीं देख रहे हैं, कमेंट नहीं करना है। अरे कमेंट करना है, मैं थोड़े से कमेंट इसलिए नहीं देख रहा हूं कि समय की सीमाएं रहेगी, मैक्सिमम कंटेंट आप तक डिलीवर करना है जो आपके इस बार नॉर्सेट के अंदर आग लगा दे। क्लियर हो गया, तो मैं कमेंट जरूर देखूंगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह उड़ाते जाएगा और जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जिसका ख्वाब नॉर्सेट है डियर। ये कौन सा रहेगा, पैरा मिडलाइन बोला जाएगा। अभी समझाऊंगा कैसे याद करना है ये पैरा मिडलाइन। 7 नंबर वाले को क्या बोलोगे भैया जी, ट्रांसवर्स बोलेंगे। क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स इंसिजन बोला जाएगा। 8 नंबर वाले को क्या बोलोगे, रदरफोर्ड मॉरिसन बोला जाएगा। क्या बोलोगे, रदरफोर्ड मॉरिसन। और लास्ट में 9 नंबर वाला क्या रहेगा, फेनेस्ट्रेल इंसिजन रहेगा। चलेगा, अब इंपॉर्टेंट चीज है, वापस से टॉपिक पे आ जाएगा, मैं सारे आपको याद करवा देता हूं। याद रखिएगा सबसे ऊपर, जी हाँ सबसे ऊपर आपके राइट साइड में जो इंसिजन लगा है, राइट साइड में नीचे क्या है, गोल ब्लैडर है। तो गोल ब्लैडर की सर्जरी करने के लिए कौन सा इंसिजन लगाओगे, तो जवाब देना है कोचर इंसिजन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, तो कोचर फोर्सेप की आम में ली जाती है। पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा क्या लिखा हुआ, आराम से याद कर पाओगे डियर। देखो मिड लाइन में, अरे बीचों बीच लगा रखा है तो कैसा नजर आ रहा है, मिड लाइन इंसिजन। तो इसका नाम मिड लाइन, मिड से थोड़ा सा साइड में
बैठ गया, इसको क्या बोल दिया? पैरा मिडलाइन। अरे मिडलाइन से थोड़ा सा साइड में हो गया, इसको बोल दिया पैरा मिडलाइन इंसिजन। ये देखिएगा ये कैसा नजर आ रहा है, तो सर ये ट्रांसवर्स नजर आ रहा है, इसको ट्रांसवर्स बोल दें। यानी जो कॉमन से याद कर लो, फिर एक दो के ऊपर दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं। कोचर्स याद हो गया, मिडलाइन हो गया, पैरा मिडलाइन हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। ये नीचे की तरफ जो आपका जस्ट अबोव द पेरिनियम सिम्फिसिस प्यूबिस लगा हुआ है, याद रख लेना, ये मोस्ट कॉमन फीमेल के अंदर काम में लेते हैं। याद रख लेना ये कौन सा है, पफेनल स्टील बोला जाता है, या इसी का दूसरा नाम होता है फेनेस्टेल इंसिजन। ये मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है एलएसीएस के पेशेंट के अंदर। मोस्ट कॉमनली किसमें लोगे? एलएसीएस यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के अंदर। फीमेल के अंदर कौन सा इंसिजन लगाया जाता है? तो जवाब देना है फेनेस्टेल इंसिजन लगाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा बच गया? आठ नंबर। जी हां, इस साइड में कोई इंसिजन नहीं है, एक ही लगाया और उसका नाम क्या है? रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन है। कौन सा लगाया? तो एक ही लगाया, आठ नंबर बोले तो लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन सा लगाया? तो लेफ्ट साइड में लगाया रदरफोर्ड मॉरिसन। अब यहां कंफ्यूजन वाले आते हैं, तो आपको पता होगा अम्लाइकल कोड से टू थर्ड पार्ट पे इंसिजन जो लगता है, अम्लाइकल कोड से जो टू थर्ड पे जो इंसिजन लगता है उसका नाम है मैकबर्नी इंसिजन, या उसी को बोलते हैं गार्डियन इंसिजन। उसी को क्या बोलेंगे? जी हां, गार्डियन इंसिजन बोला जाता है। अब दो ऑप्शन बच गए, एक तो पांच नंबर और एक चार नंबर। तो याद रख लेना क्रिकेट का बैट क्या होता है? खड़ा। क्रिकेट का बैट कैसा देखने को मिलता है? खड़ा देखने को मिलता है भैया जी। जो बैट की तरह देखने को मिले उसको बोलेंगे बैटल, और जो पीछे बच गया वो है लेंज। तो जो लेटा हुआ दिखे वो है लेंज, और जो खड़ा खड़ा दिखे वो है बैटल। बैटल होगा बैट की तरह, जो लेटा हुआ है वो लेंज होगा। क्लियर है? जो लेटा हुआ है उसको लेंज बोलेंगे, जो खड़ा है उसको बैटल बोलेंगे। थैंक यू सो मच डियर धीरज, बहुत बढ़िया। चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्या होंगे? सारे के सारे इंसिजन होंगे जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम नॉर्सेट के लिए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? जी हां, मैकबर्नी काम में लिया जाता है अपेंडिक्स वाली सर्जरी के लिए। कौन सा लेंगे? अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए काम में लेंगे डियर। चलूं आगे, ये याद रख लेना, ये आपका जो मिड लाइन इंसिजन है ये काम में लिया जाता है अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के लिए। और अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन इज ऑल्सो नोन एज ए क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। उसी का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन बोला जाता है। यानी पुराने समय में ये काम में लिए जाते हैं। इसका डायमीटर पूछा हुआ है तो जवाब देना 15 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर तो अम्लाइकल कोड से ऊपर होगा और 5% नीचे होगा। चलिएगा वापस से बता देता हूं कैसा देखने को मिले। अगर ये इंसिजन आपसे पूछ ले तो इसको जवाब क्या देना है? मिड लाइन। क्या जवाब दोगे? मिड लाइन इंसिजन बोला जाएगा। किसके अंदर काम में लोगे? अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। इसी का दूसरा नाम मैंने क्या बता दिया? क्लासिकल। जी हां, इसी का नाम क्या बता दिया? क्लासिकल। और ये कब काम में लेते थे? ओल्ड टाइम में, पुराने समय के अंदर काम में लेते थे। याद रख लेना ये अम्लाइकल कोड, इससे कितना नीचे है तो 5 सेंटीमीटर, इससे कितना ऊपर है तो 10 सेंटीमीटर। टोटल ये इंसिजन कितना लगता है? 15 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाया जाता है। यानी पुराने समय में जब बच्चा पैदा होता था सिजेरियन सेक्शन से, तो पूरा पूरा पेट ऊपर से नीचे तक फाड़ा जाता था और साइड से खोला जाता था, खोल करके ऐसे लिया जाता था। तो ये इंसिजन, इसकी क्या दिक्कत हो गई? सर इसको बंद क्यों कर दिया? खूबसूरती चली गई। अरे भैया जी, भाभी जी, एक बार नन्हे मुन्ने को जन्म देने के बाद में खूबसूरती चली गई, क्योंकि उनका पेट फटाफटा नजर आता था, तो इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया और नया मॉडर्न वाला सुंदर वाला लेकर के आए, LACS लोअर सेगमेंटेड सिजेरियन सेक्शन। इसी का नाम क्या है? मॉडर्न। भैया जी, इसी का नाम क्या रख दिया? मॉडर्न इंसिजन नाम रख दिया, मॉडर्न सिजेरियन सेक्शन। यानी लेटेस्ट, तुरंत नया नया, ताजा ताजा, अच्छा अच्छा, खूबसूरत वाला। सर इसके अंदर कौन सा इंसिजन लगाएंगे? तो फेनेस्टेल नाम का इंसिजन लगाया जाता है। कौन सा इंसिजन लगाओगे? फेनेस्टेल नाम का इंसिजन लगाएंगे। और ये कितना होगा? अबो। जी हाँ, अबो, अबो, अबो कितना देखने को मिलेगा? 3 सेंटीमीटर टू सिम्फिसिस प्यूबिस। याद रख लेना, सिम्फिसिस प्यूबिस से 3 सेंटीमीटर पर अगर आपने इंसिजन लगा करके नन्हे मुन्ने को बाहर निकाल दिया, तो इसका जवाब क्या जाएगा? लोअर सेगमेंटेड सिजेरियन सेक्शन। और इसी का नाम क्या बोल दिया? मॉडर्न बोल दिया। चलो आगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे, गलत होते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जवाब दूंगा हर क्वेश्चन का, विथ रेशनल दूंगा। रटने का कंसेप्ट ना तो मेरे जीवन में है ना आपके जीवन में, मैं बनने दूंगा। चीजों को सिखाऊंगा, लॉजिक को दिखाऊंगा, और एग्जाम के अंदर सिलेक्शन कैसे लेना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। चलेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ए क्लाइंट हु हैज ए एक्रोमेगेली। अरे भैया जी, एक मरीज है जिसको बीमारी क्या है? एक्रोमेगेली है, एंड द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। और उसको क्या हो गया? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। अंडर गोज टू ए हाइपोफाइसेक्टमी। और अभी वो कहां जा रहा है? हाइपोफाइसेक्टमी करवाने जा रहा है।
द नर्स आइडेंटिफाई दैट द फर्दर टीचिंग अबाउट द हाइपोफाइसेक्टमी इज नेसेसरी व्हेन द क्लाइंट से आई नो आई विल। अरे भैया जी, नर्स ने बोला है, मरीज ऐसा क्या शब्द बोल देगा कि उसको वापस से समझाना पड़ेगा, बेटा तू रुक, तू बात गलत कर रहा है। तो चलिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। पहला तो एक्रोमेगेली क्या होता है, तो एक्रोमेगेली का मतलब इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। अगर किसी भी मरीज के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, कंडीशन कहलाएगी एक्रोमेगेली। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस को क्या बोलेंगे, डीएम फर्स्ट। चलिएगा, ये वाले कोई मरीज हैं, इन मरीज के अंदर आप क्या कर रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, हाइपोफाइसेक्टमी कहलाता है। तो पहला मरीज ने बोला है बी स्टेराइल फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, बोल रहा है कि चलो सर्जरी तो कर दो, मैं तो जिंदगी भर के लिए क्या हो जाऊंगा, स्टेराइल हो जाऊंगा, यानी मेरे सपनों के ऊपर तो आपने काली पोत दी है। दूसरा बोल रहा है रिक्वायर ए लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन देन आई डिड प्री ऑपरेटिवली। दूसरा बोल रहा है कि मुझे ऑपरेशन से पहले लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन लेना पड़ेगा। तीसरा बोल रहा है हैव टू टेक ए कोर्टिसोन एंड सिमिलर ड्रग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लाइफ, वो बोल रहा है कि मुझे कोर्टिसोल जैसी दवाइयां जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। तीसरा लास्ट बोल रहा है हैव टू टेक ए थायरोक्सिन एंड द सिमिलर मेडिसिन रेस्ट ऑफ द माय लाइफ। लास्ट वाले ने बोला थायरोक्सिन जैसी दवाइयां मुझे जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो कौन सा कथन असत्य है? अरे भैया जी, आपसे क्या पूछा है, फर्दर टीचिंग। अरे जहां मरीज को रोकेंगे, जहां मरीज गलत बोलेगा, तो पहला बोल दिया स्टेराइल हो जाऊंगा, हो जाएगा भैया। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया तो यहां से हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, जब यहां से आपके हार्मोन एफएसएच एलएच नहीं होंगे तो आगे जाकर के सेक्सुअल एक्टिविटी को एक्टिव स्टिमुलेट नहीं करेंगे, तो मरीज में क्या होगी, स्टेराइलाइजेशन हो गया, ये इनका कथन सही है। दूसरा नेक्स्ट क्या बोल दिया है कि अगर आपने क्या निकाल दी, पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया, तो यह आपके जाकर के किसको रिलीज नहीं करवाएगी, कोर्टिसोन हार्मोन को रिलीज नहीं करेगी, और बिना कोर्टिसोन के जिंदा रह जाओगे क्या, नहीं रहेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी एसीटीसी, जो जाकर के आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी और कोर्टिसोल रिलीज करेगी। लेकिन जब इसी को निकाल दिया तो ना तो स्टिमुलेशन जाएगा, ना रिलीज होगा, रिलीज नहीं होगा तो जिंदगी कैसे चलेगी, जिंदगी भर लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लास्ट बोल रहा है थायरोक्सिन, भैया ये दिक्कत है, ये अगर इसको निकाल दिया तो थायरॉइड ग्लैंड को कौन निर्देश देगा, और निर्देश नहीं देगा तो थायरॉइड ग्लैंड हार्मोन का रिलीज नहीं करेगी, रिलीज नहीं करेगी तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। तो ए सी डी तो सही है, लेकिन प्री ऑपरेटिव आपको लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। प्री ऑपरेटिव लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आपने ले लिया तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाओगे। क्लियर हो गया डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मरीज में ऑपरेशन से पहले मरीज को रखेंगे एनपीओ, जब एनपीओ रख दिया तो खाने पीने को कुछ नहीं मिला, मतलब बॉडी में क्या नहीं हुआ, बॉडी में बाहर से ग्लूकोज आया ही नहीं, जब बॉडी में ग्लूकोज नहीं आया तो इंसुलिन जाकर के किस पे काम करेगा, नहीं करेगा तो दिक्कत कर देगा। तो इस मरीज को क्या बोलना है आपको, भैया जी इंसुलिन लेना वाला निर्देश गलत है, बाकी सारी चीजें सही है। चलो आगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर देखिएगा कौन कौन सी चीजें। जी हाँ, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट आपके सामने आ चुकी है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जो कंटेंट मैं आपको बताऊं उन्हीं चीजों को पढ़ना है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, साइन इन लिखा हुआ है। दूसरा आपके सामने क्या लिखा हुआ है, टाइम आउट, और लास्ट में साइन आउट। अब याद रखने का तरीका क्या रहेगा, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में घुसे, ऑपरेशन थिएटर में घुसने के बाद आपको क्या कर दिया, एनेस्थेटिक की टेबल पर लेटा दिया गया। एनेस्थेटिक यानी एनेस्थोलॉजिस्ट आप में एनेस्थीसिया लगाने से पहले, एनेस्थीसिया लगाने से पहले जो भी काम के बारे में पूछेगा वो कंडीशन क्या कहलाएगी, साइन इन कहलाएगी। साइन इन का मतलब क्या हो गया, याद रख लेना, एनेस्थेटिक की नीडल आपकी बॉडी में घुसने वाली है, लेकिन घुसने से पहले आपसे कुछ पूछा जाएगा, वो सारी की सारी कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलेगी, साइन इन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या होगा, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन चालू करने से पहले मरीज क्या करेगा, टाइम आउट बोला जाएगा। ऑपरेशन यानी बॉडी में इंसिजन लगाने से पहले जो समय आता है वो कहलाता है टाइम आउट। और लास्ट आपसे क्या बोला जाएगा, सारी चीजें बता दूंगा, लास्ट ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने वाली कंडीशन क्या कहलाती है, साइन आउट। आते ही आपने क्या किया था, याद रख लेना, ड्यूटी पे जाते हैं तो क्या करते हो, साइन करते हो, निकलते टाइम क्या करते हो, साइन आउट। साइन इन का मतलब अंदर चले आए, साइन आउट का मतलब बाहर चले गए, लेकिन बीच में टाइम आउट आया था, टाइम आउट का मतलब ऑपरेशन चालू हो गया था। अब याद रखने वाली चीजें, या क्या बोला है, आप जब एनेस्थेसिया लगाने से पहले साइन इन के अंदर आपको क्या करना है, आइडेंटिफिटी साइट प्रोसीजर कंसेंट के बारे में पता करना है। नेक्स्ट आपको साइट को मार्क कर रखा है या नहीं कर रखा है, जिस बॉडी पार्ट पे आपको क्या करना है, ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया की सेफ्टी चेकलिस्ट, यानी मरीज को कोई पहला एनेस्थीसिया की एलर्जी वगैरह तो वो नहीं है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी होगी, इसी के अंदर अभी निकाल के बताऊंगा। एनेस्थीसिया की सारी चीजों को पता करना है, मरीज में पल्स ऑक्सीमीटर को देखना है, मरीज में किसी भी प्रकार की एलर्जी की हां ना के बारे में पता करना है। आपको क्या करना है, मरीज के एयर
एयरवे एस्पिरेशन की रिस्क के बारे में पता करना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है कि मरीज जाकर के एस्पिरेट कर लेगा। और नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है, मरीज के अंदर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के बारे में कौन सी स्टेज में पता किया जाता है, तो जवाब देना है साइन इन। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग का मतलब हो गया मरीज के अंदर पहले ही पता कर लो कि मरीज के अंदर ब्लीडिंग लेस देन 500 ml होगी या मोर देन 500 ml होगी। अरे भैया जी कितना पता करना है, या तो लेस देन 500 ब्लीडिंग होगी तो इतनी रिस्क नहीं है, अगर किसी भी मरीज के अंदर मोर देन 500 ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या देनी है, स्पेशल अटेंशन देनी है। क्या करनी है, स्पेशल अटेंशन देनी है। कब पता करोगे, तो साइन इन के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्या बता रखा है, 7 ml/kg फॉर द चिल्ड्रन, अगर किसी भी बच्चे के अंदर पूछ ले तो 7 ml/kg के अनुसार से ज्यादा अगर उसमें ब्लीडिंग होती है तो भी वो किस में जाएगा, हाई रिस्क के अंदर जाएगा। याद रख लेना, अगर कोई भी मरीज के अंदर आपको ऑपरेशन करना है और आपको पहले से पता है कि 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होने वाला ऑपरेशन है तो वो हाई रिस्क के अंदर जाएगा। और दूसरा, अगर कोई छोटा बच्चा है अगर उसके अंदर 7 ml/kg यानी अगर 10 किलो का बच्चा है अगर उसके अंदर 70 ml की ब्लीडिंग होने वाली है तो भी स्पेशल अटेंशन देनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये कब पता करोगे, तो जवाब देना है साइन इन में करेंगे, एनेस्थीसिया लगाने से पहले करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है, टाइम आउट यानी ऑपरेशन करने का समय आ गया। भैया टाइम आउट हो गया, टाइम आउट के दौरान क्या पूछा है, कंफर्म दो ऑल टीम मेंबर इन द इंट्रोड्यू देमसेल्फ। अरे इसके अंदर क्या करना है, आपस में इंट्रोडक्शन करवा दो टीम मेंबर के बारे में, मरीज का पेशेंट साइट प्रोसीजर देख लो, सर्जन सर्जन की रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लेगा कितना ब्लड लॉस वगैरह होगा, क्या प्रोसीजर है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अपनी चीजें सारी चेक कर लेगा, और नर्सिंग टीम क्या कर लेगी, ये पता कर लेगी कि सारी कैविटी स्टेराइल वगैरह है या नहीं, सारे इंस्ट्रूमेंट अपने पास में अवेलेबल है या नहीं है। यानी याद रख लेना, नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, नर्सिंग स्टाफ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करेगा, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अपनी चीज को चेक करेगा, और सर्जन अपनी चीज को चेक करेगा। ये कब करोगे ये। और नेक्स्ट आपका पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन था कि एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक का जवाब देना है विद इन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर जवाब नहीं देना, जवाब क्या देना है, विद इन 60 मिनट, यानी 60 मिनट के भीतर भीतर मरीज को क्या लगा होना चाहिए, एंटीबायोटिक लगाना जरूरी है, यस नो। और लास्ट में लिखा है इमेजिंग द डिस्प्ले, डिस्प्ले को इमेज करते रहना है। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज। यानी दूसरी कंडीशन टाइम आउट, लास्ट में ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मरीज को बाहर शिफ्ट करने से पहले जो समय आता है उसको बोला जाता है साइन आउट। इसको क्या बोला जाता है, साइन आउट, यानी बिफोर पेशेंट लिविंग द ऑपरेशन थिएटर वाला समय क्या कहलाएगा, साइन आउट। या क्या करना है, सबसे पहले जितने भी गोज वगैरह जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपने काम में लिए उनको काउंट करना है। काउंट कौन करेगा, तो नर्सिंग स्टाफ करेगा, डॉक्टर करेगा, संपूर्ण जो स्टाफ वहां अवेलेबल है वो चेक करेगा। याद रख लेना, कोई भी एक मरीज उसको चेक नहीं करेगा, सारे स्टाफ उसको चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना, प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर के डॉक्यूमेंट वगैरह ये सारी चीजें करनी है, और लास्ट में ये सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको चेक करें और डॉक्यूमेंट को मेंशन करें। उसके बाद में पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है तो उसको क्या किया जाएगा, शिफ्ट। या इंपॉर्टेंट चीज क्या बता दी, एक तो ब्लड लॉस के बारे में बता दिया, या इंपॉर्टेंट चीज क्या बता दी, एंटीबायोटिक के बारे में बता दिया, ये इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट में मेन चीज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह गमे हैं या रह गए हैं बचे हैं वो सारी चीजें कौन देखेंगे, तो सारे स्टाफ देखेंगे। डियर चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से पढ़ के जवाब दीजिएगा डियर। जी हाँ, चेक ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड द ड्रेसिंग, बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 30 मिनट पहले दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। क्वेश्चन के अंदर विद इन 60 मिनट के अंदर जो भी रीडिंग होगी वो सही रहेगा। चलिएगा, काउंट करना है उसके बाद में, बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए लीवर बायोप्सी, एक लीवर बायोप्सी के बाद मरीज की केयर कर रहे हो, द नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट हैज द डेवलपमेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। भैया जी, आपने मरीज को लीवर बायोप्सी कर ली, लीवर बायोप्सी करने के बाद मरीज में क्या चीज कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिल सकती है। पहला बोल रहा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, दूसरा बोल रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, न्यूमोथोरेक्स या कार्डियक टेम्पोनेट। तो याद रख लेना, मरीज ये लीजिएगा भाई साहब को आज नहीं सोने देंगे, ये अपनी बॉडी के अंदर क्या लेकर के बैठे हैं, इनके लीवर को क्या कर दिया, इनके लीवर के अंदर आपने सैंपल ले लिया, क्या ले लिया, किसका सैंपल ले लिया, बायोप्सी का सैंपल ले लिया। जब बायोप्सी का सैंपल लोगे तो बायोप्सी का सैंपल लेने के दौरान पोजीशन क्या देनी है, तो जवाब देना है सुपाइन पोजीशन देंगे। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले तो जवाब क्या देना है, साइड लाइन पोजीशन देनी है। उसके बाद में कौन सी पोजीशन देनी है, साइड लाइन। ये कब हो गया, ड्यूरिंग हो गया, और ये क्या हो गया, आफ्टर हो गया। आफ्टर पूछ ले तो साइड लाइन, ड्यूरिंग पूछ ले तो सुपाइन पोजीशन देकर
करके सैंपल लेना। याद रखिएगा, सैंपल लेने के दौरान अगर आपने ढंग से इसके अंदर नीडल इंसर्ट नहीं किया तो इंसर्ट कहां कर दोगे, यहां ऊपर आपका डायफ्राम और लंग्स होंगे, यहां ऊपर डायफ्राम और लंग्स पाए जाएंगे, लंग्स में नीडल डाल दोगे, मरीज में क्या कर दोगे, न्यूमोथोरेक्स कर दोगे। याद रख लीजिएगा, न्यूमोथोरेक्स का मतलब एयर फील्ड कैविटी फील इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर आपने अगर हवा भर दी तो यह दिक्कत हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब होता है हार्ट के आसपास की पेरिकार्डियम के अंदर क्या भर गया, या तो ब्लड का कंपोनेंट हो गया, यानी हार्ट अब खुल नहीं पाता है। टेम्पोनेंट का मतलब किसी भी बॉडी कैविटी के सराउंडिंग चीजें हार्ड हो जानी ताकि वो वापस से री एक्सपांड नहीं हो पाए। ये नहीं होगा भैया, हार्ट तो इस साइड में है, लीवर उस साइड में, आप दिक्कत यहां कर रहे हो। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया का नहीं होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबोलिक एसिडोसिस का तो यहां कोई संबंध ही नहीं है। जवाब क्या चला जाएगा, न्यूमोथोरेक्स कारण क्या है, अगर आपने ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया तो परफोरेट कर दोगे किसको, लंग्स को, उसके कारण देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? क्या नहीं दिख रहा है संध्या, क्या नहीं नजर आ रहा है डियर, वापस से बोलिएगा, कौन सी चीज नहीं नजर आ रही है जब मरीज के अंदर लीवर को परफोरेट करोगे। ये आपका क्या है डियर, ये देखिएगा, ये आपका लीवर है, लीवर के ऊपर ये आपके क्या बने हुए हैं, फेफड़े बने हुए। अरे भैया जी, ये आपके लीवर के ऊपर क्या बने हुए हैं, फेफड़े बने हुए, ऐसे ही तो होते हैं लंग्स। जी हाँ, ये बीच में क्या पाया गया, डायफ्राम। चलिएगा, यहां से आपने कोई नीडल डाल के यहां पहुंचा दी तो मरीज में क्या हो जाएगा, हवा भरेगी या नहीं भरेगी, भरेगी सर, और हवा भर जाएगी तो कंडीशन न्यूमोथोरेक्स कहलाएगी। चलिएगा नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखो, पहचानो और जवाब दो डियर। चलेगा, इस फोटो को जल्दी से देखिएगा, पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा, क्या पूछ रहा है ये फोटो आपसे। अरे भैया जी, ये फोटो क्या मांग रहा है आप लोगों से, इसको दीजिएगा इसका नामकरण, इसका क्या नामकरण होगा, इस फोटो को कुछ ना कुछ नाम दे दो रे बाबा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, समझ में आ गया, समझाने की ही कोशिश की थी। जी हाँ, जरूर बनाएंगे ये भाई साहब आपकी जिंदगी, चिंता नहीं करें। ईसीजी रिब फ्रैक्चर, ईसीजी। अरे कमेंट फास्ट डियर, ऐसे क्या क्या, धीरे 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 नहीं चलना है, अब अपने को रुकना नहीं है, अब अपने को थकना भी नहीं है, अब अपने को झुकना भी नहीं है, तो फिर सर क्या करना है, राफेल की तरह उड़ते रहना बेटा जी, अपने को भी उड़ना है, आसपास के लोगों को भी कलेक्ट करके उनको भी उड़ाना है कि चलो तुम्हें भी हम हवा की सैर कराएं, उड़ना सिखाएं। चलिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों का जवाब आया है ईसीजी। अब आपको बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है, जिन जिन बच्चों ने लिखा है ईसीजी उन की भैंस गई पानी में, जी उन सब की क्या गई, भैंस पानी में। वापस से कमेंट को चेंज कीजिएगा, ईसीजी के अलावा जवाब क्या दोगे। अरे ये क्या हो गया, ये आपका ये कोई मॉनिटर जैसी संरचना हो गई, ठीक है सर, ये क्या है, इसका डिस्प्ले बना रखा है। नेक्स्ट, ये क्या लगा रखा है, यहां से रिपोर्ट निकल के आएगी बोले तो पेपर प्रिंटिंग होगा। और ये क्या लगा रखा है, इसका सर कीबोर्ड है। अरे सर, ये तो ईसीजी तो नहीं है, ये ईसीजी तो नहीं है। लेकिन यहां देखिएगा, ऊपर की तरफ एक चीज नजर आ रही है क्या आप लोगों को, यहां देखिएगा, ये माउथ पीस नजर आ रहा है। ये क्या है भैया जी, माउथ पीस है, और ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो भैया जी, चौक गए मुन्ना बाबू, चौक गए। ये क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की मशीन है डियर। यहां देखिएगा, एग्जामिनर चाहिए आपको ऐसा फोटो दे दे, चाहिए आपको बिठा करके बोल दे, अगर ये माउथ पीस होगा तो किसके मुंह में होगा, भाई साहब भाभी जी अपने मुंह में लेकर के इसके अंदर हवा को भरते रहेंगे, और उनके पल्मोनरी के अंदर अपन क्या करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। तो ये आपका कौन सा टेस्ट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की मशीन है डियर। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा इस फोटो को, ताकि जिंदगी में आगे इस फोटो को जाकर के गलत नहीं करो रे बाबा। जवाब क्या चला जाएगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मशीन। चलूं आगे डियर, चलेगा, अभी तो बहुत चौकोगे, चिंता ही नहीं करें, आगे अभी तो बहुत चौकना बाकी है। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखो, पहचानो और जवाब दो डियर, ये फोटो किसके बारे में पूछ लिया, ये फोटो किसके बारे में पूछ लिया, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, और कनेक्ट कर देना आज एक हर एक उस बच्चे को जिसका ख्वाब नॉर्सेट 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 है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कंटेंट आप तक डिलीवर करूंगा आज ही की क्लास में, जो आपने कल्पना नहीं की होगी कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, जरूर बनेंगे। अच्छे से डील करेंगे, रैशनल पता करेंगे, कारण पता करेंगे, सोच समझ के जवाब देंगे। इस फोटो के अंदर गलती मत करना, इस फोटो के अंदर आप गलती मत करना, देख लेना ये कोई भाई साहब भाभी जी का हाथ है, उसके साथ वाले ने हाथ पकड़ रखा है, आपने माइक्रोपोर लगा रखा है, ऊपर अंदर से क्या लगा रखा है इसके अंदर, जी हां, आपने एक लीड लगा रखी है जहां से दो वायर निकल के आ रहे हैं, और दोनों के अंदर लाल 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 खून नजर आ रहा है, ये ट्यूबिंग आगे की तरफ जा रही है। भैया जी, मरीज के अंदर क्या चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है, और कौन सा चल रहा है, हीमोडायलिसिस।
क्या चल रहा है, हीमोडायलिसिस चल रहा है मरीज के अंदर। तो ये क्या है, हीमोडायलिसिस प्रोसीजर चल रहा है, याद रख लेना। इसके अंदर क्या होगा, एक आर्टरी से ब्लड निकालोगे, दूसरी वेन में डालोगे, यानी कौन सी काम में ली जाती है, याद रख लेना, ब्रेकियल आर्टरी। मोस्ट कॉमन कौन सी लेते हैं, ब्रेकियल, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी और सिफेलिक वेन, ब्रेकियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन काम में ली जाती है। और दूसरी कौन सी ले सकते हो, बेसिलिक आर्टरी ले सकते हो, याद रख लेना। दूसरी कौन सी ले सकते हो, बेसिलिक ले सकते हो, ब्रेकियल और सिफेलिक काम में ली जाती है। ये नजर आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है सर। एक साइड से खून को निकालेंगे, दूसरी वेन से वापस से डालेंगे। ये इसका क्या लगा रखा है, लॉक लगा रखा है, यानी इमरजेंसी के दौरान लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन याद रख लेना कि अगर आपसे पूछ रहे हीमोडायलिसिस वाले मरीज के अंदर फिस्टूला तैयार कब हो जाता है, हीमोडायलिसिस वाले मरीज के अंदर फिस्टूला बनकर के तैयार कब हो जाता है, तो 1 से 2 वीक जवाब देकर के आ जाना। जवाब देकर के आ जाओगे, 1 से 2 वीक के अंदर फिस्टूला प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छा मेच्योर कब हो जाता है, तो जवाब देना है 4 to 6 वीक के, वो क्या हो जाएगा, फुल्ली मेच्योर हो जाएगा। नेक्स्ट, मरीज के अंदर जिस साइड के बॉडी पार्ट में हीमोडायलिसिस चल रहा है, आपने फिस्टूला या क्या बना रखा है, जी हाँ, ग्राफ्ट वगैरह बना रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कभी भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं चेक करना, कभी भी आपको उस बॉडी पार्ट से कभी भी सैंपल नहीं लेना, उसके बॉडी के पार्ट में कभी भी आपको सैंपल वगैरह नहीं लेना। मोस्ट कॉमन हैंड कौन सा यूज करोगे, नॉन डोमिनेंट। मोस्ट कॉमन हैंड यूज कौन सा करोगे डियर, नॉन डोमिनेंट यूज करना है। कौन सा, नॉन डोमिनेंट, नॉन डोमिनेंट हैंड यूज करना है। कभी भी उस हाथ के अंदर क्या चेक नहीं करोगे, जी हाँ, ब्लड प्रेशर वगैरह उस हाथ के अंदर कभी भी चेक नहीं किया जाता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी, अगर आपसे पूछेगा तो उसके अंदर क्या चीजें फील होगी, कौन सी चीजें फील होगी, तो जवाब देना, एक साउंड होता है ब्रूट और एक होता है थ्रिल। दो साउंड सुनाई देंगे, कहां लिखूं रे, यहां लिख देता हूं। कौन से साउंड सुनाई देगा, एक साउंड होता है ब्रूट साउंड और दूसरा होता है थ्रिल साउंड, याद रख लेना। पिछली बार एम्स ने बहुत अच्छा क्वेश्चन को घुमाया था और अधिकतर बच्चे उसको गलत करके आए थे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाए थे। अरे भैया, ब्रूट को हमेशा क्या किया जाता है, आस्कल्ट किया जाता है। ब्रूट को हमेशा क्या करोगे, आस्कल्ट करोगे, यानी स्टेथोस्कोप को लगा करके सुन सकते हो। अगर आपसे पूछे थ्रिल को क्या कर सकते हो, पालपेट कर सकते हो, थ्रिल को क्या कर सकते हो, पालपेट कर सकते हो। पिछली बार एम्स दिल्ली ने जो क्वेश्चन घुमाया था वो यहां से यहां घुमाया था, वो बोल रहा था ब्रूट को पालपेट कर रहे हो, उसने पूछा था ब्रूट को पालपेट कर रहे हो, भैया ब्रूट को पालपेट नहीं किया जाता, अरे ब्रूट साउंड को हमेशा आस्कल्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप। अगर आपसे पूछ ले थ्रिल साउंड को क्या करोगे, तो इसको पालपेट करेंगे। कभी भी आपको उस साइट को, फिस्टुला को क्या नहीं करना चाहिए, फ्लश नहीं करना चाहिए, उस साइट को क्या नहीं करना चाहिए, फ्लश कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, लेकिन उसके अंदर क्या हो सकता है, हिपेरिन से पुश कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हिपेरिन से क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। नेक्स्ट याद रख लेना, एग्जामिनर पूछेगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हीमोडायलिसिस के मरीज के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। किसका बोला है, हीमोडायलिसिस के मरीज में आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो उसमें होगा भैया जी हाइपोटेंशन। उसके अंदर क्या होगा, हाइपोटेंशन, जैसे ही बॉडी के अंदर भरा हुआ मेटाबॉलिक वेस्ट आप निकाल लोगे, बॉडी में एक्यूमुलेटेड हुए मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल लोगे, तो उसकी बॉडी में देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। यानी अगर इसका कॉम्प्लिकेशन पूछ ले तो जवाब देना हाइपोटेंशन। जो सोने के बारे में सोच रहे हो, देख लेना, सो भी नहीं पाओगे और सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज अपने को रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, चाहे रात की 2 बज जाए, चाहे रात की 3 बज जाए, आपको तो लास्ट तक यही बोलते रहना है, वंस मोर, यानी चलने दो क्लास, यानी जब तक गला साथ देगा, जब तक आवाज निकलती जाएगी, क्लास को लेते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा। या मैंने क्या बोला है, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आपसे पूछ लेता है पेरिटोनियल, कौन सा पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या देखने को मिलेगा, तो पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। ये इनके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, याद रख लेना। उसमें हाइपोटेंशन होगा, इसमें पेरिटोनाइटिस होगा, उसमें हाइपोटेंशन होगा, इसमें पेरिटोनाइटिस होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम देखने को मिलता है। यानी जैसे ही आपने हीमोडायलिसिस को फास्ट कर दिया, मरीज में क्या देखने को मिलेगा, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम।
ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि आपने हीमोडायलिसिस को क्या कर दिया था, फास्ट करने के कारण मरीज में क्या देखने को मिला, ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी, यानी इसकी संटिंग हो गई, बॉडी में ऑस्मोसिस हो गया, बॉडी से जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट आपने तेजी से निकाल लिया वो पुलिंग होकर के आपके ब्रेन में चला गया, और मरीज में क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग। तो यहां क्या कर दो, स्लो कर दो, उसको धीरे कर दो, उसको क्या कर दो, स्लो कर दो, और धीरे 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 चलाते जाओ। हिपेरिन का लॉक काम में लेना है, मरीज के अंदर हिपेरिन लगाना है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मरीज में हीमोडायलिसिस करने से पहले कौन सी दवाई को बंद करना है, तो हाइपरटेंशन वाली दवाई को और डिजोक्सिन को बंद करना होता है। फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कौन सी दवाई बंद करोगे, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की मेडिसिन को और डिजोक्सिन को, हाइपरटेंशन की मेडिसिन और डिजोक्सिन को क्या करना है, आपको स्टॉप करना है डायलिसिस करने से पहले, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिएगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, अगर मरीज के अंदर आपने ग्राफ्ट या फिस्टूला बना दिया, चलिएगा फिस्टूला क्या होगा ये देखिएगा, ये कोई भी भाई साहब, कोई भी भाभी जी का सुंदर सा हाथ था जिसके अंदर ये एक आर्टरी थी और दूसरी क्या थी, वेन थी, यहां क्या कर दिया, एंड टू एंड एनास्टोमिसिस कर दिया, एक साइड का एंड काम में ले लिया और दूसरी साइड से जोड़ दिया, यानी आगे की ब्लड सप्लाई को आपने रोक लिया, तो यहां क्या देखने को मिलेगा, आर्टीरियल, यहां क्या का देखने को मिलेगा, आर्टीरियल सिंड्रोम। अरे भैया जी, आर्टीरियल सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया, जब आपने ग्राफ्ट बना दिया, जब आपने ग्राफ्ट बना दिया तो डायरेक्ट वेन क्या कर दिया, आर्टरी के ब्लड को यहां से खींच लिया और उसको वापस से वेन से जोड़ दिया, आगे के हाथ में ब्लड सप्लाई नहीं हुई, मरीज में देखने को मिला आर्टीरियल सिंड्रोम। तो जवाब देना, आर्टीरियल सिंड्रोम किसके कारण हुआ, तो ग्राफ्ट के कारण। किसके कारण हुआ, ग्राफ्ट, जब हीमोडायलिसिस के दौरान आप ग्राफ्ट बनाते हो तो उस ग्राफ्ट के अंदर संटिंग का हो गया, यानी ब्लड को ऊपर का ऊपर घुमा करके बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगा। चलेगा, क्लियर हो गया, याद रखिएगा, जी हां, आर्टीरियल सिंड्रोम, बहुत बढ़िया डियर। चलू आगे, चलू चलू चलू, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, झटाक से पढ़िएगा, फटाक से जवाब दीजिएगा, राफेल की तरह उड़ाएगा कमेंट बॉक्स को, और जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जिसका ख्वाब, उसके माता पिता का ख्वाब, सपना है एम्स में जाना, तो अब रुकना नहीं है, अब झुकना नहीं है। जी हां, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, इस बार नहीं रुकना है दोस्तों, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। जी हां, आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम बोलो या आर्टीरियल सिंड्रोम बोलो डियर, सेम ही चीज है। चलिएगा, ए क्लाइंट विद क्वाड्रीप्लेजिया इज प्लेस ऑन द टिल्ट टेबल, मरीज को क्या हो रखा है, क्वाड्रीप्लेजिया यानी बॉडी के चारों पार्ट में पैरालिसिस हो गया, प्लेस ऑन द टिल्ट टेबल यानी एक उठी हुई टेबल के ऊपर उनको बिठा दिया, डेली Each day the angle of the head of the table gradually is increased, और हमेशा उस टेबल को धीरे 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 गर्दन को बढ़ाते जा रहे हो रे। What should the nurse identify as it the purpose when the client asks the reason for the tilt table? अरे quadriplegia यानी हाथ नहीं काम कर रहे, पैर नहीं काम कर रहे, बॉडी के सारे पार्ट में लकवा मार गया, अरे लकवे के दौरान आपने उसको टिल्ट टेबल यानी एक ऐसी टेबल पे बिठा दिया जिसको अपन चाहेंगे तो ऊपर कर देंगे, अपन जाएंगे तो नीचे कर देंगे, और आप रोज क्या कर रहे हो, जो टेबल ऐसी थी उसको आज यहां कर दिया, दूसरे दिन और, तीसरे, चौथे, पांचवे, रोज ऊपर करते जा रहे हो, तो कारण क्या रहेगा। पहला बोल रहा है फैसिलेट द टर्निंग, अरे उसको फैसिलेट कर रहे हैं टर्निंग यानी पोस्चर चेंज करने में। चलिएगा, तनिक साइड ये लीजिएगा, हम साइड हो गए बाबा, अब आप जवाब दे दोगे, जल्दी से दियोगे जवाब। चलिएगा, मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ रहा है सी, आर सी 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 सी, मैक्सिमम बच्चों का सी, फैसिलेट द टर्निंग बोल रहा है कि मोड़ने करने में मदद करेगा। दूसरा बोल रहा है प्रिवेंट ए प्रेशर अल्सर, एक चीज पहले बता देता हूं, जब मैंने इमरजेंसी ओटी आईसीयू का बोला है तो वो कंटेंट लेके आऊंगा जो पहले क्वेश्चन में तो आपका सही नहीं होगा, अगर आपने जल्दबाजी कर दी बोले तो सावधानी हटी तो दुर्घटना डेफिनेटली घटी। मैक्सिमम 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 बच्चों का जवाब आया है सी, और सबकी भैंस गई पानी में। वापस से पढ़ो और जवाब दो, पहला बोल रहा है टर्न करने में मजा आएगा, दूसरा बोल रहा है प्रिवेंट है प्रेशर अल्सर, उसमें प्रेशर अल्सर नहीं होगा, तीसरा बोल रहा है प्रमोट है हाइपरटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन को हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, लास्ट बोल रहा है लिमिट द लॉस ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन। तो याद रख लेना, मरीज में क्वाड्रीप्लेजिया हो गया यानी मरीज क्या हो गया, इमोबिलाइज हो गया, मरीज क्या हो गया, इमोबिलाइज हो गया, इमोबिलाइज का मतलब हिल डुल नहीं रहा, जब मरीज हिलेगा डुलेगा नहीं तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा, बोन में डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा और बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम का क्या हो जाएगा, लॉस होने लगेगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मरीज को थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना, अरे टर्निंग करने के लिए काम में नहीं लेंगे, प्रेशर को प्रिवेंट नहीं करेंगे, हाइपर एक्सटेंशन नहीं करेंगे, यहां क्या कर रहे हो, कैल्शियम लॉस को बचाने की कोशिश कर रहे हो। अरे क्वाड्रिपेल्जिया वाला मरीज हिलेगा डुलेगा भागेगा चलेगा तो नहीं, क्योंकि ना तो हाथ काम कर रहे हैं ना पैर काम कर रहे हैं। अरे भैया, जब हाथ और पैर दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं तो मरीज को क्या किया जाए, उठा मैं अकेला सकता नहीं, तो क्या कर दिया, टिल्ट टेबल पे सुला दिया, धीरे 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 बेड को बढ़ाएंगे। जब बेड बढ़ेगा तो याद रख लेना, जब मरीज का बेड का पोस्चर ये आ गया, अब मुझे बताओ कि इन भाई साहब के ऊपर के धड़ वाला हिस्सा कहां पड़ेगा, बटक वाले हिस्से पे, इन भाई साहब के ऊपर के धड़ वाला हिस्सा कहां पड़ेगा, इनके बटक पे प्रेशर क्रिएट करेगा, बटक वाली मसल्स को, बटक वाली बोन को क्या पता चलेगा कि चलो अंकल जी आज घूमने गए हैं, तभी बैक के अंदर प्रेशर आया, जैसे ही प्रेशर आएगा बोन काम करेगी, बोन काम करेगी तो कैल्शियम के लॉस को प्रिवेंट करेगी, क्या करेगी, कैल्शियम के लॉस को प्रिवेंट करेगी, यही अपना यहां टारगेट था। राइट आंसर क्या गया, डी। चले या आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलेगा, ध्यान से इस फोटो को पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा डियर, इस फोटो के अंदर आपसे किसके बारे में पूछा है डियर, चलिएगा, सब बच्चों को नजर आ रही होगी, अच्छे से ये फोटो देखिएगा और पहचानिएगा, जवाब दीजिएगा, ये फोटो के अंदर किस चीज के प्लेसमेंट के बारे में पूछा है, किस चीज के प्लेसमेंट के बारे में पूछा है, किस चीज के प्लेसमेंट के बारे में पूछा है डियर, जवाब देना। जी हाँ, लाइक फिजियोथेरेपी, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड, ये किसके प्लेसमेंट आ गए, अब आई आपकी ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। चलिएगा, यहां क्या रहेगी, V1 रहेगी, यहां कौन रहेगी, V2, यहां कौन, V3, यहां V4, यहां V5 और लास्ट में V6 वाली कंडीशन चली आएगी। क्लियर हो गया, ये आपके क्या हो गए, इसके लीड्स के प्लेसमेंट है हाथों और पैरों के अंदर, हाथों और पैरों के अंदर क्या करोगे, तो यहां कौन सी लगा दोगे भैया जी, रेड लगा देंगे, यहां कौन सी लगा देंगे, यहां ब्लैक लगा देंगे, यहां कौन सी लगा देंगे भैया जी, यहां कौन सी लगा देंगे, येलो लगा देंगे, और यहां कौन सी लगा देंगे, ग्रीन वाली प्लेसमेंट कर देंगे। ये आपके क्या होता है, इसका प्लेसमेंट होता है, बाकी अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, इसी के साथ में हॉस्पिटल पॉलिसी के साथ में चेंज होता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, ये आपका लीड का प्लेसमेंट होता है, याद रख लीजिएगा। क्या बता दिया, ये क्या हो गया, मरीज का अगर लिखा हुआ है आर ए राइट आर्म, ये क्या हो गया आर एल राइट लेग, ये क्या होगा लेफ्ट आर्म, और ये क्या हो गया लेफ्ट लेग, याद रख लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट बड़े काम आएंगे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है डियर, आपसे पूछ लेता है आर ए, आर ए पे कौन सी लगेगी, तो रेड जवाब देना है, आर एल पे कौन सी लगेगी, तो ब्लैक यानी लाल के नीचे काली, और नेक्स्ट क्या बता दिया, येलो के नीचे ग्रीन लगा देना, यानी एल ए के नीचे LL लगा देना, ये वाला इसका प्लेसमेंट होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, जेली के साथ में लगाया जाता है मरीज के किसी भी बॉडी, टेक्निकल टीम एक बार से बच्चों की आंखों के आगे इसको जूम करके बता दीजिए कर बाबा, ताकि ये नहीं बोल पाए हमको नजर नहीं आई। अरे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, याद रख लेना, मरीज के हेयर को रिमूव करना है, अरे इसको प्रोवाइड करने से पहले क्या करना है, हेयर को रिमूव करना है, क्या करना है, हेयर को रिमूव करना है, और इसका वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करना है, और कौन सा प्रेशर लगाया जाता है, नेगेटिव, कौन सा प्रेशर लगाया जाएगा, नेगेटिव प्रेशर लगाओगे, तभी वो जाकर के क्या करेगी, चमड़ी के ऊपर चिपक जाएगी। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। चलूं आगे, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मरीज के ईसीजी करने के दौरान कोई भी मरीज के बेड को टच नहीं करना चाहिए, कोई भी मरीज को बेड को टच नहीं करना चाहिए, वरना उसकी धड़कन हिल जाएगी, उसकी धड़कन क्या हो जाएगी, हिल जाएगी। यही एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले चेस्ट पेन वाले पेशेंट के अंदर प्रायोरिटी इंटरवेंशन, प्रायोरिटी क्या जाएगी, तो जवाब देना है ईसीजी असेसमेंट। अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर चेस्ट पेन वाले, क्या पूछ लेता है, चेस्ट पेन वाले मरीज के अंदर या MI के सिम्टम वाले मरीज के अंदर पूछे, तो जवाब क्या दोगे, ईसीजी। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले मरीज के अंदर प्रायोरिटी क्या जाएगी, तो O2, फिर जवाब क्या जाएगा, O2। ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है डियर, क्या पूछा है, जी हाँ, ब्लब को प्रेस करके अप्लाई करेंगे, या मैंने क्या बोला है, अगर आपसे बोले चेस्ट पेन का मतलब छाती दर्द कर रही है, अरे भैया छाती दर्द कर रही है तो जांच कर लो, लेकिन जब आपको बोल दिया है कि मायोकार्डियल में इन्फार्क्शन हो गया, यानी हर्ट के अंदर पाई जाने वाली मायोकार्डियम जो दिल को धड़काती है, बोले तो दिल धड़के, अरे उसमें दिक्कत हो गई, तो यहां क्या कर दो, ऑक्सीजन लगा दो। अगर MI के बारे में पूछे तो ऑक्सीजन जवाब देना है, चेस्ट पेन के बारे में पूछे तो जवाब देना ECG कर दो।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले मरीज में ईसीजी क्या बताएगी, तो बताएगी लोकेशन ऑफ द इंफार्क्शन के बारे में। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, अपन दिमाग नहीं लगाते, अपन इको में चले जाते हैं। किसके बारे में बताएगा? लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन ऑफ द डैमेज के बारे में जानकारी कौन देगी? तो यह आपकी अपनी बेचारी ईसीजी ही देगी। कौन से मीटर पे काम करती है? तो गैल्वेनोमीटर पे काम करती है। याद रख लेना इसका प्रोसेस क्या होता है, गैल्वेनोमीटर पे काम करेगी, गैल्वेनोमीटर पे ये काम करती है। क्लियर हो गया? चलूं आगे डियर। बाकी बहुत अच्छे से आपने आज ईसीजी पढ़ ली थी, बहुत अच्छे से आपने सारी की सारी पढ़ ली थी। एट्रियम के अंदर क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, पी कब जाएगी, क्यू कब जाएगी, एबनॉर्मल कौन सी रहेगी, ऊपर कौन सी जाएगी, हाइपर में कौन सी जाएगी, हाइपो में कैसी आएगी, जिंदगी भर के लिए कौन सी वेव एबनॉर्मल हो जाएगी, एक बार ऊपर कौन सी होगी, दो बार नीचे कौन सी होगी, लगातार कौन सी बनी रहेगी, नजर कौन सी नहीं आएगी, मिस कौन सी होगी, एक्स्ट्रा कौन सी आएगी, सारी पढ़ ली थी बाबा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। चलेगा डियर, फोटो को पहचाने और धड़ाधड़ से धड़ाधड़ जवाब दें डियर। राफेल की तरह उड़ाना है कमेंट बॉक्स को, आज नहीं रुकना है। जी हां, गैल्वेनोमीटर, बहुत बढ़िया डियर, दे सकते हो, एयरवे को मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं, मरीज का एयरवे मेंटेन होगा। और अगर कुछ भी सहारा नहीं है तो मरीज को कफिंग भी करना ताकि लंग्स एक्सपांड हो जाए। समझ लिया था? बहुत बढ़िया, जवाब दीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, क्या नजर आ गया आपके सामने, ट्रोकार 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 ट्रोकार, अरे उड़ाइएगा कमेंट बॉक्स को। याद रखिएगा, ट्रोकार अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं, ये 5 नंबर और 10 नंबर के फेमस होते हैं। 5 नंबर का ट्रोकार और 10 नंबर का ट्रोकार ये मार्केट के अंदर यानी आपके ऑपरेशन थिएटर के अंदर फेमस होते हैं। अब अगर बात कर लें तो ये छोटा वाला है तो साइज इसकी छोटी होगी। और ये क्या किया जाता है, किसी भी बॉडी कैविटी को परफोरेट किया जाता है लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान। क्या बोलोगे? ट्रोकार। इसको क्या बोला जाएगा? ट्रोकार। क्या करोगे? लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से पहले मरीज के अंदर बॉडी कैविटी को परफोरेट करके अंदर की तरफ एंट्री लेनी है, तो किसके माध्यम से लोगे? ट्रोकार के माध्यम से। याद रख लेना, अगर बड़ा ट्रोकार नजर आ जाता है आगे क्या होगा, बहुत ये शार्फ इंस्ट्रूमेंट होता है, अचानक से बॉडी के अंदर घुस जाएगा एक ही कंटेंट में। याद रख लेना, ट्रोकार की एंट्री देने के लिए आपको बॉडी के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंसिजन करना पड़ेगा। अरे क्या करवाना पड़ेगा? इंसिजन। और इंसिजन की हाइट कितनी होगी? 1 to 2 सेंटीमीटर का इंसिजन सफिशियंट रहेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सूचरिंग करनी है। उसके बाद में आपको क्या करनी है, सूचरिंग करनी है। और सूचर भी कितने लगेंगे? 1 से 2। और याद रख लेना, इसी ट्रोकार के माध्यम से अपन क्या करेंगे, कोई भी चीज, कोई भी लीड वगैरह को इसी के अंदर एंट्री देंगे डियर, जो क्या करेगा, आपकी एब्डोमिनल कैविटी या किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर जाकर के अपने को विजुलाइज करने में मदद करेगा। यानी ये क्या काम करेगा, परफोरेशन का काम करेगा। क्लियर हो गया? ट्रोकार। आगे चलूं डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लेना। मैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको आज बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। अब यहां आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसा बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर का पूछा जाता है कि आपकी किडनी ट्रे भरी हुई है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि किडनी ट्रे ब्लड से भरी हुई है, किडनी ट्रे क्या हो चुकी है, ब्लड से भरी हुई है, तो जवाब देना साहब 500 ml ब्लड लॉस हो गया। किडनी ट्रे अगर आपकी ब्लड से भरी हुई है, ब्लड लॉस कितना हो गया, 500 ml। नेक्स्ट, आपके एम्स दिल्ली ने ये फोटो डाल करके पिछली बार पूछा था कितना ब्लड लॉस हो गया। यानी अगर मरीज का पूरा बेड खून से लथपथ है, अगर मरीज का बेड पूरा का पूरा खून से लथपथ है, उसके साथ में फ्लोर पे ब्लड है, यानी या मैं क्या बोलूंगा, बेड प्लस फ्लोर, ब्लड प्लस फ्लोर वाली स्थिति आ गई, तो जवाब देना है 2000 ml। कितना जवाब देना है डियर? 2000 ml आपको जवाब देकर के आना है। यहां कितना होगा? 2000 ml। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, लेकिन जब तक इस फोटो के अंदर फोकस ही वही करना है, सिर्फ मरीज का बेड खून से सना हुआ है तो जवाब देना है, सिर्फ मरीज का बेड भरा हुआ है जवाब देना 1000 ml ब्लड लॉस हुआ, सिर्फ मरीज का बेड भरा हुआ है, कितना लॉस हुआ, 1000 ml हुआ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बेड के साथ में जमीन तक भर गई, 2000 लॉस हो गया। नेक्स्ट एग्जामिनर पूछेगा सैचुरेटेड सैनिटरी पैड, अरे सैचुरेटेड का मतलब पूरा सैनिटरी पैड खून से लथपथ है। सैनिटरी पैड की पूछी हुई साइज है, WHO के अनुसार सैनिटरी पैड की साइज होती है 24 cm, जो आप गायनिक के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी फीमेल के अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर या PPH वाली कंडीशन के अंदर पता किया जाता है कि पेड कितना ब्लड से भरा हुआ है। याद रख लेना, अगर आपका 1 घंटे के अंदर कोई पेड भर जाता है, अगर पेड 1 घंटे के अंदर भर जाता है, इसको बोलेंगे हैवी ब्लीडिंग। इसको क्या बोलोगे? हैवी ब्लीडिंग बोलोगे, याद रख लेना। और अगर आपको 1 cm से ज्यादा अगर PPH की कंडीशन में ब्लड क्लॉट नजर आता है, इन्फॉर्म टू फिजिशियन। 1 घंटे में अगर पेड पूरा भर जाता
जाता है तो कंडीशन को क्या बोलोगे, कंडीशन को क्या बोलोगे, हेवी ब्लीडिंग बोलोगे, क्या बोलोगे, हेवी ब्लीडिंग बोलोगे। और वही मैंने क्या बता दिया है, वही क्या बता दिया है, अगर एक सेंटीमीटर से ज्यादा, मोर देन वन सेंटीमीटर का अगर आपको क्लोट देखने को मिला तो इसको क्या करोगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता दोगे। ये सैनिटरी पैड 100 ml का भरा हुआ देखने को मिलेगा, अगर आपका स्वाब भरा हुआ है, अगर आपका स्वाब भरा हुआ है तो 60 ml देखने को मिलेगा। इनकॉन्टिनेंट पैड भरा हुआ है तो 250, सैनिटरी सोइल ड्रॉयल है तो 30 ml। याद रखिएगा, मोटे मोटे रूप में जो क्वेश्चन बनने की संभावना होगी वो क्या होगी, एक तो होगा किडनी ट्रे, दूसरा क्या होगा, मरीज का बेड भरा हुआ है, तीसरा क्या होगा, बेड के नीचे खून गिरा हुआ है, नेक्स्ट क्या बोल दिया आपको, 100 cm तक अगर कहीं ब्लड गिरा हुआ हो, मान लीजिएगा ब्लड बैंक में गिर गया, मान लीजिएगा लेबोरेटरी के अंदर या कहीं पर भी आपको ब्लड गिरा हुआ जमीन पे दिखा है, एरिया के अंदर लिख लेता है 100 cm, 100 cm दायरे के अंदर अगर खून गिरा हुआ होता है तो वो 500 ml होगा। कितना होगा डियर, 500 ml। तो अगर अब मैं पूछ लूं 50 cm में घिरा हुआ ब्लड कितना होगा, तो होगा 250 ml। कितना होगा, 250 ml। तो ये मोटे मोटे रूप में आपको इतनी चीजें याद रखनी है, सैनिटरी पैड 100 ml, गोज का पूछे तो 60 ml, गोज का 60, सैनिटरी का 100। चलेगा टेक्निकल टीम, इस फोटो को बच्चों की आंखें आगे ला के दिखा देना, मुझको नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, मेरा पेन उनको नजर आते रहना चाहिए, पेन चलता रहेगा, पेन नहीं रुकेगा। सैनिटरी का 100 कर देना, स्वाब का ये क्या कर दिया आपने, जमीन पे गिरे हुए का कितना करोगे, 500। टोटल बेड पे गिरा हुआ होगा तो 1000, और नीचे जमीन पे गिर गया तो 2000, किडनी ट्रे भर दी तो 500। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलूं, 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 चलूं। ये लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, धनाधन, फटाफट जवाब दीजिएगा, ताबड़तोड़, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, और दुनिया में कोई भी नहीं सोना चाहिए, जिसने नॉर्सेट का फार्म भरा है उसको उठा दो, जगा दो और खींच के ले आओ उत्कर्ष परिवार के साथ में और जोड़ दो, ताकि सेशन को जानदार शानदार बना दिया जाए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन कलेक्टिंग ए 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन। पहले ही कह देता हूं, चारों ऑप्शन को पढ़ लेना वरना फिर से टप, कौन चली जाएगी, भैंस। क्वेश्चन ने पूछा है, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन कलेक्टिंग ए 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन। आपको बोल दिया है कि 24 घंटे का मरीज का यूरिन कलेक्ट करके लाओ और मुझे दे दो, जैसे राजा महाराजा हुक्म नहीं करते थे कि उनको बोल दिया जाए जाकर के वो चीज हाजिर की जाए, तो यहां डॉक्टर साहब ने बोल दिया मरीज का, रामलाल का 24 घंटे का यूरिन हाजिर किया जाए। तो अब पहला बोल दिया है, चेक टू वेरीफाई द प्रिजर्वेटिव इज नीडेड, पहला कह रहा है कि पता करो कि क्या उसको प्रिजर्व करना है। दूसरे ने बोल दिया है, वेट द क्लाइंट बिफोर स्टार्टिंग द कलेक्शन, अरे पहले वजन करो कलेक्ट करने से पहले। तीसरे ने बोला है, डिस्कार्ड द लास्ट वॉइड स्पेसिमेन फॉर द 24 पीरियड, 24 घंटे पहले वाला उसको डिस्कार्ड करो। और लास्ट बोल दिया है, असेस द क्लाइंट इनटेक एंड आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस 24 आवर्स। लास्ट ने बोल दिया इनटेक आउटपुट पता करो 24 घंटे वाला, तो क्या जवाब जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी बी ए डी, ए बी सी डी, क्या जाएगा डियर, याद रख लेना। हमेशा आपने दिमाग के अंदर वही क्वेश्चन रट रखा है कि 24 घंटे का सैंपल लेना है, पुराना वाला डिलीट कर दो। आपने यही याद रखना है कि 24 घंटे का सैंपल लेना है, पुराना वाला क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो याद रख लेना, यहां ये जवाब नहीं जाकर के ये जाएगा कि पता करो कि क्या उसको प्रिजर्वेटिव की जरूरत रहेगी। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या करना है, उसको रखना है। अरे भैया जी, प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है, प्रिजर्व करना है, या कितना टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको रखना है। यानी आप पता करो टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि उस ब्लड को, सॉरी उस यूरिन को कलेक्ट करने के बाद में आपको कितने समय तक रखना पड़ेगा, यह जानकारी लेनी है। तो यह कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रिजर्वेशन कहलाएगा। सबसे पहले प्रिजर्वेशन के बारे में पता करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या आएगी, तो दूसरा कंडीशन का जवाब यह जाएगा, 24 घंटे का सैंपल लेना है और यूरिन और यूरो बैग में पहले का कोई ब्लड पड़ा है तो उसको डिस्कार्ड कर दे। अगर नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा तो क्या करेगा, बिफोर डिस्कार्ड, पहले वाला क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो। पहले वाला डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लड में पड़ा हुआ है, वो पहले वाली कंडीशन क्या है, पड़ी हुई है, मरी हुई है, पुरानी वाली है, हमें नहीं चाहिए पुराने वाले जवाब, हम नहीं देते, हम नया नया ताजा ताजा जवाब देंगे। तो यहां जवाब क्या जाएगा डियर, प्रिजर्वेटिव जाएगा, ना कि पुराने वाले को क्या कर दो, वेट करके अपने को स्टार्ट नहीं करना है कि पहले पता कर लिया 250 ml पहले था और अब 1250 होगा तो हम सैंपल ले लेंगे। नहीं भैया, पहले 250 और अब 1250 का जवाब नहीं देना है, पता करो रखना है या नहीं रखना। डॉक्टर साहब को पूछो कि क्या उसको प्रिजर्वेटिव की जरूरत होगी या सूखी
सूखी रूखी सूखी डब्बी में डाल के ले आऊं, डॉक्टर साहब को पूछो कि डॉक्टर साहब उसको मिठाई के डब्बी में लाऊं या सूखी डूखी डब्बी में लाऊं, तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, उसको प्रिजर्वेटर के अंदर प्रिजर्वेटिव करना पड़ेगा। ऐसे कैसे लाओगे, यूरिन को खराब कर दोगे, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो बाबा। तो उसको क्या करना है, कंडीशन का पूछना है। नेक्स्ट बोल रहा है पुराने वर्ड को डिस्कार्ड कर दें, इनटेक आउटपुट का पता कर लें, तो ये दूसरे ऑप्शन गलत रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए, अब तो नहीं करोगे एग्जाम में गलत, जिन जिन की भैंस गई पकड़ के ले आए बाहर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखो पहचानो और झटाक से जवाब दो। यानी आज जितना आपका कमेंट बॉक्स तेज चलेगा, कसम से उतनी जबान मेरी तेज चलेगी, जितना कमेंट बॉक्स को उड़ाओगे उतनी जबान मेरी तेज चलेगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डियर, बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया फटाफट से, और जोड़ देना हर एक उस बच्चे को, किसी को भी मत सोने देना आज, किसी को भी मत सोने देना, हर बच्चे को जगा देना। अरे क्या सो रहा है, हम तो पढ़ रहे हैं, तू सो रहा है, ऐसा नहीं करने का। चलेगा, ये इमेज आपके सामने दे रखी है, यहां देखिएगा इसका एक बटन लगा हुआ है जैसा बंदूक में होता है, यहां से इसको कंप्रेशन करेंगे तो वहां ये काम आएगी। और ये क्या देखने को मिलती है, ये इमेज क्या होती है, वेरी गुड, सर्कुलर स्टेपलर बोला जाता है। क्या है, सर्कुलर स्टेपलर, आगे से देखने को मिला गोल गोल। मोस्ट कॉमनली कहां यूज लिया जाता है, जीआईटी की सर्जरी के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज कहां होता है, जीआईटी, याद रख लेना, मोस्ट कॉमनली जीआईटी, और जीआईटी में भी कहां, तो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के अंदर मोस्ट कॉमन सर्जरी के अंदर ये आपका इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है। इसको क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, अरे बाबा क्या नाम दे दिया, सर्कुलर स्टेपलर। यानी ये आगे से घूमता घूमता क्या करेगा, स्टेपलिंग का काम करेगा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। इंटेस्टाइन के अंदर इसको क्लैंप वगैरह करना है तो यह काम आएगी, सर्कुलर स्टेपलर। चलेगा, नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ गई है, देख करके जवाब दीजिएगा, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखिएगा जवाब दीजिएगा। जैसे ही फोटो आती है, टेक्निकल टीम अगर जरूरी लगे तो मुझे थोड़ा सा गायब कर देना, फोटो के दौरान अगर मैं गायब होता हूं तो बच्चों आपको क्या समझना है, क्योंकि सर ने फोटो को प्रायोरिटी दी है, खुद की सुंदरता को प्रायोरिटी नहीं दी, फोटो को आगे लेकर के आए, खुद पीछे चले गए। जवाब दीजिएगा फटाफट, इस क्वेश्चन का क्या जवाब जाएगा, जी हां, एम्स नॉर्सेट 2020 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, सर्कुलर स्टेपलर, बहुत बढ़िया डियर, ये याद है, अब गलत नहीं करना। इस क्वेश्चन की इमेज को पहचानिएगा, ये क्या देखने को मिल रहा है, क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी। अरे जिन जिन बच्चों का जवाब आया है अभी तक, सब बच्चों की जा रही है भैंस पानी में, अधिकतर बच्चों की चली गई भैंस पानी में, बोले तो हर्निया मेश नहीं है भैया जी, ये आपका क्या है, पैराफिन गोज है, वेरी गुड वेरी गुड, दिल गार्डन गार्डन कर दिया कुछ बच्चों ने जवाब देकर के, ये क्या है, पैराफिन गोज है, ये क्या है, पैराफिन का गोज पीस है, याद रख लेना, ये क्या हो गया, पैराफिन का गोज पीस है। यानी मोस्ट कॉमनली कौन से मरीज में लिया जाता है, जिन भाई साहब के अंदर बर्न की कंडीशन है, जिन मरीज में क्या है, बर्न वाली कंडीशन होती है, बर्न वाले पेशेंट के अंदर ड्रेसिंग करनी है, या कोई भी डेकुबाइटिस अल्सर का मरीज है, या डायबिटीज मेलाइटिस का है, या पेप्टिक अल्सर कौन सा है, प्रेशर अल्सर का कोई भी मरीज है, उस कंडीशन में आपको क्या करनी है, ड्रेसिंग करनी है, तो पैराफिन गोज काम में लिया जाता है। ये पैराफिन गोज जाकर के क्या करता है दोस्तों, चिपकता नहीं है, ये पैराफिन गोज जाकर के क्या नहीं करेगा, अटैच नहीं होगा, यानी खुला खुला रहेगा, जैसे ही हटाने की कोशिश करोगे हट जाएगा, और मरीज के वुंड को डिटैच नहीं करेगा, वुंड को अच्छे से बना के रखेगा, वुंड की हीलिंग में मदद करेगा। किसकी मदद करेगा भैया जी, हीलिंग में मदद करेगा, क्लियर हो गया। अगर ऐसी जाली जाली पतली सी सुंदर सी नजर आए तो जवाब दे देना, यह क्या होगी, अरे क्या जवाब जाएगा, पैराफिन गोज। आगे मैं बताऊंगा ग्राफ्ट कैसा होगा और हर्निया मेश कैसा होगा, सारी चीजें बता दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा डियर, गरिमा बजा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इस फोटो को दिमाग के अंदर बिठा लो कि ये तो सर हमने दिमाग में पैक कर लिए, आते ही क्या चिपकाना है, तो जवाब देना है आपको पैराफिन गोज। आगे मैं बताऊंगा कि क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को, यानी कैसा होगा ग्राफ्ट, कैसा देखने को मिलेगा, और आपको हर्निया मेश कैसा देखने को मिलेगा। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा डियर, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया डियर, आग लगा रहे हो, आग लगा रहे हो। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट शुड द नर्स डू इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग ए कंसेंट फॉर्म सर्जरी। अरे भैया जी, कंसेंट ले रहे हो यानी मरीज की आज्ञा ले रहे हो कि क्या तुम्हारे अंदर ऑपरेशन कर दिया जाए, ऐसी कंडीशन ले रहे हो, उसके दौरान क्या पता करना है। पहला बोल रहा है डिस्क्राइब द रिस्क इन्वॉल्वमेंट इन द सर्जरी, सर्जरी के दौरान क्या क्या रिस्क होगी उसके बारे में पता करो। दूसरे ने बोला है एक्सप्लेन द ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर इज ए रूटीन फ्रॉम एनी सर्जरी,
उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई साहब ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, मरीज के ऑपरेशन करते हैं तो रूटीन में ऑटोग्राफ ले लेते। तीसरे ने बोला है विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर विद द नर्स सिग्नेचर विद द डॉक्यूमेंट। अरे मरीज के क्या करवा दो, मरीज के साइन के साथ में नर्स को गवाह बनना है। और लास्ट ने बोल रहा है डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट नॉलेज एंड द कॉन्शियस लेवल सफिशियंट टू गिव कंसेंट। आपको तो ये पता करना है कि कहीं डॉक्टर साहब ने साइन डरा करके धमका करके तो नहीं ले लिए। मरीज को सारी की सारी बात बताई या नहीं बताई कि किस चीज का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, क्या नफा नुकसान होना, यह संपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी या ऐसे ही बोल दिया कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का काम है, चुपचाप से साइन करो, इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो नर्स क्या करेगी दोस्तों, याद रख लेना। पहला बोल रहा है डिस्क्राइबिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द सर्जरी। नहीं, सर्जरी की रिस्क कौन बताएगा, सर्जन बताएगा। एक्सप्लेन द ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर रूटीन। जी नहीं, रूटीन कैसे है, स्पेशल है। अरे ऑपरेशन रूटीन में थोड़ी होता है, स्पेशल में होता है। नेक्स्ट बोल रहा है गवाह बनेगी नर्स, किसी की गवाह नहीं बनेगी। नर्स जाकर के ये पता करेगी कि एक्चुअल में स्थिति के दौरान क्या मरीज को पूरी जानकारी हुई या नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल के लिए मरीज में आपने सर्जरी करनी है CABG, यानी क्या कर रहे हो, CABG नाम की सर्जरी कर रहे हो, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी, और मरीज को बोल दिया छोटा सा इंसिजन लगेगा और इंसिजन के दौरान जैसा जांच होती है 2 मिनट का ऑपरेशन होगा और आप ठीक हो जाओगे, घर चले जाओगे। नर्स ने जाकर के पता किया तो मरीज ने बोला कि हमें तो ये बोला है कि 2 मिनट का ऑपरेशन होगा फिर घर चले जाएंगे। नर्स ने बोला किस नालायक ने ये बातें बोली, गलत बात है, बड़ा ऑपरेशन होगा, ओपन हार्ट सर्जरी वाली कंडीशन हो सकती है, आपके हृदय को खोला जाएगा, खोल खोल करके उसको ठीक किया जाएगा, महीने भर आपको रेस्ट करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना जुलना कम करना पड़ेगा, इंफेक्शन की रिस्क बढ़ जाएगी, फिर आपका दिल काम करेगा तो काम करेगा, और सबसे मोटी बात अगर ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा और विकेट जरूर चला जाएगा। यह जानकारी नर्स देगी तो उसके बाद में मरीज को पूछा कि अब साइन करोगे, मरीज ने बोला नहीं करूंगा तो नहीं करेगा, तो यह मरीज की मर्जी। मरीज क्या है, ऑटोनॉमी पावर रखता है। मरीज ने मना कर दिया कि मैं कंसेंट नहीं दूंगा, मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, तो यह मरीज का क्या है, ऑटोनॉमी पावर है। यह मरीज क्या रहेगा, ऑटोनॉमी पावर रहेगा, वो बोलेगा मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अरे भैया जी, मेरी मर्जी, मेरी नहीं, मरीज की मर्जी कंडीशन कहलाती है ऑटोनॉमी। और इस ऑटोनॉमी को अगर भूल जाते हो तो एक ऑप्शन दे देता हूं, MCJ ऑटोनॉमस बॉडी। और इसको भी भूल जाते हो तो याद दिला दूं क्या, बोले तो आपके घाव के ऊपर लगा दूं क्या, 80-20। अरे भैया जी, जब आपका एम्स ने ऑटोनॉमस बॉडी होने के नाते 80-20 लगाया, यानी क्या वो किसी की सुनता है, नहीं, जो उसके दिल में आएगा वो करेगा। तो यहां मरीज भी क्या है, ऑटोनॉमस है। यहां मरीज भी कौन सा पावर रखता है, ऑटोनॉमस पावर रखता है, यानी जो उसको ठीक लगेगा वो ये काम करेगा, ये कंडीशन करना है, चलेगा। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज डियर, इस फोटो को अब देखो और अब वापस से पहचानो, अब इस फोटो को वापस से देखो और पहचानो। अभी मैंने आपको क्या चीज बताई थी, अब इस चीज को ढंग से देखिएगा, अब इस चीज को ढंग से देख के जवाब दीजिएगा। डियर क्या हुआ, बहुत बढ़िया, क्या सर आधी रात को नमक मिर्ची लगा रहे हो हमारे गांव के ऊपर, चलिएगा अभी गुलाब जामुन लगाएंगे, चलिएगा नमक मिर्ची नहीं अभी गुलाब जामुन लगाएंगे, चिंता नहीं, क्लास के अंदर इतना कंसंट्रेशन करना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना भी नहीं है, टिल नोर सेट। अब तो नोर सेट सर के ऊपर है, पढ़ाई का पीक लेवल चल रहा है, आधी रात का समय हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप पढ़ने की औकात रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी डियर जो आपका सिलेक्शन रोक ले, चिंता नहीं करे। ये क्या कहलाएगी, ये इस इमेज को देखेगा। तो पहले अभी अपन ने क्या पढ़ा था, पैराफिन गोज पढ़ा था, फोटो को ध्यान से देखेगा जिसके अंदर आपने मरीज की बॉडी का पार्ट नजर आ रहा है, पार्ट के ऊपर आपने क्या लगा रखा है, ग्राफ्टिंग लगा रखी है, और ग्राफ्टिंग के साथ में आपने यहां क्या कर रखा है, स्टेबल कर रखा है। इस फोटो को ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको क्या नजर आ रहे हैं, स्टेपलर नजर आ रहे हैं, यहाँ क्या कर रखे हैं, स्टेपलर कर रखे हैं। ये आपका क्या है, मरीज के अंदर ग्राफ्ट कर रखा है, मरीज के अंदर क्या लगा रखा है, ग्राफ्ट लगा रखा है, यानी मरीज की ही किसी न किसी दूसरी बॉडी पार्ट से सैंपल लिया जाता है या किसी दूसरे रिश्तेदार से लेकर के मरीज के ऊपर बॉडी पे लगाई जाती है, इसको क्या बोलोगे, ग्राफ्ट बोलोगे, इसको क्या बोला जाएगा, सर्जिकल ग्राफ्ट, क्या बोलोगे, सर्जिकल ग्राफ्ट, क्लियर है। या तो मरीज की बॉडी से ले लिया या मरीज के किसी दूसरे रिश्तेदार से बॉडी से ले लिया या कहीं से भी, होमोलोगस होता है, हिट्रोलोगस होता है, ओलोलोगस होता है, एट्रोलोगस होता है, या अलग अलग कंडीशन का होगा। ओलोजिनस का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल ट्विन से ले लिया, होमोलोगस का यानी अपने ही प्रजाति के लोगों से ले लिया, हिट्रोजिनस का मतलब क्या हो गया, दूसरी प्रजाति से, अरे गाय का ले लिया, भैंस का ले लिया, अरे भैंस जो रोज पानी में जाती है उसको बोला निकल बेटा बाहर, हमें रिजेक्ट, हमने बॉडी के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ्ट चाहिए, बॉडी के ऊपर
लगाना है, प्लास्टिक की सर्जरी करनी। अब यहां देखिएगा सर, डिफरेंशिएट करो। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये कि ऐसा फोटो आता है साइड में, देख लेना सूचर्स नजर आएंगे। ऐसा फोटो आता है देख लेना साइड में, ये मैं क्लीन कर देता हूं, यहां आपको सूचर्स नजर आएंगे। दिख रहे हैं सूचर्स, यहां आपको सूचर्स नजर आएंगे जो ना तो हर्निया मेश में होते हैं और ना ही आपका पैराफिन गोज में होते हैं। ना तो हर्निया मेश में होते हैं ना पैराफिन गोज में होते हैं, ये नजर आएंगे सिर्फ आपको ग्राफ्ट वाली कंडीशन में। दूसरा याद रख लेना, इसके पोर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कंडीशन में कि कौन कौन सा लिया था। अभी बताऊंगा। ग्राफ्ट का एक स्टेपलर होता है, यानी बॉडी के पार्ट से आपको ग्राफ्ट को लेना है तो कैसे लिया जाएगा, बॉडी के पार्ट से ग्राफ्ट लेते हैं तो ग्राफ्ट कैसे लिया जाता है, यानी छील करके स्किन को लिया जाता है, उसके बाद में उस स्किन को मैश किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, जी हाँ देखा होगा आटे को लगा करके, देखा होगा जो रूम लेकर के रहते हैं वो आटे को लगाते हैं, आटे की तरह उसको मैश करके फिर उसकी जाली बनाई जाती है जो बहुत लॉन्ग और बहुत क्या होती है, इलास्टिसिटी बनती है इसके अंदर। हल्की सी चमड़ी लेने के बाद ये इतनी बड़ी हो जाती है, डिपेंड करती है कि आपने जी हां कौन सा ग्राफ्ट का स्टेपलर काम में लिया था, उसकी कंडीशन में। उसके पोर्स की साइज होती है वही यहां पोर्स होती है, किसी में स्मॉल होते हैं किसी में बड़े होते हैं। जी हां नाइफ से लेंगे, अभी बताऊंगा कैसी नाइफ होगी। क्लियर है डियर? तो ये कंडीशन क्या हो गया, सर्जिकल ग्राफ्ट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। इस फोटो को देख करके जवाब दीजिएगा ये डियर क्या कहलाएगी, ये फोटो क्या कहलाएगी आपको। थैंक यू सो मच दिलीप, बहुत बढ़िया डियर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ चमड़ी ले लेंगे, बहुत बढ़िया। प्लास्टिक सर्जरी, सुंदरता वाली सर्जरी। इस फोटो को देखो कौन सा है, स्टेपलर है, बहुत बढ़िया। स्टेपलर तो अभी तो बहुत स्टेपलर आएंगे, अभी तो इतने स्टेपलर आएंगे कि एक बार स्टेपलर भी बोल बैठेगा कि अरे सर क्या कर बैठे, इतने कहां से ले आए, हमें तो पता ही नहीं हम इतने स्टेपलर हैं। अरे लीनियर स्टेपलर से और अंदर चले जाओ, इसका नाम क्या रहेगा, एंटी नॉन ट्रोमेटिक लीनियर स्टेपलर, याद रख लीजिएगा इसका नाम क्या रहेगा, NTLS। क्या बोलोगे, नॉन ट्रोमेटिक लीनियर स्टेपलर बोला जाता है। सर ये नॉन ट्रोमेटिक कैसे हुआ, तो इसके बार वाले एज देखिएगा, ये कौन सी कंडीशन होती है, ब्लंट, यानी ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी स्किन खराब नहीं करेंगे, किसी भी स्किन को फाड़ेंगे नहीं, छेदेंगे नहीं, तो ये नॉन ट्रोमेटिक स्टेपलर होता है, याद रख लीजिएगा। ये भी मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर लिया जाता है, या मरीज में क्या होगा ज्यादा ब्लीडिंग कोज नहीं करेगा और स्टेपलिंग का काम करेगा, इसका नाम है NTLS। अगर ये फोटो आपको एग्जामिनर दे देता है तो जवाब देकर के क्या हो गए, नॉन ट्रोमेटिक, इस वर्ड को मत भूलना, आगे बताऊंगा ट्रॉमेटिक वाला। क्लियर हो गया, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, जी हां नॉन ट्रॉमेटिक लीनियर स्टेपलर बोला जाता है। ये ब्लंट कंडीशन होती है, इसके बीच में स्किन जाएगी और स्किन को क्या कर देगा, काट करके पिचका करके सूचर्स कर देगा। चले आगे, जी हां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे, फटाफट से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक द फर्स्ट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड द पेन आफ्टर सर्जरी। अरे नर्स कौन सा ऐसा एक्शन लेगी जिससे रिड्यूस कर देगी, यानी कम कर देगी एंजाइटी का मतलब तनाव को और दर्द को कम कर देगी, कौन सा जो सर्जरी के बाद होने वाला है। चलेगा सर्जरी के अंदर होने वाले दर्द को कम करने का तरीका क्या काम में लेगी नर्स, कौन सा तरीका काम में लेगी डियर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया डियर, नॉन स्टेपलर अभी भी वहां चल रहे हो, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स उठाएगा राफेल की तरह लग जाना चाहिए। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि क्लास ढंग की चल रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और मैक्सिमम बच्चे तक शेयर कर देना, यानी अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो हर एक उस बच्चे तक शेयर कर देना जिसका ख्वाब नॉर्स। स्वार्थी मत बनिएगा, सारथी बनिएगा, जैसा सर बोलते रहते हैं हमेशा। क्लियर है, जी हां स्वार्थी ना बने। टेक द कंसेंट बाय द पेशेंट, दूसरा बोल रहा है प्रोमिस टू गिव ए कोल्ड स्पंजिंग आफ्टर सर्विस। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोमिस द एडमिस्टिंग ऑफ द प्रेस्क्राइब एनाल्जेसिक आफ्टर द सर्जरी और एक्सप्लेन द प्रोसीजर। कौन सा काम करेगी, मरीज को दर्द के बारे में दर्द से निजात पलाना है तो याद रख लेना कंसेंट का काम अपना नहीं होगा। यहां नर्स का पूछा है और नर्स कौन सा एक्शन लेगी जो रिड्यूस करेगी, अरे भैया जी उसको प्रोमिस यानी वादे नहीं करने, हवा में बातें नहीं करनी है कि हम आपको क्या कर देंगे कोल्ड स्पंजिंग कर लेंगे ताकि दर्द कम हो जाएगा। नहीं भैया एंजाइटी को कोल्ड स्पंजिंग से कैसे करोगे, दिमाग के ऊपर करोगे स्पंजिंग, नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है दवाई लगा देंगे दवाई से ठीक हो जाएगा, नहीं। उसको क्या करो जिसके कारण जो तनाव बन रहा है, जिसके कारण जो तनाव बन रहा है उस तनाव को दूर करने के लिए उसको क्या करो, सारा का सारा प्रोसीजर बताओ। ऐसी सर्जरी होगी, ऐसा ऑपरेशन थिएटर होगा, ऑपरेशन थिएटर में 8 से 10 नर्सिंग स्टाफ होंगे, सारे के सारे स्टाफ आपके साथ में रहेंगे, स्टाफ आपको मदद करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर होगा, एनेस्थोलॉजिस्ट होगा, ये होंगे वो होंगे, वेंटिलेटर होगा, मशीन होगी, एनेस्थीसिया लगा दिया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई
भी दर्द नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको दर्द होगा तो पेन किलर वगैरह दिए जाएंगे, यानी संपूर्ण। ये एंजाइटी किसकी है, तो जो अभी आपको लग रहा है कि नॉर्सेट में क्या आएगा, अभी आपकी एंजाइटी क्या है कि सर नॉर्सेट में क्या आएगा, तो वही समझाने की कोशिश करें कि यहीं से उठ के आएगा। अरे घूम फिर करके या तो डायरेक्ट आएगा, नहीं तो इनडायरेक्टली यहीं से आएगा। आएगा कहां से, कहीं नहीं आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए भी क्या चल रहा है, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर। आप मान सकते हो ये क्लासें किसके बारे में है, एक्सप्लेन अबाउट द नॉर्सेट, नॉर्सेट के बारे में प्रीव्यू करवाया जा रहा है। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से इस फोटो को देखिएगा, पहचानिएगा, जवाब दीजिएगा। डियर इस फोटो को देखिएगा, पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा, ये फोटो क्या है, ये फोटो क्या है। चलेगा, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, ध्यान से फटाफट से देख लेना। चलेगा, जवाब दीजिएगा डियर। आफ्टर सर्जरी होने वाले दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हो, आफ्टर सर्जरी होने वाले दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हो, इसको पहचानिएगा। ये कौन सा कैथेटर नजर आ रहा है या कौन सी लाइन नजर आ रही है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या जवाब जाएगा, कार्डियक कैथेटर स्टेंट, एम्बोलस रिमूवल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कौन सा कैथेटर रहेगा, एम्बोलेक्टमी कैथेटर बोला जाता है या इसी का नाम होता है फोगार्टी कैथेटर। इसी का दूसरा नाम क्या है, फोगार्टी कैथेटर, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। यहाँ क्या बना हुआ है, एक बबल बना हुआ है आगे, जी हाँ, गुब्बारे की तरह। इसको क्या कहलाया जाएगा, जब भी मरीज के अंदर एम्बोलिस बन जाएगा, एम्बोलिस का मतलब कोई भी थ्रोम्बस जो एक जगह बना हुआ था, कोई भी थ्रोम्बस वाला पार्ट जो एक जगह बना हुआ था, ये देखिएगा यहाँ कोई थ्रोम्बस था, यहाँ से डिटेच होकर के वो कहीं पर भी पहुँच गया, तो उसके पीछे पीछे आपको क्या करना है, इस लाइन को ले जाना है, ले जाना है, ले जाना है, बहुत लॉन्ग लाइन होती है, ये जाएगी वहाँ जाएगी, जाने के दौरान कोई भी गुब्बारा फुला हुआ नहीं मिलेगा, उससे आगे की तरफ आपको करना है, उससे आगे की तरफ, फॉर एग्जांपल के लिए देख लेना, ये आपकी कोई वेसल से, यहां पर आपका एम्बुलेंस पड़ा है, यहां क्या पड़ा है आपका डियर, चलेगा, यहां आपका कोई एम्बुलेंस पड़ा है, तो यहां आपको पीछे से क्या डालना है, ये फोगार्टी कैथेटर डालना है। ये जैसे ही डाला यहां पहुंच गया, कैमरा इसके माध्यम से आप देखते जाओगे, जैसे ही आपने देखा, देखने के बाद में थैंक यू सो मच धीराज, बहुत बढ़िया, यहां करने के बाद में आप क्या करोगे, इसको फुला दोगे, जी हां, इसके कैथेटर को क्या कर दोगे, बबल्स को फुला दोगे, और फुलाने के बाद इसको क्या करोगे, धीरे धीरे बाहर की तरफ खींच लोगे और उस एम्बुलेंस को खींच के बाहर निकाल दोगे। यही कंडीशन होती है, इसको बोला जाता है एम्बोलेक्टमी कैथेटर। एम्बोलेक्टी कैथेटर का मतलब एम्बोलस को निकालने में मदद करेगा, और दूसरा क्या बोल रहा, फोगार्टी कैथेटर ही इसका दूसरा नाम होता है। दूसरा नाम क्या रहेगा, फोगार्टी कैथेटर। अरे पूछा था आफ्टर सर्जरी पेन को कम करना, अरे आफ्टर सर्जरी पेन को कम करने का तरीका होगा, पहले कम कर दो। अरे ऑपरेशन से पहले जब मरीज में एंजाइटी हो रही है, तो एंजाइटी का कारण क्या होगा, ऑपरेशन होगा। अरे ऑपरेशन से पहले कभी भी एंजाइटी का कारण पूछे तो ना तो अभी मरीज में कारण क्या है, तो कारण यही है, टेंशन हो रहा है, किसके बारे में, ऑपरेशन से, तो उसको कम कब करोगे, पहले ही कर दो, प्री, जी हाँ, प्री ऑपरेटिव कंडीशन के दौरान उसको टीच कर देना। आपने दिमाग लगा लिया कि आफ्टर सर्जरी पूछा है, बाद वाले जवाब देंगे। अरे आफ्टर सर्जरी यानी सर्जरी के बाद होने वाले तनाव के बारे में वो पहले सोच रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि नॉर्सेट का पेपर कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे, तो जो पोस्ट नॉर्सेट वाला तनाव है उसको प्री नॉर्सेट में कंप्लीट कर दो, यानी उस तनाव को खत्म करने की कोशिश करो। यही आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था डियर, क्लियर हो गया, तो ये काम आता है। जी हां, फोगार्टी कैथेटर याद रख लेना, ये इमेज जो लॉन्ग साइड में देखने को मिलेगी, और आगे क्या देखने को मिलेगा, कैथेटर के बबल जैसी कंडीशन। थैंक यू सो मच, चले आगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखिएगा, पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन अलग होता है, व्हाइट कोट का मतलब सफेद कोट को देखते ही मरीज का बीपी बढ़ जाना, सफेद कोट को देखते ही मरीज का क्या बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, जवाब दीजिएगा इसका नाम दोस्तों, जवाब दीजिएगा इस कंडीशन का, जल्दी से। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए एक जो लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन कमेंट नहीं कर रहा है। अरे भैया कमेंट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंट कैसे करोगे। Identify the given image, identify the given image, अभी तो धमाका चल रहा है, emergency OT ICU, क्यों घबरा रहे हो। अरे घबरा करके मैदान छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्लास में अटेंडेंस बना के रखेंगे, क्लास के कंसंट्रेशन करेंगे, तो आज जो सो जाएंगे उनकी नींद उड़ जाएगी 20 तारीख को, ये मेरी गारंटी है। और जो आज जाग जाएंगे वो 20 तारीख को अच्छे से नींद लेंगे, बोले तो इस टाइम में तो सो जाएंगे, आधी रात चलेगी उनको। ये कौन सा स्टेपलर है, कौन सा स्टेपलर है, स्टेपलर तो बोल दिया, ग्राफ्ट कटिंग नाइफ नहीं है डियर, ग्राफ्ट कटिंग नाइफ नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, जल्दी से आप दीजिएगा, मिरकस, किसको क्या बोलोगे, मिरस,
मिरर्स लीनियर स्टेपलर, कौन सा बता दिया, मिरर्स लीनियर स्टेपलर, जो आगे से ऐसा देखने को मिलेगा। ये क्या ट्रॉमा कर सकता है, जरूर कर सकता है, ये कंडीशन में कहीं का ट्रॉमा कर सकता है, जरूर कर सकता है। इसके अंदर ये इसका क्या लगा रखा है, हैंडल्स लगा रखा है, यहां से कंप्रेशन करोगे वहां क्या हो जाएगी, चीज स्टेपल हो जाएगी। नाम देख लेना, मिरर्स लीनियर स्टेपलर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपलर रहेगा, ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। इससे ज्यादा जूम करते ही बोर्ड से बाहर चला जाएगा डियर, जूम जितना करना था कर दिया। जी हां, ये भी आपको क्या करना है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी के दौरान काम में लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी बिग साइज का कोई पोर्श होगा उसको ठीक करने के लिए, बिग साइज का मतलब इसकी साइज क्या होती है, लॉन्ग साइज होती है, याद रख लेना। इसका डायमीटर क्या होगा, बड़ा होगा, जो एनटीएल अपन ने पढ़ा था नॉन ट्रॉमेटिक लीनियर स्टेपलर, उसकी साइज छोटी थी, लेकिन इसकी साइज क्या होगी, लॉन्ग साइज में देखने को मिलेगा। कैसी साइज में देखने को मिलेगा, लॉन्ग साइज यानी बड़ी साइज में देखने को मिलेगा। जी हां, मिरर्स लीनियर स्टेपलर, क्लियर हो गया, मिरर्स लीनियर स्टेपलर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट इमेज को ध्यान से देख करके जवाब दीजिएगा। ये इमेज क्या रहेगी, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, जूम कर दिए डियर, ध्यान से देख लेना। ये इमेज आपके अगर 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 फंसेगी 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 डियर, लेकिन ध्यान से पढ़ के जाना, गड़बड़ मत कर देना एग्जाम के दौरान। जी हाँ, मिरर्स लीनियर स्टेपलर, बहुत बढ़िया, गूगल सर्च कर लो, जिन्होंने नहीं देखी थी, सर्च नहीं करने की जरूरत है, अभी क्लास को अटेंड करने, उसके बाद में जो करना है वो कर सकते हो। चलेगा नेक्स्ट, आपके इमेज आपके सामने आ गई, इसको क्या बोलोगे डियर, हार्मोनिक बोलोगे, हार्मोनिक नहीं होगा डियर, हार्मोनिक अभी बताऊंगा, ये हार्मोनिक नहीं होगा। टेक्निकल टीम, इस फोटो को बच्चों की आंखों के आगे स्विच करने की कोशिश कीजिएगा, बायोप्सी गन नहीं है। अरे ये क्या है दोस्तों, ये क्या नजर आ रहा है, चलेगा, इसको बोला जाता है थंडर वेट, इसको क्या बोलोगे, थंडर बीट बोला जाता है, याद रख लेना। ये भी क्या करेगा, मरीज में स्टेपलिंग का काम करेगा, याद रख लेना। अलग अलग साइज का होता है, डिफरेंशिएट साइज के अंदर बता दिया, ये बिग साइज के अंदर देखने को मिलेगा, ये उसकी क्या है दोस्तों, मिडल साइज के अंदर अवेलेबल है। दूसरा ये क्या हो गया, शॉर्ट साइज के अंदर, सबसे छोटी साइज के अंदर आपसे पूछ ले थंडर बीट कौन सा देखने को मिलेगा, तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। यहां करना है किसी भी कंडीशन को आपको पंच करना है, तो यहां से पंच कर सकते हो, और उसको क्या करना है। जी हां, बहुत बढ़िया डियर, ट्रोकार पहले बता दिया था, इसके अंदर क्या कर सकते हो, ये किसी भी चीज पंच करना, क्लॉप्स करना, सूचरिंग करना, ये मदद करेगा। यहां से क्लियर हो गया, जब आपने लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करोगे तो इसके माध्यम से एंट्री ले सकते हो। जब भी मरीज में क्या करोगे, लेप्रो लेप्रो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करोगे तो किसके माध्यम से एंट्री ले सकते हो, तो इनकी अलग अलग साइज है, इसको क्या बोला जाता है। जी हां, थंडर बीट, बहुत बढ़िया डियर, चले आगे। जी हां, कहां से लाए हो, यही तो बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लाए हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट से पढ़ेगा और जवाब दीजिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्लाइंट हैज ए टोटल नी रिप्लेसमेंट, अरे भैया जी मरीज का घुटना निकाल दिया। जी हाँ, टेक्निकल टीम को थोड़ी सी झपकी लग गई है, टेक्निकल टीम फोटो स्विच किया जाए, बच्चों के कमेंट लगातार आ रहे हैं, क्लाइंट है टोटल नी रिप्लेसमेंट, चलेगा वापस से एक बार इस बच्चे को फोटो दिखाया जाए। अगर टेक्निकल टीम को नींद आ रही है तो जग जाइएगा, क्योंकि हमारे लल्ला मुन्ना जगे हुए हैं, तो आप कैसे सो सकते हो। चलेगा, इनके आंखों के आगे इस फोटो को बढ़ा करके दिखा दिया, क्या रहे, चले देख लिया भैया, टेक्निकल टीम जाग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, एक क्लाइंट है जे टोटल नी रिप्लेसमेंट, अरे भैया जी इन भाभी जी का, इन भाई साहब का घुटना निकाल दिया, एंड द कंटीन्यूअस पैसिव मोशन डिवाइस, अरे उनको क्या दे दिया, सीपीएम डिवाइस दे दी, उनको क्या दे दी, सीपीएम कंटीन्यूअस पैसिव मोशन, कंटीन्यूअस का मतलब लगातार, पैसिव का मतलब जो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। हार्मोनिक अभी बताऊंगा, चिंता नहीं करे रे भैया, हार्मोनिक भी बता दूंगा। पैसिव मोशन का मतलब मूवमेंट, डिवाइस का मतलब एक मशीन है, इज बींग यूज, जिसका वो काम कर रही है। द नर्स कॉन्क्लूड दैट द टीचिंग वॉज इफेक्टिव, इफेक्टिव होगी वेन द क्लाइंट स्टेट द गोल ऑफ दिस थेरेपी, अरे भैया जी जब घुटना, जी हाँ रसगुल्ला 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 तो खाएंगे सिलेक्शन के बाद, अभी खाएंगे तो हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस।
मरीज के अंदर नी रिप्लेसमेंट कर दिया बोले तो घुटने की सर्जरी कर दी, उसके बाद में आपने मरीज को कौन सी दे दी, CPM कंटिन्यूस पैसिव मोशन की डिवाइस दे दी है, तो उसका क्या टारगेट रहेगा, क्या बताया स्टाफ ने तो पहला, सॉरी मरीज ने तो पहला बोल रहा है इंप्रूविंग ज्वाइंट फ्लेक्शन, वो बोल रहा है कि मेरे ज्वाइंट को फ्लेक्शन करने में मदद करेगा, दूसरा बोल दिया मेंटेन मसल टोन बनाने की कोशिश करेगा, तीसरे ने बोल दिया प्रिवेंट टिश्यू ब्रेकडाउन को कम करेगा, लास्ट बोल रहा है अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, ब्लड में बनने वाले क्लॉट को खत्म करेगा। तो याद रख लेना नी रिप्लेसमेंट घुटने की सर्जरी करने के बाद ने आपने ऐसी डिवाइस दे दी जो उसके पैर के मूवमेंट करवाती रहेगी, तो याद रख लेना कोई क्लॉट फॉर्मेशन के लिए तो नहीं दी होगी जो इतनी लंबी चलेगी, क्लॉट फॉर्मेशन की रिस्क क्या रहेगी तो थोड़ी देर के लगेगी, यानी घुटने में ब्लीडिंग वगैरह होगी तो थोड़ी देर रहेगी, लेकिन ऐसे थोड़ी बोल दिया कि महीने दो महीने चार महीने तक करते जाओ ये गलत हो गया, टिश्यू ब्रेकडाउन को ये प्रिवेंट नहीं करेगी, मशीन आपकी अभी फोटो दिखा दूंगा, मेंटेन मसल टोन तो मसल टोन को भी मेंटेन नहीं करेगा, ये क्या करेगा इंप्रूव करेगा जॉइंट के फ्लेक्शन को, यानी आपके घुटने को मुड़ने में मदद करेगा। याद रख लेना कैसी देखने को मिलेगी, मरीज अपना पैर उसके अंदर डालता रहेगा, पैसिव मूवमेंट चलता रहेगा, यानी उसके घुटने के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और मूवमेंट भी कौन सा फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाला, यानी घुटने को फोल्ड करेगा एक्सटेंड करेगा फ्लेक्स करेगा एक्सटेंड करेगा, तो ये मदद कहां करेगी, राइट आंसर ए जाएगा डियर। क्लियर हो गया, जिन जिन बच्चों ने बी सी और डी दिया उनकी पता नहीं कौन कहां पानी में चली गई, क्लियर है, तो उसको पकड़ के लाइएगा बाहर बिठाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने, चलेगा आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को जवाब दीजिएगा, इस फोटो को क्या बोलोगे डियर, इस फोटो को क्या बोलोगे, ध्यान से देख करके जवाब देना, ये कौन सा रहेगा, ये कौन सा बोला जाएगा, ये कौन सा लैप है, लैप का मतलब लेप्रोस्कोपी के अंदर काम में लेते, ये कौन सा लैप देखने को मिला है डियर, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, और टेक्निकल टीम जल्दी से बच्चों की आंखों के आगे इस फोटो को बड़ा बड़ा करके दिखाइएगा, ताकि बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, फोटो सही से नजर आना चाहिए, पिछली बार आपने फोटो नहीं दिखाया इसके कारण गलत हो गया, बाकी गलत नहीं होता बच्चों का क्वेश्चन कभी भी। अब बच्चों का जवाब आ रहा है लाइगा शोर, कुछ बच्चों का नाम आ रहा है हार्मोनिक, अरे भैया अब क्या जवाब जाएगा, हार्मोनिक लैप, इसको क्या बोलोगे, हार्मोनिक लैप, ये कौन सा होता है, हार्मोनिक लेप होता है जो गन शेप में देखने को मिल रहा है, कैसा देखने को मिल रहा है, गन शेप का, और इसके अंदर अभी कौन सा लगा हुआ है, ब्लंट लगा हुआ है, कौन सा स्टेंट आगे लगा हुआ है, ब्लंट लगा हुआ है, इसके भी क्या रहती है, डिफरेंशिएट साइज रहती है, इसकी भी क्या रहेगी, डिफरेंशिएट अलग अलग से साइज देखने को मिलती है, जिसके अंदर ट्रोमेटिक भी हो सकता है, नॉन ट्रोमेटिक भी हो सकता है, रिंकल्स वाला भी हो सकता है, स्ट्रेट वाला भी हो सकता है, अगर ऐसी मशीन नजर आए तो इसको बोलेंगे हार्मोनिक लैप, क्लियर है, वो पहले वाली हार्मोनिक लैप नहीं थी, वो थंडरबैंड था, क्लियर हो गया डियर, ऐसा देखने को मिलेगा हार्मोनिक लैप, लैप का मतलब लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर, ये पीछे की तरफ क्या लगी हुई है, लीड लगी हुई है जो मशीन से जोड़ देंगे, अंदर से अच्छा अच्छा नजर आएगा, क्लियर हो गया डियर, देख लिया इस फोटो को ध्यान से, जी हाँ हार्मोनिक लैप, चले आगे, बहुत बढ़िया डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को इस फोटो को देखिएगा पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा, भैया जी इस फोटो को पहचानिएगा देखिएगा जवाब दीजिएगा, ये कौन सा मशीन नजर आ रहा है, इस फोटो को देखिएगा पहचानिएगा जवाब दीजिएगा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आ गया, कौन कौन सी बंदूक ले आए, अरे वही बंदूक ले आए जो इस बार अपना सिलेक्शन करवा दे, चलेगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स को धीरे नहीं करें, मैक्सिमम क्वेश्चन तक अपने को अप्रोच करना है, न रुकना है न झुकना है न थकना है, टिल नॉर्सेट यानी लगा दो आग पानी में, इस बार नहीं रुकना है, लगा दो भैया आग पानी में, जी हाँ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर, जो जब जागे तभी सवेरा, पापा की परी, बहुत बढ़िया डियर, नाम भी अच्छा रखा है आपने तो, बहुत बढ़िया, ये क्या है, कोटरी जवाब आ रहा है, वेरी गुड सुनील, क्या है, लाइगा शोर है, ये क्या कहलाएगा, लाइगा शोर कहता है ये, इसको क्या बोलोगे, लाइगा शोर बोलेंगे, और कौन सी साइज का है, स्मॉल साइज का, ये आपका लाइगा शोर है, आगे से देख लेना ऐसा नजर आएगा, और ये पीछे की तरह कैंची की तरह नजर आए, वायर जुड़ा हुआ है, इस कंडीशन को क्या बोलोगे, लाइगा शोर, इसको क्या जोड़ा जाता है, मशीन से जोड़ा जाता है, इसको क्या करोगे, कनेक्ट विद द मशीन, किसके साथ में, कनेक्ट विद द मशीन, इसको क्या करेंगे भैया जी, मशीन के साथ में जोड़ा जाता है, और आगे से इंस्ट्रूमेंट ऐसा नजर आता है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, लाइगा शोर कहलाता है, क्लियर हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थंडरबैंड बता दिया, लाइगा शोर बता दिया है मैंने, हार्मोनिक लैप बता दिया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोकार सबसे पहले बता दिया, हर एक फोटो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से दिमाग के अंदर बिठाते जाएगा डियर, चले आगे, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया डियर, फटाफट से पढ़िएगा, झटाक से जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन ने पूछा है, नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट फॉर पॉसिबल, एक मरीज है
जो क्या कर रहा है, असेसिंग ए क्लाइंट पॉसिबल लेरिंजियल नर्व इंजरी, और जिसको क्या दिक्कत हो गई, लेरिंजियल नर्व। लेरिंजियल नर्व का मतलब आपके वॉइस बॉक्स में चलेगा। रवि प्रजापति, इमेज कहां कहां से आ जाती है? इंपॉर्टेंट इमेज है, एग्जाम में आएगी, बेनिफिशियल होगी आपके लिए, चिंता नहीं करें डियर। कहां से आती है वो नहीं सोचें, जब एग्जाम के दौरान ये फोटो मिलेगा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ध्यान देखिएगा यहां क्या बोला है, लेरिंजियल नर्व इंजरी हो गई है फॉलोइंग ए थायरोडक्टमी। जब मरीज में थायरॉइड ग्लैंड को आपने निकालने की कोशिश की, उसी टाइम में भगवान ना करे लेकिन आपकी लेरिंजियल नर्व डैमेज हो गई। विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट ऑन द हावरली बेसिस, हर घंटे घंटे के बाद में नर्स क्या करेगी, क्या करेगी अवरली बेसिस। पहला बोल रहा है आस्क द क्लाइंट टू स्पीक, उसको बुला बुला करके पूछेंगे। दूसरा बोल रहा है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्वालो, उसको बोलेंगे निगल निगल करके बताओ। तीसरे ने बोला है हैव द क्लाइंट हम ए फेमिलियर ट्यून। लास्ट बोल रहा है स्वाब द क्लाइंट द थ्रोट टू टेस्ट द गैग रिफ्लेक्स, कौन सी चीज को देखोगे याद रख लेना। यहां आपको लेरिंजियल नर्व पर इंडिकेट कर लिया, इसका मतलब आपको दूसरा दिमाग नहीं लगाना। अगर लेरिंजियल के बारे में ऑप्शन नहीं होता तो अपना दिमाग कहां जाता है, एस्पिरेशन। अगर लेरिंजियल के क्वेश्चन को नहीं घुमाता तो दिमाग कहाँ चला जाता है, एस्पिरेशन। और एस्पिरेशन वाले मरीज के अंदर दो कंडीशन मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है टॉन्सिलेक्टमी, एक होता है थायरॉइडक्टमी। ध्यान से देख लेना, एक कंडीशन तो आपकी कौन सी होती है, थायरॉइडक्टमी। थायरॉइडक्टमी वाला मरीज होता है, एक होता है टॉन्सिलेक्टमी, एक कौन सा होता है टॉन्सिलेक्टमी। अरे भैया जी टॉन्सिलेक्टमी का मतलब टॉन्सिल को निकालेंगे, जब जब टॉन्सिल को निकालोगे टॉन्सिल इनर अंडर अंदर की तरफ देखने को मिलेंगे। उस मरीज के अंदर आपको हमेशा क्या देखना है, स्वालोइंग देखनी है। उस मरीज के अंदर आपको क्या देखनी है, स्वालोइंग। अगर वो निगलता हुआ नजर आए तो आपका दिमाग चला जाना चाहिए ब्लीडिंग हुआ है। अगर मरीज स्वालो कर रहा है, कौन सा टॉन्सिलेक्टमी वाला मरीज अगर स्वालो कर रहा है, आपका दिमाग चला जाना चाहिए बेटा निगल रहा है। और क्या निगल रहा है, तो खून को निगल रहा है, ये स्वालो इंडिकेट करता है हेमरेज के बारे में। ये किसके बारे में इंडिकेट करेगा, हेमरेज के बारे में, कौन सा टॉन्सिलेक्टमी। लेकिन अगर थायरॉइडक्टमी के बारे में पूछे, थायरॉइड ग्लैंड को निकालोगे तो मरीज में ब्लीडिंग होगी आउटसाइड। मरीज में ब्लीडिंग क्या देखने को मिलेगी, आउटसाइड में ब्लीडिंग होगी। और जब आउटसाइड की ब्लीडिंग होगी तो यह खून धीरे धीरे नेक के रास्ते कहां चला जाएगा, गर्दन के पीछे। खून कहां चला जाएगा, गर्दन के पीछे। तो यहां क्या देखने को मिलेगी, बैक ऑफ द नेक ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी, बैक ऑफ द नेक, गर्दन के पीछे, बैक ऑफ द नेक क्या देखने को मिलेगी, मरीज में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन आपके क्वेश्चन ने कहां घुमा दिया, लेरिंजियल नर्व के बारे में पूछ लिया, वॉइस बॉक्स के बारे में पूछ लिया, स्वर पेटिका के बारे में पूछ लिया, यानी ये सुंदर सुंदर आवाज कहां से निकलती है। तो अब दिमाग वहीं लगाओ कि आस्क द पेशेंट टू स्पीक, बार बार जाकर के मरीज को पूछो कि बोलो नाम क्या है, उसने बोला रामलाल। एक घंटा हुआ, वापस जाकर के बोलो नाम क्या है, उसने बोला रामलाल। एक घंटे से वापस जाकर के पूछा बोलो नाम क्या है, उसने बोला रामलाल रामलाल रामलाल। क्यों कर रहे हो परेशान मुझे, अरे उसने बोला परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके वॉइस बॉक्स के बारे में पता कर रहे हैं कि कहीं आपकी ऑपरेशन के दौरान लेरिंजियल नर्व तो नहीं खराब हो गई। अगर लेरिंजियल नर्व खराब हो गई तो आपकी ऊ आ आवाज आनी है, मा ओ चारी चली जाएगी। अगर क्या करोगे, ये आवाज चली जाएगी लेरिंजियल नर्व को, तो दूसरे ऑप्शन पे दिमाग नहीं लगाना। ये कांसेप्ट जिस बच्चे ने पकड़ लिया बिल्कुल कंफ्यूजन होगा, ये एग्जामिनर के फेवरेट की उसने डबल स्टार लगा रहा हूं डियर। क्या बोला है मैंने, थायरॉइडक्टमी करोगे तो ब्लीडिंग आउटसाइड होगी, टॉन्सिलेक्टमी करोगे तो ब्लीडिंग इनसाइड देखने को मिलेगी, अंदर की तरफ देखने को मिलेगी। तो उसको स्वालो करोगे, यहां ब्लीडिंग क्या देखने को मिल रही है, इनसाइड या अंदर की तरफ होगी टॉन्सिलेक्टमी में, और थायरॉइडक्टमी में बाहर साइड की होगी। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, इन कंसेप्ट को मिक्स मत करना। लेरिंजियल नर्व का बोल दिया यानी बुला करके पूछो, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है आपके सामने डियर, इसको ध्यान से देखिएगा। यह फोटो किसका है पहले तो आप ये बता दो। नेक्स्ट आप मुझे ये बता दो कि 98 रीडिंग क्या शो कर रही है, जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे 98 रीडिंग क्या शो कर रही है। इन दिस मॉनिटर शो द रीडिंग ऑफ द 98 वाली रीडिंग आपको किसके बारे में जानकारी दे रही है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा 98 वाली रीडिंग क्या बता रही है आपको। टेक्निकल टीम इसको क्या कर दे, बच्चों के दिमाग के आगे चिपका दे। सॉरी कार्डियक मॉनिटर, वेरी गुड। कौन सी रीडिंग है, 98 के बारे में कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया। 90 ये आपका सबसे पहले तो है क्या डियर, ये है कार्डियक मॉनिटर, ये आपका क्या है, कार्डियक मॉनिटर है।
ये आपका क्या है भैया जी, कार्डियक मॉनिटर है, चलिएगा ठीक है साहब। यहाँ से लीड वगैरह निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी, लीड वगैरह निकलेगी जो पेशेंट से अटैच कर देंगे, और इसके ऊपर के इसके पावर वगैरह के वो सारे के सारे बटन दे रखे। 98 वाली रीडिंग किसके बारे में, SpO2 यानी सेचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन बताएगी। ये 60 किसके बारे में बता रही है, तो आपकी हर्ट रेट के बारे में बता रही है। 60 किसके बारे में बता रही है, हर्ट रेट के बारे में बता रही है। ये 20 आपका किसके बारे में बता रहा है भैया जी, रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी रेट के बारे में। और 120/80 किसके बारे में बता रहा है, ब्लड प्रेशर के बारे में बता रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी निकालूंगा डियर, ये किसके बारे में बता रहा है, ब्लड प्रेशर। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो हमें तो पहले से ही पता था, इसमें आपने क्या बताया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं ही बताऊंगा वो अभी दिमाग में नहीं चल रही है। एम्स दिल्ली आपसे अगर पूछेगा तो क्वेश्चन कहां फंसाने की कोशिश करेगा, वो क्वेश्चन कहीं पर भी एरो कर सकता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी कार्डियक मॉनिटर के अंदर कलर को रटने की कोशिश मत करना, ये डिपेंड करता है उसकी कंपनी कौन सी है। जैसे कि मैं आपके सामने फोटो लेकर के आया हूं, इसमें ग्रीन कलर का आपका क्या हर्ट रेट है, कल को एम्स दिल्ली आपको येलो कलर में हर्ट रेट दर्शा सकता है, तो वहां आपका दिमाग मिसमैच नहीं होना चाहिए, वहां दिमाग यही लगाना है। दूसरा क्या दिमाग लगाना है, रीडिंग के ऊपर फोकस करना। पहली बात तो रीडिंग के ऊपर नियर बाय फोकस कर लेना कि हाँ रीडिंग अगर आपको पता है कि इसके अंदर देखने को मिल रही है मिली मर्करी में, इसका मतलब ब्लड प्रेशर ही होगा, दूसरी चीज नहीं होगी। अगर SpO2 के आसपास मिले, SpO2 हर्ट रेट के आसपास, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी, एम्स दिल्ली क्वेश्चन को यहां घुमाएगा, एक होती है NIBP नॉन इनवेसिव ब्लड प्रेशर, ये कौन सा देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन इनवेसिव ब्लड प्रेशर। सर ये नॉन इनवेसिव और एक दूसरा कौन सा होता है, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, एक कौन सा होता है इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, यानी IBP होता है और एक होता है NIBP। जहां-जहां एग्जामिनर एम्स दिल्ली आपसे IBP पूछेगा, जहां-जहां IBP पूछेगा, उसके सामने रीडिंग नजर आएगी। ये फोटो देख लीजिएगा, मैंने क्या पूछा है, अगर आपको यहाँ कुछ भी नजर नहीं आए और सामने लिखा हुआ मिल जाए 120/80, तो ये कौन सा ब्लड प्रेशर कहलाएगा, इसको बोलोगे नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। यानी क्या कर रहे हो, मरीज में BP कफ लगा करके ब्लड प्रेशर चेक किया, कोई भी स्पेशल नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर मान लेना ये कोई ब्रैकेट है और यहाँ क्या चल रही है आपकी रीड चल रही है, और उसके सामने आपसे लिखा हुआ मिल जाए 130/90 MmHg, तो जवाब देकर के क्या होगे, तो यहाँ बोलना IBP, यहाँ जवाब क्या दोगे IBP, यानी इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। याद रख लेना, ये फर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसी फोटो को यहां से घुमाने की कोशिश करेगा, बाकी जो नॉर्मल सी चीजें, हार्ट रेट के सामने रीडिंग देखने को मिलेगी, आपकी SpO2 के सामने रीडिंग देखने को मिलेगी, और ये तो आपको पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी क्या लिखूं, विकेट गिर गया या डेथ, ये इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा, इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन या एसिस्टोल, इसी को क्या बोलोगे, एसिस्टोल, जो आपने ECG के अंदर पढ़ लिया होगा। क्लियर हो गया, तो याद रख लेना, अगर कुछ भी नजर नहीं आए और उसके सामने आपको पूछे तो जवाब देना है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, यानी हमने आर्टरी वेन को नहीं छेड़ा, हमने तो बीपी कप लगा करके मरीज में देखा था, लेकिन अगर आपसे पूछ लेते IBP, तो यहां क्या देखने को मिलेगी, रीडिंग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, फटाफट से देखिएगा, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखें, पहचाने और जवाब दें डियर। ये फोटो किसके बारे में पूछ रहा है आप लोगों से, ध्यान से देख करके जवाब देना, वरना फिर से भैंस कहां चली जाएगी वो आपको पता ही होगा। जी हां, एसिस्टोल। तो जिंदगी में इस बात से समझ जाना, उतार चढ़ाव आने भी जरूरी है, वरना स्ट्रेट लाइन आती है तब डॉक्टर IM sorry बोल करके बॉडी को डेड बॉडी डिक्लेयर कर देता है। यानी आपको लग रहा है ना सर स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, सर आधी रात को भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये बैठे हैं वो, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आने बहुत ज्यादा जरूरी है, आने बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भूरदास, बहुत बढ़िया डियर। जिंदगी में उतार चढ़ाव आने जरूरी है, वरना स्ट्रेट लाइन आ गई तो कोई डॉक्टर आके बोल जाएगा IM extremely sorry आपने लाने में लेट कर दी, फिर आप बोलोगे एक ही दो मिनट पहले आया, लेट कहां कर दी। चलेगा, इस फोटो को देखिएगा, पहचानिएगा, जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया। ये कौन सी मशीन है, ABG, अरे कौन सी है, ABG एनालिसिस मशीन है, यानी आर्टेरियल ब्लड गैस मशीन है। कौन सी मशीन है, आर्टेरियल ब्लड गैस। यहां क्या करोगे, यहां आप जो हिपेनराइज सिरिंज होगी उसको यहां कनेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया, यहां पर कनेक्ट करेंगे मरीज के अंदर, और क्या चेक करेंगे, ABG एनालिसिस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस का एनालिसिस। क्लियर है डियर, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस लीड पे दिमाग नहीं लगाना, ये बारकोड के लिए, ये बारकोड के लिए दिया गया है, आपको USG जैसा नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा फटाफट से डियर, क्या पूछ रहा है आपसे। जी हां, रख हौसला, बाद में बोलेंगे डियर, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जवाब दीजिएगा डियर, बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन सुनाऊंगा उसके बाद में। विच इंफॉर्मेशन इज ए मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इंक्लूड इन द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉर ए क्लाइंट हु हैज undergone a cataract extension।
एक मरीज है जिसके अंदर क्या बोला है, एक मरीज है जिसके अंदर कैटरेक्ट को निकाल दिया। अरे कैटरेक्ट का हिंदी में बोलूं तो मोतियाबिंद निकाल दिया। सर ये मोतियाबिंद नहीं, इंग्लिश में बोलो ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस। जी हां, आपका सुंदर सुंदर जो क्या है लेंस है वो व्हाइट हो गया, ओपेक कलर का हो गया, ओपेसिफाइड हो गया, यानी आपकी आंखों का लेंस गल करके क्या हो गया, कचरा कचरा हो गया। जब आपने उस कैटरेक्ट को निकाल दिया, उस लेंस को निकाल दिया, तो कौन सी चीज उसको बताओगे? पहला बोल रहा है अवॉइड बेंडिंग ओवर द रिस्ट, उसको बोलेंगे रिस्ट से ज्यादा बेंड नहीं होना। दूसरा बोल रहा है कीप बोथ आई पैचेज एट द ऑल टाइम, उसको बोलेंगे कि आंखों के ऊपर पट्टियां लगा करके घूमते रहो। तीसरा बोल रहा है स्लीप विद द हेड स्लाइटली एलिवेटेड, उसको बोलेंगे सोने के समय गर्दन को हमेशा बढ़ा करके रखो। लास्ट बोल रहा है स्लीप अफेक्टेड साइड एंड द अप्रोक्सीमेट 1 वीक, उसको बोलेंगे कि अफेक्टेड साइड में क्या करो, स्लीपिंग करने की कोशिश करो 1 हफ्ते तक। तो याद रख लेना अफेक्टेड साइड नहीं की जाती है, अनअफेक्टेड की जाती है। कहां करोगे? अनअफेक्टेड साइड की जाती है, स्लीप के टाइम नहीं की जाती है, इनिशियल सेशन के दौरान। जी हां, इनिशियल टाइम के दौरान आप मरीज को क्या दोगे? सेमी फोलस दोगे। कौन सी पोजीशन दोगे? सेमी फोलस पोजीशन दी जाती है। तो सोने का गलत, दोनों आंखों पे पट्टियां बांध ली तो देखोगे कहां से? अरे दोनों आंखों पे पट्टियां बांध ली तो देखोगे कहां से? तो सर क्या बोले इनको? यही बोलना है कि भाई साहब या भाभी जी या नन्ना मुन्ना या बूढ़े बूढ़े लोग, बूढ़े बूढ़े दादाजी, कुछ भी बोल देना, लेकिन इनको बोलना है अपनी बॉडी को ज्यादा बेंड नहीं करें। बेंड करने का मतलब हो गया, अगर आपने बॉडी को ज्यादा बेंड किया तो वो वहां से लेंस क्या हो गया, डिटेच हो जाएगा। वो लेंस क्या हो जाएगा, अपनी प्राइम लोकेशन से डिटेच हो जाएगा। तो इनको बोलना है अपनी बॉडी को क्या नहीं करें, बेंड नहीं करें। क्या नहीं करें डियर? बेंड नहीं करें, वरना क्या हो जाएगा, लेंस, लेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी के लिए इनको बोलना है ज्यादा मुड़ना रुड़ना नहीं है। ऐसे नहीं इतने दिन कुछ नजर नहीं आता था, अब अच्छी अच्छी रोशन हरी अच्छी अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है, तो बड़े उछल कूद कर रहे हो, बॉडी को ये घुमा रहे हो वो घुमा रहे हो, गार्डन में जाकर के जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और डेमो दे रहे हो, तो ऐसा करने की कोशिश की तो गड़बड़ कर बैठोगे। बोले तो जो लेंस परसों लगा करके आए थे, शाम को आते टाइम हाथ में लेकर के आओगे, ओए मां ये तो निकल गया, ऐसा ना ना मुड़े भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, चलेगा? इस फोटो को ए मान लेना, उस फोटो को बी मान लेना। ए किसके बारे में बोल रहा है, बी किसके बारे में बोल रहा है, आपको जवाब देना है। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज ए, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज ए। ए किसके बारे में बोल रहा है, जल्दी से। जी हां, वापस आना पड़ेगा, जवाब दीजिएगा। ए फोटो किसके बारे में बोल रहा है डियर, जल्दी से कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको लगता है कि सर मैं थक गया हूं। नहीं थकोगे डियर, जिस दिन आपके खाते में 80,000 का मैसेज आएगा, और 80,000 का मैसेज तभी आएगा जब नंबर आएगा, नंबर तभी आएगा जब पढ़ाई करोगे, पढ़ाई कब करोगे जब नहीं सोओगे। तो अभी सोना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है और घबराना भी नहीं है। क्लियर हो गया? इमेज बी किसके बारे में, ऑटोस्कोप किसके बारे में, ऑटोस्कोप के बारे में है भैया जी। बोले तो विजुअलाइजेशन ऑफ द ईयर, कान को देखने में काम आएगा। और ये ए किसके बारे में है, ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मोस्कोप यानी आंख को देखने में काम आएगा। ये किसकी मदद होगी, ऑप्थेल्मोस्कोप यानी आंख को देखने में मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ऑप्थेल्मोस्कोप के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन और इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर, एक तो क्वेश्चन फोटो देकर के पूछ लेगा, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है या आपका इनडायरेक्ट है, तो दिमाग यही लगाना। अगर आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अगर आंख के अंदर देख लिया, अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट के मदद से आपने आंख के अंदर देख लिया तो वो कहलाएगा डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। लेकिन आपने एक तो आंखों के ऊपर पहन लिया, दूसरा कोई लेंस हाथ में ले लिया और फिर दिमाग लगा रहे हो, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट। याद रख लेना, जो हेड के अंदर वो मिरर लिया जाता है, जो लाइट ली जाती है, उसके बाद में एग्जामिनर या डॉक्टर अपने हाथ के अंदर लेंस लेता है, फिर आंख का विजुअलाइजेशन करता है, वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। लेकिन डायरेक्ट आप आंख के अंदर देख रहे हो, यानी इसको उठाया, इसके अंदर बिल्ड है, यानी इनबिल्ड लेंस होता है, उसी के माध्यम से अगर आंख का विजुअलाइजेशन कर रहे हो, यह क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो अब मेरे अनुसार कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, एक ही इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख रहे हो, डायरेक्ट बोला जाएगा। दो आप एक इंस्ट्रूमेंट को तो आपने आंखों के ऊपर लगा लिया लेंस की तरह, और दूसरा लेंस हाथ में पकड़ के देखोगे, वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। ये ऑटोस्कोप डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या रहेगा, इसके आगे पाई जाने वाली यह चोंच और यह नोच, कुछ भी बोल देना, यह क्या करेगी, आपके कान के अंदर जाएगी,
जी हाँ, ये कान के अंदर जाकर के क्या करेगी, विजुअलाइज करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, विजुअलाइज करने के दौरान 3 साल से छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के कान को नीचे खींच दो और बड़ा व्यक्ति है तो कान को ऊपर खींच दो। लेस देन 3 जवाब पूछे तो क्या कर दो, डाउन कर दो, और मोर देन 3 पूछे तो क्या कर दो, कान को अप कर दो, या क्या कर दो, डाउन कर दो। याद रख लेना, या डाउन करना है या अप करना है, क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, अपने अंदर जान लाएगा, पानी पीजिएगा, चाय पीजिएगा, गुलाब जामुन खाइएगा, कुछ भी खाएगा, लेकिन रुकेगा मत डियर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ए नर्स इज ए पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैज ए थायरॉइडेक्टमी। अरे भैया जी, एक नर्स ड्यूटी कहां कर रही है, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में, यानी मरीज का ऑपरेशन हो गया है और अब उसको शिफ्ट कर दिया है दूसरे वार्ड में, केयर यूनिट केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए थायरॉइडेक्टमी, जिसका अभी अभी ऑपरेशन किसका हुआ, थायरॉइड ग्लैंड को निकाला है, फॉर विच क्लाइंट रेस्पॉन्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू मॉनिटर। मरीज ऐसा कौन सा शब्द बोलेगा कि नर्स के कान खड़े हो जाएंगे। पहला बोल रहा है यूरिनरी रिटेंशन, दूसरा बोल रहा है साइन ऑफ द रेस्टलेसनेस, तीसरा बोल रहा है डिक्रीज बोवल प्रेशर, और लास्ट बोल रहा है साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो जवाब क्या चला जाएगा डियर, याद रख लेना, जब आपने थायरॉइड ग्लैंड को निकालने की कोशिश की तो इसी के पीछे एक ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम क्या है, पैराथायरॉइड। उसका नाम क्या है, पैराथायरॉइड नाम की एक ग्लैंड और होती है, और पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है भैया जी, आपकी बॉडी में जाकर के तो किसका हार्मोन का लेवल मेंटेन करती है, कैल्शियम का। किसका लेवल मेंटेन करेगी, कैल्शियम का। और जब आपने मान लीजिएगा थायराइड को निकाला, उसके साथ में आपकी बॉडी से पैराथायरॉइड भी गलती से निकल गई, जी हाँ, हाई हाई गलती से मिस्टेक हो गई, उसके दौरान अगर आपने पैराथायरॉइड की निकाल दी तो मरीज में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिप्लेशन, यानी कैल्शियम की कमी आ जाएगी, और मरीज में क्या देखने को मिलेगा, स्पाजम देखने को मिलेगा, और स्पाजम के साथ में मरीज में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मरीज में रेस्पिरेटरी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पहला बोल रहा है यूरिनरी रिटेंशन, तो भैया जी जस्ट ऑपरेशन के बाद में मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लिटिल बिट यूरिन कम ही देखने को मिलेगा, तो ये गलत नहीं है, एनेस्थेटिक इफेक्ट होगा। साइन ऑफ द रेस्टलेसनेस, तो भैया दर्द तो होगा जब ऑपरेशन हुआ है, कोई आपने हलवा तो खाया नहीं है, ऑपरेशन हुआ तो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बोल रहा है डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हल्का सा कम हुआ, अटेंशन देंगे, लेकिन उससे भी जरूरी क्या है, जब सांस है तो आंस है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, मरीज ने बोल दिया मुझे सांस लेने में दिक्कत है, हाथों हाथ नर्स को क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। याद रख लेना, जी हां, लेरिंगो स्पाजम वाली कंडीशन पूछेगा तो वहां रेशनल जवाब जाएगा कैल्शियम का लेवल कम होना। लेरिंगो स्पाजम या बॉडी में स्पाजम आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो रेशनल आपका कैल्शियम का लेवल ही जाएगा। आगे क्वेश्चन आएगा, चिंता नहीं करें, यहीं पर उसका रेशनल दे दिया। यहां जवाब क्या देना है, सबसे पहले आस, उसके बाद में पूछे तो ब्लड प्रेशर भी आपको किसके बारे में बता रहा है, शॉक के बारे में बता रहा है, और मरीज में हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है ऑपरेशन के बाद में। क्लियर है डियर, चलें। जी हां, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द गिवन लाइन। चलेगा, इस फोटो के अंदर आपने मरीज को एक लाइन लगा रखी है, वैसे मैंने ये लाइन आपको पढ़ा दी थी, आज उसका प्लेसमेंट बता देता हूं। अपने जब नॉर्सेट के अंदर हल्ला बोल सीरीज को स्टार्ट किया था तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, PICC लाइन, सेंट्रल लाइन वगैरह आपको मैंने पढ़ाई थी, इसी के अंदर वो आपको PICC का एक इमेज भी बताया था, लेकिन आज इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। फिर से यहां देख लेना, ये लाइन जो आप मरीज के अंदर डाल रहे हो, ये कौन सी लाइन है, PICC लाइन है, ये कौन सी लाइन है, PICC, याद रख लेना, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर, फुल फॉर्म क्या रहेगी, पेरिफेरल सेंटर लाइन कैथेटर। क्लियर है, मरीज में TPN के दौरान मैंने बताया था, यहाँ से डाल सकते हो, डायरेक्ट सब क्लेवियन से भी डाल सकते हो, याद रख लेना, डायरेक्ट सब क्लेवियन से भी डाल सकते हो, टनल बनाकर भी डाल सकते हो, लेकिन ये आपने क्या है, पेरिफेरल वेन से डाली है, इसलिए PICC बोली, ले जा करके कहाँ छोड़ दी, अरे कहाँ छोड़ दी, तो राइट एट्रियम के अंदर इसको ले जा करके आपने छोड़ दिया है। क्लियर हो गया डियर, चले आगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखिएगा, पहचानिएगा, और मेरे अनुसार इस फोटो को तो नहीं भूले होगे। बहुत बढ़िया डियर, जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या पूछ रहा है आपको, इस फोटो को तो नहीं भूले हो, क्या बता रखा है, फोटो किसके बारे में पूछा है, कमेंट फास्ट डियर, किसका ड्यूरेशन पूछा है डियर, बुरदास वापस से पूछिएगा। टेम्परेली होती है PICC, टेम्परेली होगी, सेंट्रल लाइन परमानेंट के रूप में रहेंगे। चलेगा, क्या है, सक्शन नहीं है, इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर बोला जाता है।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, यानी जो मरीज के अंदर क्या करेगा, ऑक्सीजन देने का काम करेगा। मोस्ट कॉमनली मार्केट के अंदर चलती है 5 लीटर और 10 लीटर वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। क्लियर है? अगर एग्जामिनर कुछ एरो वगैरह इंडिकेशन कर दे तो ये आपका 5 लीटर वाला है। बाकी आपको क्या करना है, 5 लीटर और 10 लीटर में अवेलेबल होते हैं ये। इसके अंदर भी वॉल्व बॉटल लगी हुई है, ये इसका क्या लगा हुआ है, जो ट्यूबिंग्स वगैरह है। क्लियर है डियर? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहचानिएगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ए नर्स इज ए टीचिंग ए क्रच वॉकिंग, नर्स किसके बारे में सिखा रही है, किसके बारे में जानकारी दे रही है। नर्स इज ए टीचिंग ए क्रच वॉकिंग, यानी कैसे क्रच से कैसे चला जाता है वो जानकारी दे रही है। चलेगा, नेक्स्ट पूछा है टू द क्लाइंट हु हैड ए आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, और उसमें सर्जरी किसकी होगी, आर्थ्रोस्कोपी की ऑफ द नी और घुटने की। विच पार्ट ऑफ द बॉडी शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट टू प्लेस ए वेट। अरे जब आप क्रच से चलोगे तो क्रच से चलने के दौरान मरीज का वेट किसके अंदर देखने को मिलेगा, मरीज अपना वेट किसके ऊपर बियर करेगा। कमेंट फास्ट यार, कमेंट फास्ट जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या जवाब जाएगा डियर? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का सी जवाब आ रहा है। याद रख लेना, जब आर्थ्रोस्कोपी नी रिप्लेसमेंट के दौरान मरीज क्या काम में ले रहा है, क्रच काम में ले रहा है। आर्थ्रोस्कोपी की सर्जरी के दौरान मरीज क्या काम में ले रहा है, क्रच काम में ले रहा है। तो क्रच के अंदर वेट, याद रख लेना, कभी भी एक्जिला के अंदर काम में लिया जाता है। वेट कहां काम में लोगे डियर, पाम ऑफ द हैंड, यानी हाथों के ऊपर वजन को लेना है, वरना मरीज में क्या देखने को मिल जाएगा, एक्जिलरी पाल्सी हो जाएगी। अब यह इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, क्रच के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। 2 पॉइंट होती है, 3 पॉइंट होती है, स्विंग होती है, थ्रो होती है। जी हाँ, स्विंग देखने को मिलेगी, थ्रो देखने को मिलेगी, वो अच्छे से आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ ली होगी। इंपॉर्टेंट अपने याद रखने वाले क्रच के क्या होगी, क्रच की हाइट को याद रख लेना क्या होता है एक्जिला रीजन से लेने के दौरान। जी हां, आपको एक्जिला रीजन से लेने के दौरान क्या होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे से काम लेना है, एक्जिला से नीचे लेना है। साइड में जब देखा जाता है तो 14 सेंटीमीटर का साइड में गैप रखा जाता है। याद रख लेना, हाइट को जब बनाने के दौरान बनाओगे तो कैसे बना जाएगा, जी हां, टेंपरेरी के लिए रखेंगे पीआईसीसी को डियर। पीआईसीसी के टेंपरेरी रहेगी, सेंटर लाइन परमानेंट या लॉन्ग टाइम के लिए काम में ली जाती है। इसका टाइम ड्यूरेशन वीक होता है, 3 से 4 वीक से ज्यादा नहीं रखनी होती है। चलिएगा, नेक्स्ट मैंने क्या बता दिया, इसको क्या करोगे, क्रच, जी हाँ, क्रच को नीचे की तरफ रखना है ताकि एक्जिला कंप्रेशन नहीं हो। और दूसरा, बनाने के दौरान इसको साइड में रख के इसका वजन लिया जाता है। याद रखिएगा, ये कंडीशन बता दी 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, लेकिन साइड में कितना रखोगे, तो साइड में आपका जवाब चला जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इतना आपने को बॉडी से दूर रखना है, क्यों, जब चलोगे तो साथ साथ में नहीं चलेगी, वो साइडों में चलती है। जी हाँ, बहुत बढ़िया डियर, ये साइड के अंदर आपको गैप रखना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, वेरी गुड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपसे एग्जामिनर पूछेगा, इसका वजन बियर किसके करना है, तो वजन करना है हाई एंड एंड पाम पे, यानी हथेलियों के ऊपर वजन रखना है, ना कि एक्जिला रीजन पे। और दूसरा, जब भी ऐसा बने, ऐसा देखने को मिलेगा आपको क्रच, याद रखिएगा कैसा देखने को मिलेगा डियर, ये आपका क्रच होता है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, कॉटन वगैरह लगा करके रखनी है ताकि मरीज में क्या नहीं हो, ब्रेकियल नर्व डैमेज नहीं हो, ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज नहीं हो, कौन डैमेज नहीं हो, ब्रेकियल प्लेक्सस क्या नहीं हो भैया जी, ब्रेकियल प्लेक्सस में कोई भी डैमेज नहीं हो। क्यों डैमेज होगा सर, कंप्रेशन होगा, एक्जिलरी नर्व डैमेज हो गई, ब्रेकियल से निकलने वाली सारी की सारी नर्व, बोले तो रामू, अरे रामू में दिक्कत हो जाएगी, रामू को नहीं मरने देना है। तो वजन कहाँ रखें, हाथों के ऊपर वजन रखें, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, कभी भी मरीज को क्रच काम में लेनी है तो मरीज को क्रच के लिए पहले उसको सारी चीजें सिखाई जाती है, मरीज को क्या किया जाता है, सारी चीजें पहले सिखाई जाती है, कैसे चलना है, कैसे उठना है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी, तो उसको बोलना है अपने हाथों की मसल्स करें, बोले तो जी हां, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को तैयार कर लें अच्छे से, फिर आपको क्रच का यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। राइट आंसर यहां क्या चला जाएगा, सी। चले डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है जो आपके नॉर्सेट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ध्यान रखिएगा, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा व्हाइट कलर किसको इंडिकेट कर रहा है। टेक्निकल टीम दिखा दीजिएगा बच्चों को। अरे अभी तो बहुत बहुत खजाना निकल के आएगा, चिंता नहीं करें। अभी जो बच्चे सोने के बारे में सोच रहे हैं उनकी नींद उड़ा देंगे, गारंटी है मेरी। जो बच्चे अभी सोने के बारे में सोच रहे हैं उनकी नींद डेफिनेटली उड़ा देंगे डियर। क्या जवाब जाएगा, 14 दिन, 14 दिन डियर हाईएस्ट।
व्हाइट कलर वाला किसके लिए रहेगा? तो जवाब देना है व्हाइट रहेगा आपका। व्हाइट किसके लिए रहेगा? ऑक्सीजन के लिए। व्हाइट किसके लिए रहेगा? ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा येलो के बारे में, जो एम्स की गाइडलाइन है, येलो क्या काम में लिया जाता है? येलो येलो, तो जवाब देना है भैया जी येलो होगा आपका सक्शन के लिए। और नेक्स्ट एम्स के अंदर ब्लू के अंदर क्या देखने को मिलती है? तो एयर देखने को मिलती है, याद रख लेना। लेकिन सिलेंडर का कलर अलग है, पाइप का अलग है, याद रख लेना। व्हाइट का क्या बता दिया मैंने? व्हाइट कैसा देखने को मिलेगा? तो व्हाइट में ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा डियर, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। येलो कलर किसके बारे में बताएगा? तो येलो, येलो कलर आपका सक्शन के लिए होता है, सक्शन का पोर्ट होता है। और क्या होता है आपका? अगर व्हाइट कलर का पूछे तो ऑक्सीजन का रहेगा, व्हाइट ऑक्सीजन, येलो सक्शन के बारे में। क्लियर हो गया डियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू होगा, चलेगा। यहां एयर का होता है ब्लू, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। यहां ब्लू एयर का होगा डियर। चले आगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में छाप लेना, ऐसा नहीं कि यहां फिर से कंफ्यूजन पैदा कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा फटाक से। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखें, पहचाने और जवाब दें। इस फोटो को जवाब दें डियर, ये फोटो क्या होगा? ये लीजिएगा, आपके लिए कर दिया है पैसे, खिदमत बढ़ा। इस फोटो को जल्दी से देखिएगा और जवाब दीजिएगा, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। वैक्यूम के लिए लेते हैं, लेकिन मेनली इसका कोई भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है डियर, ज्यादा मेनली इसका यूज देखने को नहीं मिलता है। जूम कर दिया, जल्दी से जवाब दो, कौन सी मशीन है? HFNO, कौन सी मशीन है? HFNO, HFNO का मतलब हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, इसी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? हाई फ्लो, हाई फ्लो देखने को मिलेगा किसके बारे में? नेजल ऑक्सीजन, नेजल ऑक्सीजन, ये फुल फॉर्म रहेगी, याद रख लेना। कोविड के अंदर जब जब मरीज भर्ती होने हॉस्पिटल में आया, कोविड के अंदर मरीज जब जब हॉस्पिटल में भर्ती होने आया, उसको सबसे पहले क्या दिया था? फेस मास्क दिया था। सबसे पहले उसको क्या दिया था आपने? फेस मास्क दिया था। फेस मास्क के वो ठीक नहीं हुआ, उसके बाद उसको NRBM पे लिया था। NRBM का मतलब नॉन रीब्रीदर मास्क पे लिया था। जब वहां पर भी बॉडी ने काम नहीं किया, आपने फिर HFNO दिया था। और जहां HFNO ने भी काम नहीं किया, आपने वहां क्या दिया था? नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दिया। और यहां पर भी नहीं होने पे आपने क्या कर दिया? वेंटी कर दिया था, बोले तो इंट्यूबेट कर दिया था। उसके बाद मरीज को क्या किया जाता है? इंट्यूबेट किया जाता। और जब इंट्यूबेट के बाद भी मरीज सांस नहीं ले पाता था, उसके बाद में उसको डेथ डिक्लेयर, यानी वो उसके बाद में मर ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। मैंने क्या बता दिया है? जी हाँ, हाई फ्लो, ये सीक्वेंस आपके कोविड पेशेंट के लिए फॉलो हुआ था, तो इस चीज को याद रख लेना। ये कोविड के पेशेंट के लिए फॉलो हुआ था सीक्वेंस, याद रख लेना। मरीज आएगा तो फेस मास्क देंगे, फिर धीरे धीरे उस चीजों को बढ़ाते जाएंगे, चलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? NRBM के ऊपर रखा, NRBM से भी बॉडी ने कंपनसेट नहीं किया, तो उसके बाद में HFNO दे दिया। HFNO भी काम नहीं चला, तो NIV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दे दिया। उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा, तो उसको क्या कर देंगे? इन्वेजिव वेंटिलेशन, याद रख लेना। जो इसका जो आपका मास्क होता है वो कैसा होता है? नॉर्मली होता है, स्लिंग की तरह देखने को मिलता है। मैंने ऑक्सीजन की क्लास के अंदर आपके इसका मास्क दिखा रखा है HFNO का, याद रख लेना, कोई अलग से स्पेशल नहीं होता है। जी हाँ, 15 लीटर से ऊपर तक आप इसके अंदर दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर है डियर? वेकोम के लिए काम में लेंगे, वेकोम के लिए लेंगे डियर। चले आगे, जी हाँ, ये मैंने क्या बोल दिया? उसके बाद में इंट्यूबेट, इंट्यूबेट से भी फर्क नहीं पड़ा, तो फिर क्या कर देंगे? घाटी से उतार देंगे, बोले तो फिर डिक्लेयर करने वाली स्थिति आ जाएगी, बोले तो IME एक्सट्रीमली सॉरी वाले शब्द काम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, थोड़ी सी अपनी सी स्पीड को बढ़ाएगा ताकि मैं भी अपनी स्पीड को बढ़ा पाऊं और मैक्सिमम क्वेश्चन तक अप्रोच कर पाए। क्वेश्चन ने पूछा है ए फिजिकल रिटन एंड DNR। अरे भैया जी, फिजिशियन ने क्या लिख दिया? DNR ऑर्डर फॉर ए पेशेंट चार्ट, द नर्स शुड द अंडरस्टैंड द DNR स्टैंड। अरे भैया जी, डॉक्टर साहब ने एक मरीज के ID कार्ड के अंदर, मरीज के फॉर्म के अंदर DNR लिख दिया, और नर्स को पता है DNR क्या होता है? आप भी नर्स हो, बताओ, आप भी नर्स हो, बताओ क्या देखने को मिलेगा? जल्दी से कमेंट फास्ट डियर, क्या क्वेश्चन का जवाब जाएगा? जल्दी से कमेंट फास्ट, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन क्या नहीं कर रहा है, कमेंट नहीं कर रहा है।
क्या जवाब जाएगा डियर? पहला बोल रहा है डोपामीन एंड द नाइट्रोग्लिसरीन एंड द रिकमेंडेड, दूसरा बोल दिया है डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिकल रेडिएशन, तीसरा बोल दिया डू नॉट रिससिटेट, तीसरा बोलता है डिपेंडेंट नाइट्रोजन रीअपटेक। तो यहाँ जवाब क्या जाएगा? DNR, DNR का मतलब डू नॉट रिससिटेट, याद रख लीजिएगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी। और इसी का एक और क्वेश्चन बनता है DNI मतलब डू नॉट इंट्यूबेट, इसी को क्या बोल सकते हो? डू नॉट इंट्यूबेट। डू नॉट इंट्यूबेट यानी मरीज के अंदर ऑटोनोमी पावर होता है, मैंने बताया था। मरीज बोल सकता है, मरीज क्या बोल सकता है कि मुझे नहीं करना है। क्या नहीं करना है भैया जी? मुझे इंट्यूबेट नहीं करना है। नेक्स्ट आपसे क्या बोल सकता है? मुझे रीससिटेट नहीं करना है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ क्या चला जाएगा? सी चलेगा। क्या हो गया भैया? ब्लू पाइप नाइट्रोजन के लिए, बैक पाइप मेडिकल एयर के लिए। अरे वो अलग अलग कंडीशन के अलग अलग होती है अमित ओझा, कहीं पर भी आपको ब्लैक के लिए नाइट्रोजन भी मिलेगा, चिंता नहीं करें। यहाँ एयर के लिए होगा, नाइट्रोजन के लिए भी ब्लैक मिलेगा कहीं कंडीशन के दौरान। चलिएगा, इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन का याद रखिएगा, बाकी फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया? आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखो, पहचानो और जवाब दो डियर। ये फोटो आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? ये फोटो किसके बारे में पूछ रहा है? या ये फोटो किस मरीज का है? कौन सा मास्क है, क्या है पता नहीं, चेहरे के ऊपर क्या लग रखा है? ये देखिएगा, पीछे से सुंदर सुंदर आंखें नजर आ रही है कि नहीं भाई साहब की? बाकी तो कोई चेहरे में नजर नहीं आ रहा है। ये इनकी फोरहेड वाला पार्ट है और बॉडी के ऊपर यानी ये पीछे कान नजर आ रहे हैं। और देखिएगा इस चेहरे के ऊपर आपने क्या लगा रखा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इसको क्या बोलोगे? सी पेप। इसको क्या बोलोगे? सी पेप, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मास्क है। सी पेप मास्क ऐसा ही देखने को मिलेगा जो फुल्ली क्या होता है? फुल्ली फिटेड होता है। क्या होगा भैया जी? फुल्ली फिटेड वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी चेहरे के ऊपर पूर्ण रूप से चिपका रहेगा, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इसी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? कंटिन्यू, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये देखिएगा दोस्तों, डी फेब के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। अलग से अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो ऐसे देखने को मिलेंगे डी फेब के पेड, देख लेना इस फोटो को ध्यान से। अगर एग्जामिनर अलग से बताएगा तो ये आपके इसके वायर हैं, ये डी फेब के क्या रहेंगे? वायर रहेंगे जिनको अटैच करेंगे डी फेब से। और ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? डी फेब के पेड होते हैं जो मरीज के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर, ये किस मरीज में रहेंगे? तो AED वाले मरीज के पेड रहेंगे। AED के क्या देखने को मिलेंगे? पेड। AED का मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के पेड ऐसे देखने को मिलते हैं, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। जी हाँ, डी फेब के पेड है। और कौन से डी फेब के? ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेटिक काम करेंगे, एक्सटर्नल जो बाहरी रूप में होंगे। और नेक्स्ट चलिएगा, वेंटिलेटर सारा पढ़ा दूंगा डियर, वेंटिलेटर कल की क्लास के अंदर आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा, चिंता नहीं करें। वेंटिलेटर कल की क्लास में पूरा पढ़ा दिया जाएगा, कौन से होता है, कौन से मोड होते हैं, कौन से टाइप होते हैं। चलेगा, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डील करते हैं, कल की क्लास में वेंटिलेटर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये आपको AED के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से पढ़िएगा, झटाक से जवाब दीजिएगा। What should a nurse do immediately when a client return from the post anesthetic care unit with a subtotal thyroidectomy? अरे भैया जी, what should the nurse do immediately? नर्स उसके बाद में क्या करेगी ऐसा काम? When a client return, जब मरीज वापस चला आएगा, कहां चलाया? पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में, ऑपरेशन के बाद में। मरीज को मैंने बताया था, साइन इन कर दिया, टाइम आउट कर दिया, साइन आउट कर दिया। साइन आउट के बाद में उसको कहां डाल दिया? पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट के अंदर डाल दिया। वहां क्या बोला है? यूनिट द सब टोटल थायरॉइडेक्टमी, यानी थोड़ी सी थायरॉइडेक्टमी को काट के निकाला, पूरी नहीं निकाल के आधी थायरॉइड ग्लैंड को निकाल दिया है। क्या चीज देखोगे? इंस्पेक्ट द इंसिजन, उसके इंसिजन को देखेंगे। दूसरा बोल रहा है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नॉट टू स्पीक। तीसरा बोल रहा है प्रेस ए ट्रेकेस्टोमी सेट एट द बेड साइड। और लास्ट बोल रहा है प्लेस इन सुपाइन पोजिशन 24 आवर्स। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? मैंने बोला था थायरॉइड ग्लैंड को निकालने के दौरान पीछे एक उसके पीछे नालाइक ग्लैंड होती है और उसका नाम बोले तो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। जब थायरॉइड को निकालने की कोशिश की तो पीछे पीछे वही चिपकी चिपकी चली आई कि इसको ले जा रहे हो, इसको अकेली को कहां ले जा रहे हो, मैं भी इसके साथ में चलूंगी, मैं पीछे नहीं रहूंगी। तो जब थायराइड को निकाला, पैराथायराइड निकल गई। जब पैराथायराइड निकल गई तो बॉडी में दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई? क्योंकि पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन जाकर के बॉडी के अंदर आपका कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करते हैं, तो वो दिक्कत पैदा करेगा। तो पहला बोल रहा है बार बार इंसिजन को देखने की यहां कोई जरूरत नहीं होगी, मरीज को बुलाने का कोई भी जरूर नहीं होगा, सुपाइन पोजिशन नहीं मरीज को। राइट आंसर क्या जाएगा? प्लेस द ट्रेकेस्टोमी सेट। क्लियर हो गया? राइट आंसर क्या? सी। और वहीं आपसे मैं बता देता हूं, अगर पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में कोई भी स्पेशल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मरीज को हमेशा क्या पोजीशन देनी है? साइड लाइन।
मरीज को कौन सी पोजीशन देनी है, साइड लाइन पोजीशन देनी है, जितने स्टार चिपकाना चाहो इसके ऊपर चिपका लेना डियर। मैंने क्या बोला, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट के अंदर मरीज के अंदर बेस्ट पोजीशन क्या होगी, जवाब देना साइड लाइन, क्योंकि मरीज क्या करेगा सेमी कॉन्शियस लेवल के अंदर वॉमिटिंग करेगा, ओ ओ ओ, जैसे जैसे गैग रिफ्लेक्स आएंगे वो उल्टी करेगा उल्टी करेगा उल्टी, लेकिन उस उल्टी को सीधा सीधा उल्टी कर लिया तो निकल जाएगा, एस्पिरेट कर लेगा, मर जाएगा, जान चली जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी, विकेट गिर जाएगा। उससे अच्छा साइड लाइन पोजीशन दे दो ताकि उल्टी करता रहेगा, उल्टी बाहर जाती रहेगी, एस्पिरेट नहीं करना। याद रख लेना हमेशा एपिस्टेक्सिस वाले मरीज के अंदर लीन फॉरवर्ड, पिंच द नोज एंड द लीन फॉरवर्ड वाली पोजीशन दी जाती है, और यहां आपको साइड लाइन देनी है किसी भी कंडीशन के दौरान, चाहे मरीज में ब्लीडिंग हो जाए, चाहे मरीज के अंदर कोई भी एस्पिरेशन की रिस्क हो, हमेशा आपको एस्पिरेशन की रिस्क को प्रिवेंट करना है। और एक मैंने आपको अभी तक बताया था पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर स्पेशल चीज होगी पिंच द नोज, नाक को पूरा बंद करने के बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। यहीं पे लिख देना क्या बोल रहा हूं, पिंच द नोज, पिंच द नोज, नोज को पूरा का पूरा आपको क्या करना है, क्लैंप करना है, उसके बाद में आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाएगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाएगा, जिसमें मेन अपना रोल कौन अदा करेगी, तो टाइडल वॉल्यूम अपना मेन रोल अदा करेगी। टीवी, टीवी बोले तो 500 ml की टीवी होती है, याद रख लेना 500 ml की जो टीवी होती है वो अपना मेन रोल अदा करती है, कौन सी कंडीशन में, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में। लेकिन उसके पहले अब नाक के ऊपर क्या लगा देना, क्लैंप लगा देना, ताकि अपन भाई साहब अंदर सांसें ले रहे हैं मुंह से और नाक से छोड़ रहे हैं, ताकि रिजल्ट में कोई दिक्कत पैदा नहीं हो जाए, नाक को बंद कर दो, मुंह को पूरा का पूरा सील करके उनको चेक करो। यहां जवाब क्या चला जाएगा, ट्रेकेस्टोमी सेट रखो, ताकि जैसे ही इमरजेंसी होगी क्या कर देंगे, एयरवे को पेटेंट कर देंगे। चले आगे डियर, चलिएगा, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखिएगा, पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा, ये डियर ये फोटो किसके बारे में पूछ लिया आप लोगों से, ये पीले कलर का मशीन लगा हुआ है जिसके ऊपर ये पावर का बटन लगा हुआ है, ये किसका बटन लगा हुआ है डियर, ये पावर का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर ये आपकी लाइटिंग के एरो मार्क दे रखे हैं रिजल्ट के लिए, और यहां से एक वायर होता है, जो वायर आपका किससे जोड़ दिया, इन पेड से जोड़ दिया। अभी ये मैंने इन पेड की फोटो आपको अलग से बताई थी, मैंने अभी आपको इन पेड की अलग से फोटो बताई थी, जी हाँ डियर। न्यू बोर्न का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है डियर, न्यू बोर्न का स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपसे पूछे तो 350 ml जवाब देकर के आ जाना, कितना होगा, सॉरी कार्डियक आउट कितना दोगे, कार्डियक आउटपुट कितना होता है न्यू बोर्न का, तो जवाब दे देना आपको 350 ml। क्लियर हो गया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां जवाब क्या जाएगा, ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर, ये कंडीशन क्या कहलाती है, AED, ये कंडीशन क्या कहलाती है भैया जी, AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वाली कंडीशन होती है, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, याद रख लेना जो बाहर से लगाएंगे। चले आगे डियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखिएगा पहचानिएगा जवाब दीजिएगा, इस फोटो को देखिएगा पहचानिएगा जवाब दीजिएगा। जी हाँ, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो नॉर्सेट रूपी आग लगा लेना दोस्तों अपने दिल के अंदर, नॉर्सेट की आग आपके दिल के अंदर जलनी चाहिए, ताकि नींद याद नहीं आएगी, थकना याद नहीं आएगा, सोना याद नहीं आएगा, सिर्फ सिलेक्शन ही सिलेक्शन नजर आएगा, सिलेक्शन से कम कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो मैंने बोला था रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, इस फोटो को पहचानना है, फटाफट से कमेंट करना है। जी हाँ, जल्दी से सैनिटाइजर मशीन यूज फॉर फुट, चलिएगा ये क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या कहोगे कौन सा, ये देखिएगा ये फुट के लिए यूज करेंगे वैक्यूम में, ये आपका क्या है वैक्यूम में दोस्तों, याद रख लेना वैक्यूम रहेगा, जिसको क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे, और ये आपकी क्या है सैनिटाइजर, ये कौन सी मशीन है सैनिटाइजर मशीन है, कौन सी मशीन है सैनिटाइजर मशीन है, और ये आपका क्या है फुट बोल्ट है, जिससे फुट से कंप्रेस करेंगे, नॉन टचिंग सैनिटाइजर वाली कंडीशन के लिए काम में लिया जाता है, और मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग में इसका यूज रहता है डियर, याद रख लेना, टच करने की जरूरत नहीं है, इसको पैर से दबाओगे यहां से क्या हो जाएगा, बोतल भरी रहती है, इसके अंदर क्या होती है लगभग 500 और 1000 ml की अलग अलग की सैनिटाइजर की बोतल आती है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, 500 ml और 1000 ml का सैनिटाइजर का बोतल रहेगा, जो अंदर से क्या करेगा लिक्विड के रूप में सैनिटाइजर बाहर डालेगा और सैनिटाइज हो जाएंगे, यानी टच करने की जरूरत नहीं है, गए पैर से इस वैक्यूम को दबाया, और ये इसकी क्या है पाइप की लीड है, यानी ऐसा नजर आएगा डियर, ये मशीन ऐसी आपको देखने को मिलेगी, यहां देखने को मिलेगा, और यहां से क्या निकल रहा है इसका वायर, और ये आपने क्या बना दिया ये बबल जैसा वैक्यूम, यहां से नेगेटिव प्रेशर कंप्रेस करोगे अंदर से क्या चला आएगा
सैनिटाइजर पहली बार देखा है, चलेगा, बहुत बढ़िया डियर, देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, फटाक से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है? थैंक यू सो मच मोटिवेशन, बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन ने पूछा है द पेशेंट विद द लेरिंगोटमी, मरीज के अंदर क्या कर दिया? लेरिंगोटमी कर दिया, यानी लेरिंग्स को काट के निकाल दिया। हु इज द बीइंग डिस्चार्ज शुड बी कोजेड बाय द अबव, यूज द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल केयर आइटम। अरे नर्स कौन से स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन करेगी? नर्स कौन से स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन करेगी डियर? कौन से स्टेटमेंट के ऊपर नर्स क्वेश्चन करेगी? तो पहला बोल रहा है डिओडोरेंट शॉप के ऊपर, मरीज को क्या कर रखी है? लेरिंगोटॉमी कर रखी है, यानी लेरिंग्स को खोल करके कोई सर्जरी कर दी। पहला बोल रहा है डिओडोरेंट अगर मरीज को लगाया तो नर्स क्यूशन कर देगी। दूसरे ने बोला है आफ्टर सेव लोशन, सेविंग करने के बाद अगर लोशन लगाया तो नर्स क्यूशन कर देगी। तीसरा बोल रहा है टेलकम पाउडर लगाया तो नर्स क्यूशन कर देगी। लास्ट बोल रहा है माउथ वॉश किया तो नर्स क्यू। अरे भैया क्यूशन कहां कर रही है? अरे सर्जरी कहां कर दी? लेरिंग्स की सर्जरी कर दी। सर्जरी किसकी कर दी? लेरिंग्स की सर्जरी कर दी। अब इंपॉर्टेंट यार, माउथ वॉश तो इंपॉर्टेंट रहेगा, माउथ केयर, माउथ हाइजीन तो वेरी इंपॉर्टेंट होगी, तो यहां क्यूशन थोड़ी है, ये तो प्रायोरिटी है। अरे मरीज के अंदर माउथ हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे क्या? अरे सर करेंगे, तो माउथ हाइजीन तो मेंटेन करना है, माउथ हाइजीन तो आपको क्या करना है? मेंटेन करना है। डिओडोरेंट, अरे भैया जी डिओडोरेंट लगाओगे तो कोई लेरिंग्स के ऊपर थोड़ी लगाओगे। डिओडोरेंट तो यानी वेपर फॉर्म में होगा, बॉडी में लगाओगे, एक्सिला रीजन पे लगाओगे, एब्डोमिन पे लगाओगे, लगा लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। डिओडोरेंट का मतलब जी हाँ आप लगा सकते हो, जो भी आपको डिओडोरेंट पसंद है कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर शेव लोशन, जब मुंह पे अच्छी अच्छी दाढ़ी बना ली उसके बाद में शेविंग करने के बाद शेव लोशन लगा सकते हो। लगाने के दौरान क्या होगा? चेहरा चमक चमक करके अच्छा अच्छा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेलकम पाउडर आपका क्या करेगी? नर्स क्यूशन करेगी। ये टेलकम पाउडर क्या होगा? ये पाउडर इंसर्ट हो सकता है अराउंड द लेरिंगटम में भी। जब मरीज को पाउडर अप्लाई करोगे तो ये पाउडर क्या करेगा? अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? आपके लेरिंग्स में, और जाकर दिक्कत कर देगा, बोले तो इन्फ्लेमेशन। तो जवाब क्या चला जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा, यानी नर्स कौन से पॉइंट को क्या करेगी? क्यूशन करेगी या कोजेशन करेगी, हाथ खड़ा करेगी, मना करेगी कि ये बात गलत है। तो वो जवाब आपका सी जाएगा, जब लेरिंग से अंदर डिओडोरेंट और आफ्टर सेव लोशन का कोई भी संबंध नहीं है। आफ्टर सेव लोशन कहां लगाया जाता है? चेहरे पे। दाढ़ी कहां बनाते हो? चेहरे पे बनाते हैं, तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माउथ वॉश तो प्रायोरिटी पे जाएगा, माउथ वॉश तो प्रायोरिटी पे जाएगा। लेकिन टेलकम पाउडर क्या होगा? तो टेलकम पाउडर क्या होगा? पाउडर फॉर्म में होगा, तो ये अंदर एंट्री कर देगा और मरीज में जाकर के क्या करवा सकता है? इन्फ्लेमेशन करवा सकता है। क्या करवा सकता है डियर? इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन पैदा कर सकता है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट चीज है, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, आगे गलत नहीं होगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखिएगा, पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा डियर। ये फोटो आप लोगों से किसके बारे में पूछ रहा है? जल्दी से पढ़ के जवाब दीजिएगा। चलेगा, जवाब दीजिएगा इस फोटो के बारे में। पहली बार देखे 4-5 साल में ऐसे इंस्ट्रूमेंट, बहुत बढ़िया डियर, यहां काम आएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलेगा, इस फोटो को देखेगा, पहचानेगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन अभी तक क्या नहीं किया है, कमेंट नहीं किया, तो कमेंट कीजिएगा डियर। खुद को कॉन्फिडेंट कीजिएगा, खुद के ऊपर सेल्फ मोटिवेशन रखिएगा, अपने और अपने माता पिता के सपनों को याद रखिएगा, कभी थकान महसूस नहीं होगी और उन सपनों के प्रति बढ़ते जाएगा। और इस बार अगर फिर भी मोटिवेशन की कमी हो जाए, पड़ोसी का चेहरा देख लेना कि उस पड़ोस को उसकी औकात याद दिलानी है, तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने मुझे जिंदगी में ताने मारे हैं उन लोगों के लिए मुझे सिलेक्शन लेना पड़ेगा, और जिस दिन सिलेक्शन लेकर के चले जाऊंगा दुनिया की नजरों को झुका दूंगा सिलेक्शन से। उनका जवाब आपको सिलेक्शन से देना है, ना कि मुंह फाड़ फाड़ करके जवाब देना। ये वो नहीं जो लोग आपको ताना मार रहे हैं कि नाटक कर रहा है, रात को 2 बजे तक क्लास का बहाना बनाता है, बड़ा लाइब्रेरी के अंदर घूमता है, पढ़ता नहीं है, जयपुर के अंदर बैठा है, जोधपुर के अंदर बैठा है, पापा के पैसे बर्बाद कर रहा है, उन सब लोगों को जवाब देने का समय आएगा 20 तारीख। और 20 तारीख को इतना बड़ा धमाका कर देना कि उन लोगों की बोलती क्या हो जाए, बंद हो जाए, और सिलेक्शन उस एम्स में लेकर के दिखा देना कि उनकी नजरों के सामने रहेंगे, ओडी मर्सिडीज लेकर के घूमेंगे, आईफोन 13 प्रो लेकर के घूमेंगे और दुनिया को जला के, यानी उनको दिखा देंगे कि हम बैठे नहीं थे, हम मेहनत कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, हम रुकेंगे नहीं। तो यह जवाब क्या जाएगा? यह आपका फोगर है दोस्तों, यह क्या है? फ्यूमिगेशन में काम आएगा, इसको बोला जाता है फोगर मशीन। क्या बोला जाता है? फोगर मशीन बोला जाएगा डियर। क्या बोला जाएगा? फोगर मशीन, जो ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू के अंदर क्या किया जाता है? जी हां, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर के अंदर फ्यूमिगेशन करने में काम आएगा।
और फ्यूमिगेशन वाली कंडीशन के लिए अगर मैं पूछ लूं तो ये फ्यूमिगेशन किसके साथ में, तो फ्यूमिगेशन विद द फॉर्मेलिन भी किया जा सकता है। किसके साथ में? फॉर्मेलिन। बेसिसिल्ड मैंने आपको पढ़ा दिया था, फ्यूमिगेशन विद द फॉर्मेलिन भी कर सकते हो। अगर फॉर्मेलिन के साथ में किया तो 48 घंटे तक आपको क्या करना पड़ेगा, उनको बंद करके रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ध्यान से टेक्निकल टीम इस फोटो को बच्चों की आंखों के आगे जूम कर दीजिएगा ताकि अगर किसी बच्चे का सही से जवाब आ जाए तो। चलिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा इस फोटो के बारे में, जवाब दीजिएगा, जवाब जवाब। इकोशील्ड मैंने पढ़ा दिया था, बेसिसिल्ड के बारे में इकोशील्ड पढ़ा दिया था डियर, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, चलेगा, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखें, पहचाने और जवाब दें। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। सैल्यूट है आप लोगों की मेहनत को, आधी रात को इतनी तादाद के अंदर बैठने की पढ़ने की औकात रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद को लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो सिलेक्शन को रोकेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका क्या है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलोगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल देना, याद रख लेना। ये कोविड के अंदर सबसे ज्यादा यूज हुआ था, ये कौन सी कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा यूज हुआ था भैया, कोविड के अंदर, याद रख लेना। और ये कहाँ देखा जाता है, ये फिक्स होता है, इसके नीचे स्टैंड होता है, यानी ये एक जगह फिक्स होता है, इसको बार बार अपन घुमा फिरा नहीं सकते, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर क्या करेगा, पेशेंट अपने हाथ को डालेगा, याद रख लीजिएगा, पेशेंट अपने हाथ को इसके अंदर इंसर्ट करेगा, उसके बाद में इस बटन को कंप्रेस करेगा और यह आपको क्या देखने को मिल जाएगी, उन भाई साहब की रीडिंग नजर आएगी। तो यह आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया, देख लिया इस फोटो को, बहुत बढ़िया डियर। जी हाँ, ऑटोमेटेड है, अंदर हाथ को डालते ही क्या होगा, वैक्यूम कंप्रेस क्रिएट करेगा, ये अंदर इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, बहुत बड़ा होल होता है, सभी लोगों के लिए एक ही साइज होती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर साइजें बता दो, कोई साइज नहीं है, एक ही साइज है, बड़ा सा होल है, इतना बड़ा हाथ से लेकर के टुचू सा हाथ होगा, सारे इसके अंदर आएंगे और जैसा जैसा प्रेशर क्रिएट कर देगा। जी हाँ, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर है, याद रख लेना, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर है, इन्वेजिव नहीं है डियर, नॉन इन्वेजिव है, कोविड के अंदर यूज हुआ था ताकि पेशेंट को अपने को टच नहीं करना पड़े और मरीज में क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर भी चेक कर लें। क्लियर हो गया डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट से क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए कंटिन्यूअस ब्लडर इरिगेशन। नर्स कौन से मरीज की केयर कर रही है जिसके अंदर कंटिन्यूअस का मतलब लगातार क्या चल रहा है, ब्लडर का इरिगेशन चल रहा है। विच इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन, और कौन सा नर्सिंग एक्शन इंपोर्टेंट रहेगा, तो पहला बोल रहा है मॉनिटरिंग यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी टू डिटरमाइन द हाइड्रेशन। पहला ऑप्शन क्या बोल दिया डीआर, पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है मॉनिटर कर रही है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है हाइड्रेशन के लिए। दूसरा क्या बोल दिया, दूसरा क्या बोल दिया, सबस्ट्रेटिंग इरिगेंट फ्रॉम द आउटपुट टू डिटरमाइन द यूरिन वैल्यू। आपको क्या करना है, जो वैल्यू आपने मरीज को दी है उससे वापस आने वाली वैल्यू को सबस्ट्रैक्ट करें। तीसरा बोल रहा है रिकॉर्डिंग द यूरिन आउटपुट एवरी आवर टू डिटरमाइन द किडनी फंक्शन, हर एक घंटे के बाद में मरीज का यूरिन आउटपुट देखें। और लास्ट बोल रहा है ऑब्टेनिंग ए 24 आवर्स यूरिन। तो याद रख लेना, जब मरीज में कंटिन्यूस ब्लडर इरिगेशन यानी CBI चलती हो, कौन सी चल रही है, CBI, एक CBI की जांच होती है, दूसरा मरीज में ब्लडर का इरिगेशन किया जाता है। इरिगेशन के लिए मोस्ट कॉमन कैथेटर लिया जाता है, 3-way कैथेटर काम में लेते हैं, मोस्ट कॉमनली 3-way कैथेटर काम में लिया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है डियर। या आप जब मरीज के अंदर कहते हैं क्या कर रहे हो, इरिगेशन करोगे, तो इरिगेशन के दौरान इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने बॉडी कैविटी में फ्लूड कितना डाला है और वापस से कितना निकला है। तो जितना डाला है उसमें से वापस निकलने वाले को घटा दो ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको इरिगेशन के दौरान कितना फायदा हुआ। तो क्वेश्चन का जवाब क्या जाएगा, सबस्ट्रेटिंग द इरिगेशन फ्रॉम द आउट टू डिटरमाइन द यूरिन वॉल्यूम। कैसे चेक कर रहे हो, जितना आपने वॉल्यूम डाला वापस से कितना निकला, इन दोनों को घटा करके पता कर लो, तो जवाब चला आएगा राइट आंसर बी होगा, ना तो हाइड्रेशन स्टेटस, ना किडनी फंक्शन देखेंगे, ना यूरिन कंसंट्रेशन देखेंगे, राइट आंसर बी जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ये वाला कंसेप्ट आपको किसमें, पेरिटोनियल डायलिसिस में भी काम में लेना,
ये ब्लडर इरिगेशन वाला का वाला क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है पेरिटोनियल डायलिसिस के मरीज के अंदर, किसके बारे में, पेरिटोनियल डायलिसिस के मरीज में अगर पूछ लेता है कि एक भाई साहब हैं जिनको पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है, यानी पेट के अंदर क्या कर रहे हो, फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, मेटाबोलिक वेस्ट को बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मरीज के अंदर भी क्या करना है, जितना फ्लूड आप बॉडी में डालोगे इन ड्वेल टाइम वाला और वापस से निकालने के दौरान उसको भी सब्सट्रैक्ट करके पता कर लें कि हमने डाला तो कितना था, 1000 ml डाला लेकिन वापस से 900 ml निकला, इसका मतलब तो भैया काम फायदा कहां हुआ, 100 ml तो अटका दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी कैविटी में कितना डाला और वापस से कितना निकला, ये रीडिंग आपको पता करनी है। क्लियर डियर? चलेगा नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को जल्दी से देखिएगा और पहचानिएगा, जवाब दीजिएगा, ये फोटो आपको किसके बारे में पूछ रहा है डियर, ध्यान से इस फोटो को देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जल्दी से कमेंट फास्ट, टेक्निकल टीम्स फोटो को स्विच करके दिखा दे, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, जल्दी से, आप लोगों का जब तक समर्थन मिलता जाएगा क्लास को चलाता जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जिसका ख्वाब नॉर्सेट, नॉर्सेट और नॉर्सेट, नॉर्सेट, नॉर्सेट ही नॉर्सेट है। चलेगा, इस फोटो को देखिएगा, पहचानिएगा, जवाब दीजिएगा, वेइंग मशीन है, डाइथर्मी मशीन है, जल्दी से, लिफ्टिंग मशीन है, वेट मशीन है, हार्मोनिक है, अरे भैया हार्मोनिक चला गया, जल्दी से, वेट मशीन है, ईसीटी है, पता नहीं है, लाइव है, ईसीजी है, ईसीटी है, अरे भैया ध्यान से देखो ईसीटी कहाँ है, अरे इसके ऊपर क्या लगा रखी है, एक ये देखिएगा, ये आपने एक कड़ी लगा रखी है, कड़ी का मतलब जिसके ऊपर कुछ चीज अटकाई जाती है, और इसके ऊपर क्या लगा रखा है, ये आपने वेट के लिए एक रीडिंग लगा रखी है, और ये इसके ऊपर डिजिटल बोर्ड लगा रखा है, इसको बोला जाता है भैया जी डिजिटल, क्या बोलोगे, डिजिटल सर्वाइकल, डिजिटल सर्वाइकल वेट ट्रैक्शन, डिजिटल सर्वाइकल वेट ट्रैक्शन, याद रख लेना, सर्वाइकल इंजरी के मरीज के अंदर जब वेट का ट्रैक्शन लगाया जाता है तो कई कंडीशन के दौरान इसका काम लिया जाता है, इसके अंदर आप क्या कर दोगे, वेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर दोगे, मेंशन, सर्वाइकल इंजरी यानी भाई साहब की गर्दन टूट गई, ओ माँ गिरा, गिरते ही गर्दन टूट गई, टूटने के दौरान गले के ऊपर पट्टा लगा दिया, पट्टा लगा करके गर्दन को फिक्स कर दिया यानी इमोबिलाइजेशन कर दिया, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने बोला कि गर्दन को खींच के सर्वाइकल ट्रैक्शन लगा दो, ट्रैक्शन के दौरान क्या लगा दिया आपने, वजन लगाने के लिए जो आप ईंटें लगाते हो, याद रखा आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि ईंट लगा दो, ईंट बांध दो, वजन लगा दो, पत्थर बांध दो या खींच करके बांध दो, अरे खींच करके बांधते हो तो कभी प्रेशर ज्यादा कभी कम, लेकिन अगर यहां एग्जामिनर ने बोला कि 5 kg वजन लगाओ तो उतना, एग्जामिनर ने बोला 10 kg तो 10 kg, एग्जामिनर ने बोला 1.3.5 kg तो उतना, जितना बोलोगे उतना रीडिंग का अगर वजन लगाना है, क्यों लगाना है याद रख लेना, अगर मैं आपको बोल दूं कि फीमर के ऊपर ट्रैक्शन लगाना है, थैंक यू सो मच डियर, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि फीमर के ऊपर ट्रैक्शन लगाना है, फीमर के ऊपर ट्रैक्शन लगाने का मतलब पैर को खींच लिया, अरे भैया जी पैर को 5 kg खींचना था, 6 kg खींच लिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्वाइकल कैविटी को, जी हाँ सर्वाइकल के अंदर इंजरी हो गई, उसको जितना खींचना है उतना ही खींचना है, अगर ज्यादा खींच लिया तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, बोले तो मरीज में रेस्पिरेटरी की भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र से बड़ा नजदीक से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से आपका क्या निकलेगी, जी हाँ फेरनिक नर्व यहीं से निकलती है जो डायफ्राम को सप्लाई होती है, वहां दिक्कत पैदा कर देगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू डियर, चलेगा यहां आपको क्या करना है, जितना वजन लगाना है उतना ही लगाना है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है डिजिटल सर्वाइकल वेट ट्रैक्शन, क्लियर हो गया, ये देख लीजिएगा, यहां से वजन लगा करके इसको क्या कर दोगे, लटका दोगे, जितना वजन क्रिएट करोगे उतना वजन ये खींच करके लगा देगा, क्लियर हो गया डियर, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इसको नहीं पहचानना है, जी हां दोस्तों इन मैडम जी को नहीं देखना है, आपको किसको नजर देखना है, इनके गले के ऊपर लगे हुए पट्टे को पहचानना है, चलेगा इनका मुंह काला कर देता हूं वरना आप इन्हीं को घूरते रहोगे, चलेगा इनका मुंह क्या कर देता हूं डियर, मैं काला कर देता हूं ताकि आप इनको घूरना बंद करके क्या दबाव दे दोगे, चलेगा ये देखिएगा इनकी सुंदरता को कम कर दिया है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ट्रैक्शन के बारे में पूछा है, कौन सा ट्रैक्शन लगा हुआ है मरीज के अंदर, चलेगा कई बच्चों का तो थोड़ा सा मैंने दिल भी तोड़ दिया है कि सर 2 मिनट देख तो देने थे, 1 मिनट देख लेते तो दिल खुश हो जाता, नींद भी नहीं आती, टेंशन भी नहीं होती, पर क्या करें हैं, इसको तो रोक दिया, अब जवाब दो, अब पहचानो, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, अब जवाब दो बेटा जी, मैंडिबल सपोर्ट, जो ट्रैक्शन,
कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। दिल टूटने के बाद में जवाब भी धीरे आता है, कोई नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो डियर। क्या जवाब जाएगा? हेड एल्टर नहीं जाएगा। यह आपको इसका बोला जाता है फेशियल स्लिंग। इसको क्या बोलोगे? फेशियल स्लिंग बोला जाता है, याद रख लेना। और मोस्ट कॉमनली इसका यूज कौन सी कंडीशन में होता है? बेल्स पाल्सी मरीज में। बेल्स पाल्सी के मरीज के अंदर आपको ऐसी स्लिंग देनी है, क्योंकि याद होगा बेल्स पाल्सी का मतलब सेवंथ क्रेनियल नर्व क्या बना दिया। जी हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते, यही हो गया भैया जी। चले क्लीन करें, ये लो क्लीन कर दिया, वापस से देख लो, कोई नहीं, चिंता नहीं करें। अब मैंने क्या बोला था, अब कंडीशन याद रख लेना, मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिला? बेल्स पाल्सी वाले मरीज में। बेल्स पाल्सी का मतलब मरीज के अंदर सेवंथ क्रेनियल नर्व में डैमेज हो जाएगा। कौन से नर्व में? सेवंथ क्रेनियल नर्व में डैमेज होगा। सेवंथ क्रेनियल नर्व में अंदर जब डैमेज होगा तो फेशियल एक साइड से क्या हो जाएगा? चेहरा लटक जाएगा, आंख फटी की फटी रह जाएगी, चेहरा साइड से लटक जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपको मरीज को क्या देनी है? फेशियल स्लिंग देनी है, जो क्या करेगी, यहां से जबड़े को फिक्स करेगी। वो क्या करेगी? यहां से लेकर के यहां इस मुंह को पूरा का पूरा बंद रख के एक पोस्चर मेंटेन करने की करेगी। यानी यहां क्या करेगी? मेंटेन द पोस्चर। क्लियर है डियर? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से पढ़िएगा, राफेल की तरह उड़ाएगा डियर। चलेगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? कमेंट फास्ट डियर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने पूछा है ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे। चलेगा, पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन होने के बाद में पहला दिन है। पोस्ट ऑपरेटिव डे फॉलोइंग ए थायरोडक्टमी ए क्लाइंट टॉलरेट ए फुल फ्लीमेंट डाइट। एक थायरोडक्टमी का मरीज था जो क्या कर रहा है? टॉलरेट कर रहा है फुल फ्लूड डाइट, पूरे के पूरे पानी की डाइट ले रहा है। दिस चेंजेस दैट द सॉफ्ट डाइट ऑन द सेकंड डे। और दूसरे दिन उसको क्या बोल दिया कि फ्लूड डाइट से आप सॉफ्ट डाइट लेना शुरू कर दो, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव डे क्लाइंट रिपोर्टेड हैविंग ए शोर थ्रोट। और उसने बोला कि मेरे गले में कोई दिक्कत है, दर्द होता है, शोर थ्रोट हो गया, मेरे गले में क्या हो गया? शोर थ्रोट हो गया है स्वालोइंग। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? वापस से क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। एक मरीज है जिसका ऑपरेशन के बाद में पहला दिन था, पहले दिन उसको क्या देना शुरू कर दिया था? सॉफ्ट डाइट, फुल फ्लूड डाइट, यानी उसको पानी पिलाना शुरू कर दिया था। उसके अगले दिन डॉक्टर साहब ने क्या बोल दिया? सॉफ्ट डाइट देना शुरू कर दो। पानी ढंग से पी सकते हो? कि हाँ साहब पी सकते हैं, तो इनको सॉफ्ट डाइट दे दो। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, मरीज को फ्लूड डाइट देने से पहले हमेशा देखना होता है गैग रिफ्लेक्स। इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, याद रख लेना। मरीज को क्या दे रहे हो? मरीज को क्या दे रहे हो भैया जी? फ्लूड देने से पहले हमेशा क्या चेक करना है? गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। क्या चेक करना है? गैग रिफ्लेक्स मरीज के अंदर चेक करना है। गैग रिफ्लेक्स क्या करना है? मरीज के अंदर चेक करना है। और दूसरा, मरीज को क्या करना है? सॉलिड डाइट। मरीज को सॉलिड डाइट देने से पहले आपको मरीज के अंदर क्या करना है? तो हमेशा आपको चेक करना है बोवल मूवमेंट। क्या चेक करना है? बोवल मूवमेंट चेक करना है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। पानी पिला रहे हो उससे पहले गैग रिफ्लेक्स देखो कि कहीं एस्पिरेट तो नहीं कर ले, कहीं एस्पिरेट तो नहीं कर ले। और स्टार्टिंग में अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो भी उसको थोड़ा थोड़ा पानी देना है। नेक्स्ट क्या बोल दिया आपसे कि मरीज के अंदर नेक्स्ट क्या बोल दिया कि गैग रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है, गैग रिफ्लेक्स आ गए तो थोड़ा थोड़ा पानी दो। नेक्स्ट, दूसरे दिन खाना देना है तो उससे पहले बोवल मूवमेंट चेक करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर अगर आपसे एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को मैं अगर चेंज कर देता कि एक मरीज है जो फुल फ्लूड डाइट ले रहा है और अब उसको क्या देना चाहते हैं? सॉफ्ट डाइट देना चाहते हैं। सॉफ्ट डाइट देने से पहले नर्सिंग प्रायोरिटी क्या देखने को मिलेगी? तो असेस द बोवल साउंड। उस कंडीशन में क्वेश्चन का जवाब क्या चला जाएगा? असेस द बोवल साउंड। फिर गैग रिफ्लेक्स नहीं देना है जब वो पहले से पानी पी रहा है। अब गैग रिफ्लेक्स मत देखो, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाओ। आगे क्या कराना चाहते हो? आगे खाना खिलाना चाहते हैं। खाना खिलाना चाहते हो तो बोवल साउंड देखो। खाना खिलाना चाहते हो तो क्या चेक करो? बोवल साउंड को देखो। अब वापस से गैग नहीं देखना, हमेशा जिस जैसे स्टेप पे खड़े हो उससे आगे जाना है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मरीज ने मेंशन कर दिया कि पानी पी लिया, अब गैग रिफ्लेक्स का कांसेप्ट खत्म हो गया, अब बोवल पे फोकस करो। मरीज ने लिख दिया खाना खा लिया तो बोवल का भी कांसेप्ट खत्म हो गया। क्लियर है? यहां देखिएगा, मरीज ने क्या बोला? सोर थ्रोट। अरे भैया जी, जब थायरोडक्टमी करोगे तो सोर थ्रोट होगा, जब थायरोडक्टमी करोगे तो मरीज में सोर थ्रोट होना कॉमन फाइंडिंग है। पहला बोल रहा है रिकॉर्डेड द फुल फ्लूड डाइट, उसको क्या बोलेंगे कि आप फुल फ्लूड डाइट देते रहो, उसको रिकॉर्ड करेंगे, भैया गलत। दूसरा बोल रहा है नोटिफाइड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नहीं, ये कॉमन फाइंडिंग है, कॉमन फाइंडिंग डॉक्टर साहब को नहीं बताई जाती। नेक्स्ट बोल रहा है एडमिशनिंग एनाल्जेसिक एज पर बिफोर मील। जी हाँ, जो डॉक्टर साहब ने पहले से मेंशन कर रखा है कि मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव में जब दर्द हो तो
दर्द निवारक के रूप में आपको ये दवाई देनी है वो मरीज को देनी है। जी हाँ, अगर मरीज को आपने प्रेस्क्राइब या एनाल्जेसिक नहीं दी तो इसका सोर थ्रोट रिजोल्व नहीं होगा। सोर थ्रोट का कारण क्या है? ऑपरेशन है, नॉर्मल फाइंडिंग है, हर एक दूसरे मरीज में देखने को मिलता है। लास्ट बोल रहे हैं प्रोवाइड ए सलाइन गार्गल फॉर द मॉइशन द म्यूकस मेम्ब्रेन। जी नहीं, जब म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस करोगे तो भी दर्द कम नहीं होगा, दर्द तो वो का वो रहेगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी राइट आंसर जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा डियर, क्लियर है? तो आई होप आप सभी लोगों ने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा डियर, अच्छे से पढ़ा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बहुत अच्छी तादाद के अंदर आपने क्लास को मेंटेन किया। कल भी धमाका इतना बड़ा करेंगे, कल आपका वेंटिलेटर पढ़ा दूंगा, एनेस्थेटिक के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो पढ़ा दूंगा, सूचर्स के बारे में पढ़ा दूंगा, और कुछ आईसीयू और ओटी के अंदर बनने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो कल की क्लास के अंदर भी बचा करके रखें। तो कल मिलना मत भूलिएगा, रात को 8:30 बजे बहुत बड़ा धमाका करेंगे नॉर्थसेट के रिगार्डिंग, यानी इस बार नॉर्थसेट से कम अपने को कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। अच्छे से पढ़ते रहेगा, मस्त रहेगा। अगर आपको क्लास के अंदर कोई जानदार शानदार चीज लगी हो तो क्लास एंड होने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना, ताकि दूसरी बड़ी एनर्जी के साथ में आपके सामने क्लास को प्रस्तुत किया जा सके। इसी प्रकार से पढ़ते जाएगा, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। जब आपने सोच लिया है कि नॉर्थसेट चाहिए तो दोस्तों अब यह नहीं देखना है कि रात की 11 बज गई, 12 बज गई, 2 बज गई, 4 बज गई, यह नहीं देखना है, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, और सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपका सिलेक्शन रोके। इसी प्रकार से पढ़ते रहे, अपने और अपने माता पिता के सपने के बारे में हमेशा सोचे, और बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ में, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू डियर, गुड नाइट।